जी जनाब, तमाम दोस्तों को रुस्तम शाह लाइव में आपका होस्ट रुस्तम शाह वेलकम कहता है। आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक हफ्ते बाद आप सबसे दोबारा मुलाकात हो रही है। चले आज की शो का जल्दी से आगाज करते। जो जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी वेलकम। अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग हमने खास टॉपिक्स पे जो है बात की थी, तो एक चीज जो है वो मुझे, मैंने शायद आपसे पहले भी जिक्र किया, मेरा कुछ लोगों से इंटरेक्शन रहता है ईमेल पे। मेरे कुछ पुराने दोस्त थे जो अभी तक जो है मुझसे कांटेक्ट में, कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे जो कि मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनको डर लगता है, वो नहीं चाहते कि उनके यूट्यूब के चैनल्स पे वो कोई लोग ये कहे कि जी उन्होंने एक पाकिस्तानी मुल्हित का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, तो उनको डर लगता है। लेकिन वो मेरे से कॉन्टेक्ट होता रहता है, तो और भी कुछ दोस्त तो चैट पे या कमेंट्स में करते रहते हैं, तो वो एक कंप्लेन दो तीन आई है, तो मैं पहले उसको जल्दी से एड्रेस करते, उसके बाद फिर बाकायदा इसका आगाज करते हैं। तो ये जनाब, मैं ऑफिस में था तो मैंने जल्दी से वहां से प्रिंट करके ले आया। तो ये जनाब है इरशाद हुसैन बाजवा साहब, ने मुझे ईमेल लिखी। अच्छा, उसमें कोई खास कंप्लेन नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक मेरे एक मॉडरेटर के साथ है, इंस्टा डॉट मिल जी। तो इंस्टा डॉट मिल जी, आप तैयार है, आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। आपके खिलाफ नहीं है, मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैंने उसको आप पे धर दिया है मैंने। चले, वो ये कहते हैं इरशाद हुसैन साहब, कहते हैं कि रुस्तम शाह साहब आदाब, चूंकि आप हमेशा आदाब कहते हैं इसलिए मैं आपको सलाम नहीं लिख रहा। अच्छा, ये उन्होंने उर्दू में लिखी है इसलिए मैं उर्दू से पढ़ रहा हूँ, मैंने इसको प्रिंट आउट किया हुआ। और तो वो कहते हैं अच्छा जी ठीक होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, आपने काफी अरसे से करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करने और बंद कर दिए हैं, और आपको आप लगता है कि आप को हिंदुस्तान बहुत पसंद है, आप हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, उनके रिलीजन पे बात करते हैं, आपने इस्लाम पे बात करना छोड़ दी है। वैसे कोई बात नहीं है, वैसे ये साहब जो है वैसे मुसलमान है, उनको बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस्लाम की बात करता हूँ, लेकिन अब ये कह रहे कि मैं इस्लाम की बात ही करता। एनीवे, तो बेसिकली इनकी कंप्लेंट ये थी कि एक तो भाई मैं करंट अफेयर्स पे बात नहीं कर रहा, मुझे उस पर बात करनी चाहिए, और दूसरा उन्होंने एक खास उन्हें बात की, उन्होंने कहा कि कुछ अरसे पहले आप ये बड़ा कहा करते थे कि जो सऊदी अरब के किंग सलमान है, सॉरी MBS है, मोहम्मद बिन सलमान, वो सियासी तौर पे वो होने वाले हैं, मतलब उनकी वैल्यू खत्म होने वाली है, तो वो तो अभी भी मौजूद है, तो आपका वो दावा गलत साबित हो गया, जिससे साबित होता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा जी, तो ये उनकी, चलो जी उर्शाद साहब बाजवा साहब, मैंने आपकी ये पढ़ दी है। अच्छा, मैं जल्दी से आपको उसका जवाब दे दूं, क्योंकि मुझे पता आप मुझे सुन रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मुझे ईमेल लिखते तो मैं पढ़ता नहीं, मैं पढ़ता हूँ तकरीबन सारी ईमेल पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चूंकि फुल टाइम जॉब भी करता हूँ तो कई दफ़ा मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं कलेक्टिवली कई बातों का जवाब अपने शो में कर देता हूँ, और इसी तरह ये मैं आपका जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी, जो पहली बात करंट अफेयर्स वाली, भाई मेरे ख्याल में हम हर दफ़ा हर शो में कोई ना कोई उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। आई डोंट नो आपको ये कैसा लगा कि नहीं हुआ, हाँ कुछ अरसे से, लेकिन ज़ाहिर है आदमी सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, देखता रहता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आज आपकी ये कंप्लेन भी आज करते हैं। और रही बात MBS वाली की, जी वो सियासी तौर पे इररेलीवेंट होने वाले हैं, यस आई मेड दिस स्टेटमेंट, और लेकिन इसमें मैं कसूर जो हूँ वो मैं अपने दोस्त इंस्टेंट आउटमेल पर डाल देता हूँ। बिकॉज मुझे याद है हम लोग जो है ना एक दफ़ा कहीं ईमेल पे शायद बात कर रहे थे, तो आई जस्ट सेड जोकिंगली तो कि यार MBS आपको हटा देना चाहिए, क्या कहते हैं आप? तो इंस्टेंट डॉट पिल ने भी इसी तरह जोकिंगली कहा, नहीं शाहजी ऐसा करते हैं, रहने दें, आप उसको हटा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक वो ही सीम्स टू बी अ रिफॉर्मर, वो लगता है कि थोड़ा सा अपने मुल्क कट्टरपन जो है ना वो कम करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ख्याल में उसको कुछ अरसे रहने देते हैं। तो इरशाद हुसैन बाजवा साहब, ये इंस्टेंट डॉट पिल साहब का सजेशन था, उनके सजेशन पे हमने कहा चले हम थोड़ी सी उनको थोड़ा सा और देते, और अभी जब हम बाद में इंस्टा डॉट पी एल जी को लेंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है जी? तो अब चूंकि ये कंप्लेन आ गई है तो हम इसको जल्दी से एड्रेस भी कर लेते हैं। हमारा आपका सब्जेक्ट आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा आज का, वैसे हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है आई विल ऑलरेडी लिविंग इन अ रिलीजन फ्री वर्ल्ड, और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों।
देखिए, मैं समझता हूँ कि हम जो अगर आप रीसेंट दिनों में होने वाली जो स्ट्रीम्स है ना, इतनी सारी स्ट्रीम्स हो रही है आजकल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान से भी हो रही है, तो हम मैंने एक चीज़ नोट की कि हम अपने पास्ट में कुछ ज़्यादा ही चले गए, हम उसको कुछ बहुत ज़्यादा ही इसको अहमियत देने लग गए, वी मतलब हमने थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ जो है ना उसका कम कर दिया। और जो हमारे करंट इश्यूज है ना, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी लाइफ से, जिंदगी से, स्टेटस से, मैं समझता हूँ उसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम भूलते जा रहे हैं, तो उस पर बात करना चाहूँगा। लेकिन चूंकि अब ये कंप्लेन आ गई है, तो मैंने चूंकि वादा किया था, तो मैं थोड़ी सी दो तीन चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो पिछले हफ्ते में मेरी नज़रों से गुजरी हो, जो मैं समझता हूँ तो उस पर थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए। उम्मीद है, मुझे पता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपने देख ली होंगी। अभी कुछ अर्से पहले जो मेरे रेगुलर जो दोस्त थे जो मुझे देखते हैं, उन्होंने मुझे एक दो और चैनल पे भी देखा होगा, तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसी बातें हुई जिसपे मैंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का एक इजहार किया, और उस पर काफ़ी डिसएग्रीमेंट हो रही थी। उसमें एक ये थी, अभी जो रिसेंटली आपने कोविड के, हमने बहुत लंबे शो किए हैं कोविड सिचुएशन पे इंडिया पाकिस्तान में, उसका एक अनफॉर्चुनेटली एक डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना, अभी एक रिजल्ट हमारे सामने आया है, और अब ये लग रहा है कि जो हम जो बात कर रहे थे, मतलब तो मैं और इंस्टेंट आउटमिल वगैरह, हम जो बात कर रहे थे कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, वो अब ये एक आज की ताज़ा प्रिडिक्शन है। आई होप कि मैं अपने दोस्तों से इसको पूछूंगा कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 GDP ग्रोथ एट -7.3% एज कंपेयर टू 4.0% इन 2019-20 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट इंडिया ऑलरेडी कह रही है कि इस कोविड की वजह से जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, तो अगले साल मतलब इस साल भी 2021 बोथ में जो जो GDP ग्रोथ की जो उन्होंने कंपेयर कैलकुलेट की है, उसकी जो रेशियो है, इट्स -7.3%। उससे पहले भी मेरे ख्याल में कुछ इससे ज़्यादा थी, वो थी क्या 24% थी, आई डोंट नो ये 4% वाला नंबर कहाँ से आया। लेकिन इससे ऑलरेडी देखे, जब आप मतलब जो जो मेन इश्यूज है ना, हम सब कलेक्टिवली इंडिया पाकिस्तान दुनिया में, हम जो अपने जो मेन इश्यूज हो, जब उसको इग्नोर करना शुरू कर देना, तो फिर ये होता है। हमें इस बात में मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है कि कोविड के सिचुएशन को बहुत इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह मिसहैंडल किया गया। पाकिस्तान में फिर भी थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर है, ऑल्दो दे जस्ट सेड कपल ऑफ डेज अगो कि पाकिस्तान की जो GDP है 4.94% के हिसाब से उसने ग्रो किया है लास्ट ईयर, तो वो कहते हैं, उस पर भी कुछ लोगों को डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल में आप नंबर्स को छुपा नहीं सकते आजकल के दौर में, तो इवन पाकिस्तान का लिटिल बेटर देन इंडिया। और जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं जब जब हम बात करते थे ना, जब देखते थे, तो वी ऑलवेज थिंक इंडियन इकोनॉमी जो है ना बड़ी तेजी से, इसको जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ऑलरेडी यू नो एवरीबडी नोज दैट। लेकिन चले, इट विल बाउंस बैक, आई एम प्रीटी श्योर ऐसा होगा। लेकिन ये जो इस कोविड की वजह से कुछ जो साल है इंडिया की जो प्रोग्रेस के, ये चार तीन चार साल जो जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती थी, इस कोविड वायरस ने उसका बेड़ा गरक कर दिया है, और मेरे ख्याल में हम सबको इसका असर जो है नज़र आ रहा है, और बल्कि हम सब के आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से मुतासर हुए, बल्कि हमारी स्ट्रीम में भी। और मैं लास्ट टाइम भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि इवन हमारी स्ट्रीम में भी मेरे एक रेगुलर गेस्ट थे, राजेंद्र प्रसाद जी, अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि वो पिछले हफ्ते, आई थिंक 10 days ago, 7-10 days ago, ही डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड। और मेरी जब उनसे लास्ट टाइम बात हुई थी, जब शो उनकी वफात से पहले, उनकी डेथ से पहले, तो ही टोल्ड मी कि उनको पहली इन्फेक्शन, जो कोविड की पहली वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने उनसे कहा था कि येस यू हैव डन अ गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच, अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो उस एज में थे, उस एज ग्रुप में थे जो कि रिस्क फैक्टर में आते थे। बट सैडली ही डाइड, और मेरी तरफ से, बल्कि हम सब की तरफ से, उनकी फैमिली के लिए जो है सिंपथीज है हमारी उनके लिए। आई होप कि उनकी फैमिली को जो है ये जो लॉस है, ये परमानेंट लॉस है, इसको बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत होगी।
तो राजेंद्र प्रसाद जी, रेस्ट इन पीस। लेकिन जिस बात का मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ा वो इस बात पे था, कल मेरी बल्कि सीसीजी के साथ भी बहस हो रही थी, मैं उस दिन वो कल बात भूल गया। हम बात शुरू हुई थी कहीं से मेडिसिन से, मतलब एलोपैथिक और ये जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक और जो पाकिस्तान में हुकूमत है। अच्छा, वहाँ ये बड़ा कोट किया जा रहा था कि जी आपको समझ नहीं है। भाई, हम कोई जो मार्स से या चांद से नहीं आए यार, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक तकरीबन इसी तरह के पैरेलल जो है ना सिस्टम चलता है, जिसको हम हिकमत कहते हैं। हमारे यहाँ भी हकीम जो है ना बहुत सारे, अगर आप पाकिस्तान की दीवारों पर जो देखे ना, जो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की जो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, वो इसी इसी तरह की मेडिसिन की हो रही होती है। दीवारों की दीवारें भरी हुई हैं। तो ये एक साहब है बड़े मशहूर इंडिया में, इन्होंने जा वो डॉक्टरों के ऊपर बड़ी तनकीद की, कहा कि जी एलोपैथी जो है उसकी वजह से बहुत से लोग मर गए, इवन डॉक्टर मर गए, और ये ऐसा है वैसा है। मतलब एक तो होता है ना कि आदमी, खैर मतलब इसमें डॉक्टर्स का क्या कसूर है? डॉक्टर्स तो वो लोग हैं या मेडिकल स्टाफ वो लोग हैं जिन्होंने इस कोविड के दरम्यान, इनका कोई कसूर नहीं था, मिसमैनेजमेंट की सियासी पार्टीज ने, ठीक है, उसमें कुछ उनके रिलीजियस आइडियाज भी थे, उस मिसमैनेजमेंट की वजह से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल केंद्र सरकार हो, अस्पतालों पे बोझ पड़ा। डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने ये देखे बगैर कि यार ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, उन्होंने दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगर इस कोविड पेंडेमिक में कोई ऐसा है ना जिसको प्रेस किया जा सकता है, तो वो मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स है, और उनमें से भी सैकड़ों डॉक्टर जो इस कोविड की वजह से, क्योंकि वो दे वर ऑन द मिशन टू ट्रीट दीज पेशेंट्स। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी भी शायद किसी हॉस्पिटल में होंगे, उनको भी किसी डॉक्टर ने ट्रीट किया होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर उस डॉक्टर ने या उन डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की होगी उनको बचाने की। तो ऐसे डॉक्टर्स जो है ना, ये हमारे लिए हीरो है। तो जब आप उनके ऊपर सिविल वैसे कि जी मैं एक खास किस्म की चूंकि बिलीफ रखता हूँ, तो ये ऐसा है वैसा है, आई मीन दिस इज अनप्रेसिडेंट, इस तरह के लोग जो है ना। और फिर जब आप उसको उनको ये कहो कि भाई ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ये लोग एक अनसाइंटिफिक मेथडोलॉजी को, जब आप उनसे कहो ना इसकी क्या वैलिडिटी है, तो वो आपके सामने कोई ना कोई अपनी तरफ से सो कॉल्ड रिसर्च ले आएंगे। अच्छा जी देखो जी ये रिसर्च है, इस पर ये पूरा हो गया, इसके ये इफेक्ट होते हैं। यस, आप वो टर्मेरिक कल की बात हो रही थी, वो भी 2-3 चमचे खा लेंगे, उसका भी आप पे साइड इफेक्ट होगा या उसकी बॉडी पे इफेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन, इवन एलोपैथिक मेडिसिन भी नेचुरल उसकी वो है, सोर्स है, उससे बनती है। एस्प्रिन का देख ले, वो एक प्लांट बेस्ड किसी कंटेंट से बनती है। तो सिर्फ ये कह रहा कि जी वो तो नुकसानदेह है, और फिर इतनी बड़ी साइज जो इतनी जरा उस तरीके से बनाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये आयुर्वेदिक या हिकमत जो पाकिस्तान में कभी उन्होंने इस तरह उसके रिजिड टेस्ट किया हो। लो ठीक है, आपको अगर आयुर्वेदिक खानी है जरूर शौक से खाए, लेकिन फिर उसको जो है ना, उसको कहे कि ये फेथ बेस है, साइंटिफिक इसकी वैलिडिटी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जो है ये इसके खिलाफ काफी बैकलश हुआ। मुझे खुशी है कि एटलीस्ट डॉक्टर्स ने इसको इसके खिलाफ खड़े होकर बात की कि भाई अगर आपको इतना शौक है, तो आई डोंट नो ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो ये साहब ये कह रहे हैं कि अरस तो उनका बाप भी नहीं कर सकता, विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक ए सैडली अ ट्रू स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता कि जी आजकल के इस सियासी माहौल में कोई बाबा, और एनीवे ठीक है, मुझे पता है कि उस आदमी की ये जो स्टेटमेंट है जो इस तरह की दी है, इट्स बैड वन, लेकिन मैं उसको इस तरह सेंस में नहीं लेता कि उस पर उसको पकड़ लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उसकी उसकी जो है उसको क्रिटिसाइज करने का हमें हक है, उसको ये कहना चाहिए कि भाई ये क्या फजूल बात है। तुम अगर उन डॉक्टर्स को जो अपनी जान को खतरे में डाल के, उनको पता है कि ये वायरस बहुत इन्फेक्शियस है, ठीक है, उन डॉक्टर्स में भी बहुत से एजेड लोग थे, उनको भी हो सकता है कोई बीमारी हो, दे टुक दैट रिस्क नोइंगली कि इससे उनकी अपनी जान को खतरा हो सकता है, उनकी फैमिलीज को पता था कि ये हो, और वो उन्होंने ये नहीं कि 4-4 या 5-5 घंटे काम किया, बाज इवन अभी करंट सिचुएशन में उन्होंने 12-12 घंटे 16-16 घंटे की भी शिफ्टें की है डॉक्टर्स ने, या कर रहे हैं। मतलब उनको बजाय आप थोड़ा सा सपोर्ट प्रेस करने के, अगर आप सिर्फ उनको ये कहना शुरू कर दें कि जी भाई वाह वाह वाह,
इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और बल्कि इनका बाबा जी का, रामदेव साहब का एक और क्लेम सामने आया कि मैं तो अभी जो है 1000 एलोपैथिक डॉक्टर्स को कन्वर्ट करूंगा। अब ये पता नहीं किस कन्वर्जन की बात करें भाई, कन्वर्जन क्या होता है यार। तो इस तरह मतलब जो रियल सर्विस कर रहे हैं लोगों की, उनकी कहना चाहिए कि जो जिस जनता की जो बाकी खिदमत कर रहे हैं, जो लोग, जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, तो उनके खिलाफ इस तरह की जो है, आई डोंट नो इट्स रिलीजियस बेस्ड, हो सकता है मेरे दोस्त बताए इसमें कुछ रिलीजियस इन्वॉल्व है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन एटलीस्ट उनको अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज भी ना करें। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि जी शाहजी इज स्टिल एंग्री। नो, आई वॉज एक्चुअली एंग्री इस बात में कि जी उन जो डॉक्टर्स है, जो बाकी रियल हीरोज है, जब उनकी आप सर्विसेज को इस तरह वो करेंगे, मॉक करेंगे जिस तरह इन्होंने किया या इस तरह लोग कर रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स उस पर आपको गुस्सा आना चाहिए। और दूसरा सेकंड ये कि ये उससे भी मुझे उस बात पर भी अफसोस था, ये राजेंद्र प्रसाद जी वाली बात का भी, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि मैं अगर उनके शूज में, ही वॉज प्रॉबली यू नो लाइंग इन अ हॉस्पिटल बेड, आई डोंट नो, लेकिन आई कैन अज्यूम कि उनके घर वालों ने कोशिश की होगी, एंड सम डॉक्टर वहाँ ये नहीं थे कि ये बाबा रामदेव वहाँ जाके उनको बताने की कोशिश कर रहे होंगे। सो इन दिस सेंस इस कोविड ने जो बड़ा नुकसान किया है उसका हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ये इसको मिस हैंडल किया गया, और उसके बाद इस तरह के आप जख्मों पर अगर नमक छिड़केंगे तो आई डोंट नो, इट इज माई ओपिनियन, ठीक है, इसको आपका गुस्सा है, एंगर है, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बट अगर आपको लगता है फाइन, ये आपका ओपिनियन है। चले जी, लेकिन ये इकोनॉमी वाली बात ये है खतरनाक बात है, क्योंकि ये जो चार या पांच साल जो इसकी वजह से जाया हुए वो सेव हो सकते थे। अब देखें वही चीज जो है वो आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक खबर जो मैंने और जिसका मुझे मुझे देखिए, मैं अगर टैक्स पेयर हूं ना, जैसे कि मैं हूं, तो अगर मेरे टैक्स पेयर के पैसे मुझे जो मेरे ख्याल से अगर किसी ऐसी चीज पर लगाए जा रहे हो ना जिसकी मुझे कोई तुक, या अगर कोई मेरी सेंस में अगर उसकी कोई तुक नहीं बनती, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इसी तरह आपके साथ भी होता होगा आप सोचते होंगे यार ये मेरे टैक्स पेयर के पैसे किधर जा रहे हैं। ठीक है, आपको हक हासिल है। इसी तरह की न्यूज़ एक पाकिस्तान से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड उसको देख के मुझे पहले से पता था कि जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, वो तो वैसे थोड़े से यू नो मेंटल केस है। तो ये जनाब उनकी जो वाइफ है, ही इज़ इवन स्ट्रेंजर, मतलब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो फर्स्ट लेडी है बुशरा बीबी, विच इज़ दैट नाइस लेडी, आपको बीच में नजर आ रही है, इन्होंने काले रंग का बुरका पहना हुआ है, और ये इस तरह हमेशा इस तरह के निकाब में और हिजाब में होती हैं, विच इज़ फाइन, अगर आपको अच्छा लगता है, आप अपने आप को जो है निकाब पहना चाहते हैं, फाइन, दिस ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मुझे कोई हक नहीं है इस पर। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, ठीक है, तो आपकी जो परसेप्शन है दुनिया में वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये उन्होंने, इमरान खान बहुत अरसे से पाकिस्तान में कह रहा था कि वो पाकिस्तान में सूफीज़म और सूफी साइंस के ऊपर, कोई पता नहीं किस साइंस की वो बात कर रहे थे, उसकी कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। मतलब वो प्लान अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, ही स्टिल थिंकिंग, या वो लोग इसी पर सोच रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उन्होंने लाहौर में कुछ दिन पहले एक रिसर्च सेंटर, सो कॉल्ड रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेट, जिसमें सूफीज्म और इससे रिलेटेड मिस्टिक साइंसेस पर रिसर्च होगी। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज की साइंस होगी, ये मेरे ख्याल में वो जो हमारे एंटी थियस साहब एक दफा वो गलती से, आई स्टिल डोंट नो ये वो कैसे उस कबर में गिर गए थे, हो सकता चले, आज मैं पूछूंगा, उस दिन मैं भूल गया था। तो ही उनके साथ एक वाकया हुआ था, जिन लोगों ने सुना है तो वो जरा दोबारा उसको सुन ले। एक दफा वो अचानक किसी भी वजह से एक कब्रिस्तान में पहुंच गए थे, और फिर किसी भी वजह से, एक रैंडम किसी वजह से,
वो एक कब्र में गिर गए, और रैंडमली उसी वक्त ही किसी वजह से एक आदमी वहां से गुजर रहा था, तो उन्होंने उसको आवाज दी, यार इधर आ भाई, मुझे हाथ दे, मैं कब्र में गिर गया हूँ। तो वो जो आदमी था वो भाग खड़ा हुआ डर के मारे कि उसने एक भूत या जिन को देख लिया है। अब मुझे नहीं पता हमारी जो बुशरा बीबी है, जो इंस्टीट्यूट बना रही हैं या बनाना चाहती हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, आई होप कि टैक्स पेयर्स की मनी से, पैसों से नहीं बनेगी। अगर आपको इस तरह के काम करने का शौक है, आप प्राइवेट फंडिंग करें भाई, लेकिन पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से भाई इसको ना करें। तो ये शायद इस पर रिसर्च होगी कि कितने जिन जो है इस यूनिवर्स में है, उन जिनों से किस तरह बिजली बना सकते हैं। यस, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग गुजरे जो कि जो हमारे परमाणु हथियारों की तैयारी में जो मुलव्वस थे, उनमें कुछ ऐसे साइंसदान भी थे जिन्होंने इस बात पर रिसर्च की थी ज़ियाउल्लाह के दौर में कि आप जिनों से बिजली को कैसे बना। अब देखना, बिजली पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा इशू रहा, लोगों ने कहा भाई इसको आप कोई इसका हल निकालो, तो जो चीप हल था वहाँ ये निकाला गया कि जी जिन जो है, अगर हम जिनों को किस तरह काबू कर लें तो हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी चुतियापे वाला आइडिया था। तो अब मुझे नहीं लगता ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्टेड खातून अव्वल है, जो उनकी वाइफ है, नहीं उनकी तो ये थर्ड वाइफ है, लेकिन जो खातून अव्वल है पाकिस्तान की, ये इनके बारे में मशहूर है कि ये इस तरह के चिल्ले वाला काटती रहती है, इनके हाथ में भी हमेशा तस्बीह होती है, जैसे इमरान खान के हमेशा हाथ में तस्बीह होती है, और वो इस तरह के काम कर रही होती हैं, तो उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया, ये सारी दुनिया ने देखा, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग ओ गॉड, मतलब वो जैसे कह रहे होंगे ओ माय एक्स गॉड, आप जैसे कुछ कह रहे होंगे ओ गॉड कि यार हम किधर फंस गए, किस तरह के लोगों में ये इस तरह के जो पैसे इन इस तरह की चीज़ों में ज़ाय किए जा रहे हैं। और अभी वो यूनिवर्सिटी बननी है, आई डोंट नो, आप मुझे नहीं पता। आप तो ये खतरा इस बात का सिर्फ ये है कि ये एक प्राइम मिनिस्टर है जिसकी इस तरह की एक सोच है, वो एक फैंटेसी दुनिया में रहता है, सो कॉल्ड रियासत मदीना, जो जिसका हकीकत में बेसिकली कोई उसकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाँ, किताबों में कहानियों में उसको बताया गया है। तो इमेजिन कि आपके पास एक हैरी पॉटर की कहानी है, मतलब ये ऐसा ही इमरान खान का केस, उसकी जो सो कॉल्ड ड्रीम वर्ल्ड है रियासत मदीना वाली, वो ऐसी है कि मैं आपको किसी तरह ये यकीन दिला दूं कि हैरी पॉटर की जो किताब है वो जिस दुनिया में जाता है वो एक रियल प्लेस है, और आप उसको हकीकी मानना शुरू कर दें, रियल जानना शुरू कर दें, और बेस्ड और उसमें से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो आप इस दुनिया में हम पे कहो, हाँ यार हैरी पॉटर की जो थी रियासत पॉटरिया, उसके अंदर जो था ना वो जो जादू होता था, उसको मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा जादू था, उससे हम दुनिया में जो ईवल था उसको ख़त्म कर सकते। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि रियासत पॉटरिया के अंदर से मैं वो चीज़ निकाल के इस दुनिया में ले आऊँ। और आप इमेजिन करें कि ये आप बात रोज़ाना कर रहे होते हैं, और फिर ये इमेजिन करें कि आप एक परमाणु हथियारों से लेस एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो कितना अजीब लगेगा, मतलब आयरनी देखें। तो ये पाकिस्तान में जो है ये करता रिलीजन या उस पर अंधा एतकाद जो है ना, क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास हिंदी में, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोलूँ तो माई अपोलोजीज, ये अंधविश्वास जो है ना, ये जो ये इस तरह की चीज़ों में ख़ासतौर पर बड़ा ख़तरनाक होता है। और हमें आजकल उसके ज़माने में की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, मूविंग ऑन, ये अब परमाणु हथियारों का मुझे याद आ गया, तो मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता जाऊँ। अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक ख़बर शेयर की थी कि भारत में, मुझे स्टेट का नाम भूल गया, दो आदमी थे, उसमें से एक मुसलमान था और एक शायद हिंदू था, वो पकड़े गए थे, उनके पास किलोस के हिसाब से जो नेचुरल यूरेनियम था वो बरामद हुआ था, दे वर ट्राइंग टू स्मगल, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। और ये एक बैंड ऑफ कोर्स सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यूरेनियम को जो है ना जहाँ से कहीं सी दुकान से खरीद लें, क्या चलो यार ऐसा करिए आप 5 किलो लगा दें, भाई को भेजना है, तो ऐसा नहीं है। दे कॉट, अच्छी बात है कि वो पकड़े गए, CID ने, मैं उनको पकड़ लिया था। तो उस पर बड़ी लेते हुई कि देखो जी इंडिया की जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो कितना ख़राब है, और ऐसे लोग दुकानों पर ऐसे जैसे ख़रीद रहे हैं किलोस के हिसाब से, ये भी नहीं कुछ कुछ ग्राम हो,
आई डोंट नो पता नहीं कितने किलोस थे वो, और ऑल्दो ऑन इट्स इन इट्स रॉ फॉर्म वो आप उसको जो है ना जो परमाणु फुलझड़ी है उसको बनाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन रॉ फॉर्म में भी वो अच्छा खासा डेंजरस है क्योंकि वो रेडिएशन छोड़ता है भाई। अब वो अगर किसी के पानी के उसमें दरिया में डाल दें या मतलब खाने में मिला देते तो इससे इससे इट्स कुड बी वेरी डेंजरस। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, इससे बड़ी ले दी हुई थी देखो जी इंडिया के, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये लैप्स ह्यूमन लैप्स है, ये बाहर भी होते हैं। और आपको सुन के हैरत होगी जो दुनिया का जो सबसे बड़ा अमरीका बहादुर जो है ना उनके अपने दो अभी जो कंफर्म जो ब्रोकन एरोज हैं जो परमाणु फुलझड़ियों के जो गायब हो चुके हैं लाइव, वो अभी भी दो ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जो गायब है जो एक्सीडेंट हुए थे और वो उसमें कभी दरिया में गिर गए या ऐसी दलदली इलाके में गए कि जिनका आज तक 60s के बाद से कोई सबूत नहीं मिला। तो हमारा तो फिर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मतलब आपको हैरत होगी कि यूरोप में जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको ये पता है कि यूरोप में अमेरिका जो है ऑफकोर्स उसके नेटो पार्टनर्स हैं, और नेटो पार्टनर्स के हिसाब से उनकी जो बहुत सारी उन्होंने जो मुल्कों के अंदर अपनी क्या कहना चाहिए बेसिस बना रखी है, और उन बेसिस के अंदर चूंकि वो नेटो की बेसिस है रशिया के बिल्कुल पास है तो ये इस बात को अज्यूम किया जाता है। अज्यूम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुल के तो कोई नहीं बोलता, सब पता सबको है, लेकिन बस खुल के कोई नहीं बोलता कि यहाँ पर परमाणु फुलझड़ियाँ पड़ी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, तो उन सारे परमाणु फुलझड़ियों को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा आपको बेसिस चाहिए, फिर उसके अंदर आपको सिक्योरिटी निज़ाम चाहिए। तो ये भाई ये यूएस सोल्जर्स से ये खबर आपने सुनी होगी अभी कुछ दिन पहले, आप इनको कहा गया कभी आपने जो फलाना वॉल्ट है उसकी जो सिक्योरिटी है उसका जो कोड है आपने सबको बिल्कुल याद रखना। अब ये सारे इंसान बोरिंग जॉब है, आप कितना याद रखोगे, और वो हर दूसरे तीसरे महीने चेंज भी हो जाते हैं कोड्स, या आपको उसने चेंज भी करना होता है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैश कार्ड लर्निंग के एप्स होते हैं ना, ये आपने जो बच्चों को भी सिखाया होगा एप्स, आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले ये फ्लैश कार्ड लर्निंग। तो ये सोल्जर्स थे बड़े अकलमंद, उन्होंने कहा यार कौन इसको याद रखे, ऐसा करते इसको फ्लैश कार्ड के जरिए ना हर दफा इसको, अब फोन मेरे पास होता है इसको क्यों ना यूज किया जाए। उनको ये पता नहीं था कि जो फ्लैश कार्ड्स के जिसके जरिए वो अपना अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे वो सारा का सारा डेटा इंटरनेट पे जा रहा था, सबको पता चल रहा था। अच्छा जी ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, खैर इसकी तस्वीर ये आपके सामने, ये जो है ये एक परमाणु फुलझड़ी है। अच्छा ये असली वाली नहीं है, ये एक उसका मॉकअप है। ठीक है, अच्छा मैं जानबूझ के उसको परमाणु फुलझड़ी कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना आपको बाज अल्फाज अगर आप बोले ना तो वो उसको पकड़ लेता है। तो ये सारे अकलमंद जो है ना ये इस तरह की तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, इमेजिन करें हमें बदनाम किया जाता है इंडिया पाकिस्तान में। ठीक है ना, अब इनकी हरकतें देखें। अच्छा जी अच्छा इस पे ये नहीं लिखा हुआ ये कहीं ये कहाँ किया है, अपनी तरफ से खुद को छुपा के कह रहे हैं, लेकिन सबको पता है आजकल के इंटरनेट के ज़माने में जो डेटा इतना अब लीक कर रहे होते हैं, तो ये परमाणु फुलझड़ी का एक मॉकअप था उसके साथ खड़े। तो ये मॉकअप इसलिए बनाया जाता है ये उतना ही हैवी होता है जितना कि जो असल में होता है, ताकि जब आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आपको पता हो कि उसका असल रियल लाइफ में क्या वजन होगा, उसको आपने कैसे असेंबल करना, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी अच्छा जी अब ये इन्होंने बना तो दी, लेकिन उसको सारा ये नहीं पता कि इनमें से बहुत सारे चुगत जो थे इडियट्स वो इसकी जो सिक्योरिटी के जो थे कि जी फलाना वॉल्ट, अब जैसे एक बंकर है इसके नीचे उन्होंने वॉल्ट बनाया हुआ, ये हॉट है, हॉट से बुराती कि इसके अंदर एक परमाणु फुलझड़ी पड़ी हुई है जो असली वाली है, या कोल्ड है जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो अपनी तरफ से ये खुफिया तौर पे कर रहे थे, लेकिन अगर आप यहां देखें इस जीप के ऊपर ये झंडा बना हुआ है, अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन किसी को, ये चीज जगह किसी को नहीं पता। ये देखे इसके पीछे ये दरख्त भी नजर आ रहे हैं, ये आपको पीछे ये नजर आ रहा है एक ब्लैक सा डॉट, ओपन जगह है, इसकी आपको शक्ल भी नजर आ रही है। ये जो जीप है ये झंडा ये हॉलैंड का है। तो पहला तो क्लू इस तस्वीर में है कि यह हॉलैंड के अंदर कोई जगह है। आप अगर सोचे कि रशियन, और रशियन भी अच्छा खासे चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हो गए यार रशियंस को कुछ नहीं पता। साथ में आप ये बता रहे हो कि भाई
भाई रशिया जी, इंटरनेट पे मैं बता रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, अगर मैंने किसी को अपनी फौज भेजती हो ना इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये अच्छा, ये भी कुछ नहीं, चले इसको भी हम कहते कोई बात नहीं, यदि इन्होंने गलती से कर दिया नहीं, फिर ये फ्लैश कार्ड पे उसके सारे कोड, और कोड भी किस तरह के, मतलब अभी देखो जैसे ये एक है तस्वीर नजर आ रही होगी आपको, कि जी उसका सवाल थी, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, लोगों की ट्रेनिंग हो रही है कि जी हाउ मेनी WS3 वॉल्व्स आर देयर ऑन वॉलकल, आप ये वॉलकल अब जगह का नाम है 11। अच्छा इन्फॉर्मेशन देखिए क्या खूबसूरती से उसको बता रहे, कितने वॉल्ट से भाई 11 वॉल्ट स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, वो हॉट है कोल्ड है, हॉट से मरा दिया कि भाई ये, अब उन्होंने जानबूझ के उसको इंटरनेट पे ये वो कर दिया है, मार्क कर दिया ताकि लोगों को ये ना पता चले कि इस हॉट में कितनी परमाणु फुलझड़ियां पड़ी हुई हैं, और ये इंटरनेट पे अपनी तरफ से जो है ना समझ रहे कि किसी को नजर नहीं आ रहा होगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। अच्छा फिर ये भी बता रहे, अगर वह उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर कभी कोई खतरा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, करना क्या है, रिस्पॉन्स वो सारा का सारा इंटर, मतलब उन्होंने स्टूपिड्स इडियट्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब रशिया को जासूस भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे बैठ के ये मेरी और आपकी तरफ बढ़ के नहीं, या ये पढ़ रहे होंगे वेबसाइट, अच्छा WDS का रिस्पॉन्डर, अच्छा अगर वो इस तरह भाग रहा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि लेवल 2 का हॉट है या लेवल 2 का कोल्ड कोई इंसिडेंट हुआ है, और ये उन्होंने अभी लास्ट, अच्छा ये देखिए कितने अर्से से कर रही है, ये लास्ट देखे जो फाइनल उसने अपलोड किया ना किसी स्टूडेंट सोल्जर्स ने अपनी तरफ से, ये 27 अप्रैल 2021 का, अभी ये महीना पहले अपलोड किया, ये इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे आपको मिल रही है कि अमेरिका की जो परमाणु फुलझड़ियां हैं हॉलैंड के अंदर वो कहाँ पड़ी हुई है, उसके सिक्योरिटी कोड्स क्या है, मतलब ऐसा है कि आप जाओ दरवाजा खोलो, मतलब आपको आपको सारी चीजें पता ना, आपको इवन आपने वर्दी पहनी है, फेक बैच बनाना, आप जाओ लोग पूछेगा कोड बताओ, आप कोड डायल करोगे, वो कहेगा यार इस बंदे को तो कोड भी पता है, अच्छा ठीक है आप अंदर जाओ घूम फिर कर आ जाओ तस्वीरें लगाओ और फिर वो हमें कहता, अच्छा ये वही जो मैं बात कर रहा था, ये इसके नीचे आपको नजर आ गए कि अब किसी ने पूछना हो कि भाई ये जगह कौन सी है, जैसे सारी सारी चीजें उसने बताई है, इसके अंदर अपनी तरफ से खुफिया तौर पे कहते हैं कि खुफिया लोकेशन है, किसी को नहीं पता, नाम भी बता दिया खैर वॉल क्लब, और उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, ये जो मैं पीछे कह रहा था डॉट, या वो आपको ऊपर से नजर भी आ रहा है, ये जो हैंगर है जिसकी शक्ल है ये आपको ये भी नजर आ रही है, ठीक है अब आपका जो दुश्मन है वो बैठ के, अच्छा कितना आसान है यार, मतलब आम बम भी नहीं है ऐसी, और ये लोग हमें लेक्चर दे रहे होते हैं कि हम लोग जो है ना इंडिया पाकिस्तानी, या हम लोग वो है मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमें कह रहे होते हैं, हाइट ऑफ एरोगेंस है। तो उम्मीद है भाई साहब, ये जो बाजवा साहब आप जो भी मुझे कह रहे थे आज शायद आपको थोड़ा सा मजा आ गया हो आपको जो हमारे यहाँ बड़े खुश हो रहे होते हैं कि देखो जी हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका इतना ताकतवर है और ये है वो है, ये हाल है उन लोगों का मैं खैर मैं अपने साथ जो है अपने दोस्तों को ऐड करता हूँ, सबसे पहले इंसर्ट और बिल जी आपको ऐड करते हैं, वेलकम हाइपर एक्टिव रैशनलिस्ट जी, तो पहले तो आप पे जो आरोप लगाया गया है उसके दिफा में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो गो एड। हाँ बिल्कुल। पहले तो जो करंट अफेयर्स का है तो उसके बाद में मैं उनके साथ हूँ। जो उनकी कंप्लेंट थी कि भाई करंट अफेयर्स का काफ़ी दिनों से कुछ डिस्कशन, मतलब फोकस्ड डिस्कशन नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर मैं उनके साथ में हूँ। तो हमको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर करना चाहिए, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रीजन, इंटरनेशनल मैटर्स में क्या हो रहा है, चाइना पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें तो थोड़ा बीच बीच में पीरियोडिकली देखते रहना चाहिए ताकि अपडेट हो सके कि भाई क्या नया आ रहा है मार्केट में, तो ये पता चल सके। तो वहाँ पे मैं उनके साथ में हूँ। और MBS जी की जहाँ तक बात आती है तो उसमें भी ऐसा है कि पर्सनली हम लोग उनको क्या भी समझें कि उनकी एक्टिविटी क्या है ये सब जानते हैं। पर्सनली ऑटोक्रेट हैं, मैं उनको स्काउंडरल बोल सकता हूँ, यानी हिंदी में दुष्ट बोल सकता हूँ उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन जब मैं इम्पैक्ट देखता हूँ लार्जर कंटेक्स्ट में,
तो वो मुझे ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आता है कि भाई ये साफ़ सफाई थोड़ा सा कर रहे हैं सिस्टम में। कोशिश की थी उन्होंने इसराइल वगैरह से हाथ मिलाने की, रीजन में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आने का ये चांस था, थोड़े सा हार्ड लाइनर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश। तो वो इम्पैक्ट को देख के मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, इंडिविजुअली बंदा स्काउंडल है लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ वाइडर इंटरेस्ट तो चलने दो भाई, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। तो ये है, साथ ही साथ हमारा इंडियन होने की वजह से पर्सनल इंटरेस्ट स्टेक भी है कि क्योंकि उसके इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो इस नज़रिए से भी जो इंडियन लोग हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं MBS की जो फेवर में जाती हैं। उनकी एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी तो सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो चले मैं एक चीज, अभी जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, बस मैं एक छोटी सी बात कर दूं। मैंने ये जो इसका टॉपिक रखा था, ऑफ कोर्स जब हम बात करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे, तो आप अपने जो भी आपके जहन में बात है आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि आर वी ऑलरेडी लिविंग इन ए रिलीजन फ्री वर्ल्ड। मैं उस किस सेंस में कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। 2020 में अगर मैं भारत की बात करूँ, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी है, तो मैं उसमें आपको एक सिर्फ चीज दिखाता हूँ कि जब आपने नोट किया होगा, आप सब दोस्तों ने, जब हम यहाँ पर इस तरह की स्ट्रीम्स में बैठे होते हैं ना, तो हम बड़े धुआंधार तरीके से रिलीजन को डिफेंड कर रहे होते हैं। इट सीम्स कि जी हमारा जो पास्ट है वो हमें जो है ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं, हमारी हमारी हर गुफ्तगू कहीं ना कहीं से डीरेल हो जाती है। ठीक है ना, अभी आपको आपको तो आप मेरे साथ काफी अरसे से शो में आते कर रहे हैं, मतलब एवरी टाइम हम लोग कई दफा सोच रहे होते हैं, वी आर बोथ, कि यार इसको कैसे बढ़ाया। जैसे कल आप कह रहे थे बार बार, यार आगे बढ़ो, यार आगे बढ़ो। इट सीम्स दैट वी आर स्टक इन अ प्लेस कि हम वहां से आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारी जो करंट इश्यूज है और हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, हमारा पास्ट एक ग्लोरियस पास्ट है, आई देर इज नो डाउट अबाउट इट, और उस पर आदमी को खुश होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हम कुछ ज्यादा है। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है, जब हम ये शो खत्म करते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, तो हमारे जहन वो बात भी नहीं होती जो हम करना चाहते, जो हम वहां करके बैठ के बड़े धड़ल्ले से नारे मार मार के कर रहे होते थे, यस मैं हिंदुइज्म को डिफेंड करूंगा, मैं इस्लाम को और मैं हम जैसे लोग करेंगे, हम सेकुलरिज्म को डिफेंड करेंगे, और ये वो, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वेदास जो है या कुरान जो है ना, वो आजकल के जमाने में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अगर मैंने सड़क पे गाड़ी चलानी है और इफ देर इज ए क्रॉसिंग, तो वहां पर मुझे एक ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत है जो मुझे ये बताए कि मुझे यहाँ स्टॉप करना है, और अगर मैं नहीं करूंगा ना, तो मेरा चालान हो जाएगा या मैं गाड़ी किसी में ठोक दूंगा। ना मुझे वेदास ये बताती है, ना कुरान बताती है कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि जी आपको इंसान का बनाया हुआ लॉ जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली उन चीजों की सिर्फ एक सिंबॉलिक वो रह गई है, और हम अपनी जिंदगी में, हमें ये हमारे पास आज ऐसे टूल्स हैं जिसके ऊपर हम ये बेस करके कह सकते हैं कि हमारे पास अब हमें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो जब हमें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है कि जिसके लिए जिसकी ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजार सके, तो वाई वी आर गिविंग सो मच थॉट, मतलब उसको आप पर्सनल रखें दूसरों पे थोपने के बजाय। हाँ भाई ठीक है, मेरे घर में कुरान रखा हो पढ़ो, आपके घर में वेदा रखी है पढ़ो, किसी के घर में बाइबल है पढ़ो, लेकिन उसको ये मत कहो बाहर खड़े होकर कहे तुम भी इसको मानो। और मैं इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया में ये गूगल ट्रेंड्स आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो इंडिया में 2020 के अंदर जो मेजर गूगल ट्रेंड्स थे जिसके ऊपर लोगों ने जिसमें जिस पर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में लोग किस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा बात कर रहे थे या सोच रहे थे या ट्रेंड चल रहे थे, मतलब ओवरऑल जो थी, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बात की इंडिया में, वो इंडियन प्रीमियर लीग पे थी, ऑफ कोर्स कोरोना वायरस पे थी, अब कोरोना वायरस सेकेंड है ओवरऑल, फिर US इलेक्शन थे, PM किसान योजना थी, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट थे, और फिर उसके बाद जो आप जो 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 टर्म्स आप यूज करते हैं सर्च के दौरान, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा क्या सर्च हुई, क्या वो रिलीजियस टर्म्स थी जिंदगी आपकी इंडिया में? नहीं, गूगल के मुताबिक सबसे ज्यादा जो नियर मी वाली, जैसे आप अक्सर सवाल लिखते हैं ना गूगल में कि फूड शेल्टर नियर मी, अच्छा सबसे ज्यादा इंडिया में लोग जो गूगल ट्रेंड्स पे शायद सर्च कर रहे थे, इफ आई रीड इट करेक्टली, फूड शेल्टर्स नियर मी, कोविड टेस्ट सेंटर नियर मी, क्रैकर्स शॉप नियर मी, लिकर शॉप नियर मी, मतलब आप जरा सोचे कि 2020 में लोग कह रहे यार लॉकडाउन लग गया, यार क्या करें, लिकर शॉप कहाँ आसपास जाके ढूंढ यार, बजाय ये कि मैंने मंदिर जाना है, मैंने मस्जिद जाना, नहीं हाँ, और ये लिकर शॉप ढूंढ यार, ग्रोसरी स्टोर नियर मी, जिम इक्विपमेंट नियर मी,
ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले मी, लैपटॉप शॉप ले मी, फर्नीचर स्टोर में। अच्छा जी, इसके अलावा फिर हाउ टू के जैसे सवाल होते हैं गूगल पे आप करते ना, हाउ टू, आई मीन लुक एट दैट, पीपल वो सर्चिंग हाउ टू मेक पनीर। व्हाट यार, मैं ये सोच रहा था पाकिस्तानी होने के नाते, हम लोग तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गोश्त वगैरह खाते ना, इंडिया में लोग चूंकि ज्यादा वेजिटेरियन है तो उनको पता होगा, अपेरेंटली 2020 में इंडिया की जो गूगल ट्रेंड्स थे उसमें लोग सर्च कर रहे थे हाउ टू मेक पनीर और हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी। ओके, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी वॉज बिट मोर, थोड़ा लेस था, हाउ टू मेक पनीर से ज्यादा था, हाउ टू मेक डालगोना कॉफी, हाउ टू लिंक पैन कार्ड विद आधार कार्ड, हाउ टू मेक सैनिटाइजर एट होम, हाउ टू रिचार्ज फास्टैग, हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, हाउ टू अप्लाई ई पास, हाउ टू मेक जलेबी। हाँ लुक एट दैट, हाउ टू मेक जलेबी, मतलब यार ये एक वो है, ये जुर्म है, मतलब आई इफ यू वॉन्ट टू नो कि ये जुर्म क्या होता है, क्राइम क्या, ये क्राइम है, मतलब आपको ये इंडिया में कोई कह रहा हो ना हाउ टू मेक पनीर, उसको पकड़ के मारना चाहिए। अब एक घामड़ तुम्हें जलेबी, अब यार जलेबी तो खैर खैर ओके, जलेबी तो मुझे भी बनानी नहीं आती, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मैं कहीं ना कहीं निकाल लूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जनरली आपकी लाइफ में जो आपकी जो ज्यादा इश्यूज है वो ये है, आप इन पे ज्यादा बात करते हैं, प्रीमियर लीग पे, कोरोना वायरस पे, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, निर्भया केस, बैरूद एक्सप्लोजन, लॉकडाउन, जो बाइडन, अर्नब गोस्वामी, कंगना रन आउट, सॉरी रन आउट, किंग जोंग उन, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आप अपनी जिंदगी में जब आप इसके सामने, टीवी के सामने नहीं बैठे होते या इंटरनेट के सामने बैठे नहीं होते जैसे आज बैठे हुए, और आप जब आप रिलीजन को बड़े शब्दों में से डिफेंड नहीं कर रहे तो यू मोस्टली थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। और अब ये कोई कहे कि नहीं जी ये एक्यूरेट नहीं है, वेल अगर आपने देखा होगा कि आप जब सर्वेज देखते हैं जैसे प्यू सर्वेज है, तो वो अगर किसी शहर में जाएंगे तो वो सारों का को तो नहीं पूछते, वो एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, अगर 10 लाख लोग हैं तो उसमें सकता है, हो सकता है वो 10,000 लोगों का सैंपल लें, उसमें ऑफ कोर्स वो कोशिश करेंगे मुख्तलिफ लोगों को लेने की, औरतों को, मर्दों को, एंड देन उसके बाद वो उस सैंपल से वो बेस करेंगे कि जी ट्रेंड जो है ये चल रहा है। लेकिन ये गूगल ट्रेंड्स है ये उससे बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसका मतलब ये कि मेजोरिटी जो है इस तमाम जमाने में वो रिलीजियस से ज्यादा इस चीज पे सोचती है। तो वाई वेन वी कम हियर, मतलब मुझे ये बात जाननी है, मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि जी अगर आप जब यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग जो जब डिफेंड कर रहे थे बहुत मतलब पैशनेटली चीज़ों को डिफेंड कर रहे थे, मैं रिलीजियस हूँ, मेरा रिलीजन ये पास है और मैं ये कर दूंगा, वो करूँ, इन रियल लाइफ आपके लिए उसकी बेसिकली प्रैक्टिकल कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट इतना कर ही नहीं रहे होते, या कर रहे होते तो बहुत कम कर रहे होते, और अगर कर भी रहे होते तो वो ऐसी बस क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन आप दुकान पर जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने सड़क पर गाड़ी चलानी है, आपने बिजनेस करना है, उसके लिए मैन मेड लॉज इनफ जो हमने बनाए हुए हैं। इट सीम्स कि जो इंसानों के बनाए हुए लॉज हैं वो खुदाओं के जो बनाए हुए लॉज से बेहतर है, तो अगर वो बेहतर है जब हम उसके बगैर ही सारे काम कर भी रहे, तो फिर हमें ये रिलीजियस सिंबल लगाने की जरूरत क्या है? क्या उसके बगैर अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं? गुजर तो रही है, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या इतना वो मुश्किल है? क्यों हमें इतनी मुश्किल दरपेश होती है? क्यों हम जब पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, जब हम जलसे कर रहे होते तो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं? इज दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी जिसमें हम सब जो है मुलविज है? तो मैं अपने साथ अपने दोस्तों को ऐड करता जाता हूँ। मेरे साथ ऑलरेडी इंस्टा डॉट मिल जी, हाइपर एक्टिव रैशनलिस्ट चीज भी है मेरे साथ, फॉर पहले तौर पर मैं एंटी थियस जी को ऐड करता हूँ, उसके बाद बाकी दोस्तों से भी करते हैं। आप सबका को वेलकम, और अपने अपने इनिशियल थॉट्स अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज गो अहेड। मैं बाद में बोलूंगा। यू आर वेरी क्लेवर एक्चुअली, आप सारों की बात नोट करके फिर सबको एक साथ जवाब देंगे। अच्छा जी, एंटी थियस जी वेलकम, कैसे हेलो। आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। ए वन आज का फिर टॉपिक क्या सोचा हुआ है, क्या रखा है?
यही के असल वो तो एक तो करंट सब्जेक्ट पे भी शायद मुझे नहीं पता आपने मुझे कब, मैं ख्याल में आपसे शुरू से ज्वाइन हो गए नहीं, मैं थे। हूँ वही के रिलीजन के आर वी हाँ लिविंग इन अ रिलीजन फ्री वर्ल्ड। यस मतलब प्रैक्टिकली, अब जैसे मैंने अभी बात की ना, हम लोग प्रैक्टिकली तो जब बाहर जाते हैं तो हमें मतलब जो गॉड सो कॉल्ड लॉज गिवन बाय द गॉड्स, मतलब जनरली वो हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आते या हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अब जैसे अभी सड़क पे आप जा रहे हो, आपको इस बात का डर होगा कि आप गाड़ी तेज चलाओगे 40 या 30 माइल्स जोन में, और अगर आप 50 में जाओगे तो आपको डर ये नहीं होगा कि गॉड भगवान देख रहा है या अल्लाह देख रहा है, यू डोंट इवन केयर। हाँ ये होगा यार, कैमरा तो नहीं लगा हुआ या कोई पीछे पुलिस की गाड़ी तो नहीं आ रही। तो बिल्कुल, व्हेन वी ऑलरेडी डूइंग वो दिस, इसके बारे में जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो लोग कहते हैं कि जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं है, और जो बाहर है वो अंदर नहीं है, वो भी जब रोड क्रॉस करते हैं तो दोनों साइड पे देख के करते हैं। यानी देख बहुत के सारी करते बातें हैं। होती हैं, बस एक सुनी हुई बातों के जो है ना आपने बस करना होता है, और हर चीज़ में के अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह के जैसे अल्लाह के ऊपर वो है भरोसा है, मगर कर आप फिर भी अपने वैसे ही कर रहे होते हैं। ये तो बात आपकी ठीक है। तो रिलीजन, और अगेन फिर हम इसको डिस्टिंग्विश करके देखें, जो हमारे ये जो है रिलीजन, जो बुक ड्रिवन रिलीजन हैं, और जो इंडिक रिलीजन है जिस जिसमें काफ़ी मिक्सअप हुआ हुआ है, रिलीजन कल्चर नॉर्म्स सोसाइटी की वैल्यूज। तो जो इंडियन रिलीजन के अंदर जो है ना, इंडिक रिलीजन के अंदर इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना भी, और इससे कहना चाहिए कि पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है। कि इवन आप फॉर एग्जांपल, कल ही मेरी कहीं बात हो रही थी, तो मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने आप को कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मुझे इंडिक रिलीजन की जो नॉर्म्स हैं और जो वैल्यूज हैं, थियोलॉजी को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एज इट इज आंख बंद करके कबूल करूँगा, मगर जो उसकी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स के अंदर जिस तरह से मैसेजेस लिखे हुए हैं, और जो हिस्ट्री में जो इनकी अपने टाइम पे अचीवमेंट थी, वो उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मगर क्या मैं अपने आप को हिंदू बोल सकता हूँ? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदू के बाद फिर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी जो हमारे यहाँ काफ़ी जनरेशन से ये चीज़ जो है ना वो नहीं अप्लाई हो रही। तो वो जब तक मैं नहीं करूँगा, तो उसके बावजूद हिंदू का हूँ या अगर हिंदू का हूँ तो उसके बाद मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें कन्फ्यूजन है जो वो करती है। और उसकी बेसिक रीज़न ये कि अनलाइक हमारी जो इब्राहमिक रिलीजन, उनमें काफ़ी हद तक एक क्लियर लाइन है, ऑल दो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, मगर काफ़ी हद तक आपको क्लियर लाइन मिल जाती है थियोलॉजी और कल्चर और नॉर्म्स के दरमियान, मगर इंडिक में आपको ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मगर इन जनरल, अब जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, जो स्कैंडिनेवियन सोसाइटीज, आपने कहा कि रिलीजियस फ्री सोसाइटीज, यस ये हैं रिलीजियस फ्री सोसाइटीज, या एटलीस्ट इब्राहमिक रिलीजन फ्री सोसाइटीज हैं जिन्होंने उस रिलीजन को घरों के अंदर तक महदूद किया, उसके फवायद भी, और ना सिर्फ रिलीजन बल्कि जो एक इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूरोप वालों ने एक चीज़ और सीखी, वो थी कि हाइपर नेशनलिज्म, जो इटली और जर्मनी में उठा एक टाइम के लिए, उन्होंने हर चीज़ को अपनी हिस्ट्री, अपने फिलोसफर्स, अपने उससे लिंक करना शुरू किया, और उस पर वो बहुत आगे तक चले गए, और उसका नुकसान उठाया, और उसके बाद उन्होंने अकल पकड़ ली, और उनकी देखा देखी बाकी सारे यूरोपियंस ने भी अकल पकड़ ली। मैं एक और दफ़ा एक्सट्रीम में कह चुका हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आ रहा था, लैंड कर रहा था डेनमार्क, तो मेरे जहन में था कि वो यहाँ तो जो है ना नील, यानी जो आपकी आजकल सबसे जो बज वर्ड है और हॉट टॉपिक है, क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स का जो पायनियर है नील्स बोहर, वो एक डेनिश था। तो मेरे तो जहन में ऐसे इमेज थी कि यहाँ आऊँगा तो उनके जगह जगह मुजस्मे लगे हुए होंगे, उन पे लोग हार चढ़ा रहे होंगे, तस्वीरें लगी होंगी एयरपोर्ट पे, यहाँ हाँ कोई जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक चीज लर्न कर ली है कि आगे बढ़ना, कि ठीक है नील बोहर ने एक काम किया, वो डेन भी था, डेनिश भी था, मगर इससे इनको कोई कंसर्न नहीं कि वो डेनिश था, जर्मन था, स्वीडिश था, मगर उसके काम को अप्रिशिएट करें, और उसके काम किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ना कि जैसे मैं कई दफ़ा बोलता हूँ कि हमने मुसलमानों के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है, क्रिश्चियंस में भी एक टाइम तक भी ये बीमारी थी, कि हिस्ट्री को एज ए आप
इलाज के तौर दवा के तौर पे देखें, हिस्ट्री को पढ़ें, उसको एंजॉय भी करें, उसमें जो जो अच्छे मैसेजेस मिलते हैं वो भी देखें, मगर उसमें रहना छोड़ दें, रहना रहें आप करंट टाइम में। हिस्ट्री को आप नशे के तौर पे ना लें, दवा के तौर पे लें कि हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ, हम इतने अच्छे होने के बावजूद एट द एंड आज हम इस हाल में क्यों हैं, इस पे गौर फिक्र करें, और ना कि इसको नशे के नहीं, ये हर जो नई चीज आए, नहीं ये तो हमने पहले ही इसके बारे में देख लिया था, आज से 5,000 साल पहले, आज 7,000 पहले तो हमने पहले ही बता दिया था कि दुनिया गोल है, आज से 5,000 साल पहले हमने सूरज का डायमीटर भी ले लिया था, आज से 8,000 साल पहले हमने क्वांटम फिजिक्स के भी सारे रूल्स ब्रेक कर लिए थे और फलाना ये वो, हर चीज मुसलमानों के अंदर भी यही चीज है कि जो चीज कहोगे आज से हजार जो भी नई इजाजत है, ये तो इसकी तो स्टार्ट ही जो है ना इस्लामिक इरा भी हुई थी, और एक टाइम तक क्रिश्चियंस को भी ये वो थी जोम था, मगर अब जिन मुल्कों में मैं रह रहा हूँ, जर्मनी में भी मैं घूमा फिरा हूँ, डेनमार्क में, ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, इंग्लैंड में, यहाँ उस टाइप की जो है ना हाइपर नेशनलिज्म और हर चीज को अपने यानी कि वो हिस्ट्री को एज ए अपने फखर या बैक की तरफ देखने का वो इनको ट्रेंड नहीं है। इसकी एक रीजन तो मैं ये समझता हूँ कि नॉर्मली ऐसा ट्रेंड वहाँ आता है जो आप वीक नशे की आदत उसे पड़ती है जो ऑलरेडी दुनिया से कट चुका हो या दुनिया से पीछे रह गया हो, तो अपने पीछा हटाने के लिए वो या तो अपने पास में रहना शुरू कर देता है या फिर कोशिश करता है कि जो है ना वो हाथ पाँव मार के करंट दुनिया का वो बराबर आए। तो ये एक लहर है जो अभी जिसकी मुझे हल्के से ग्लिम्सेस इंडिया के अंदर भी नज़र आते हैं, मगर मुझे मेरा दूसरी तरफ ये भी एक इसे बिलीफ कह लें या मानना है कि इंडिया के अंदर जो वाइजर लोग हैं, ये मेरा काम तो नहीं है कि उनकी गलतियों को मैं पॉइंट आउट करूं अनलेस कि वो मुझे आके ये दुनिया को आगे प्रॉब्लम कर रही हूं, मगर अभी तक ऐसा नहीं उन्होंने करना शुरू किया, मगर ये कि मुझे ये आइडिया है कि उधर भी जो वाइजर लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे हैं, उन पर वो काम बैकग्राउंड में कर रहे हैं, और एक टाइम पे आके वो एक ये जो एक लहर है हाइपर नेशनलिज्म की जिसमें आप अपनी हिस्ट्री को पे फख्र करें मगर हिस्ट्री में रहें नहीं, उस वाले फेज से ये लोग निकलेंगे और दोबारा उसी ग्लोरी को अचीव कर लेंगे जो कि हमें अभी तो वो बुक्स में और उनके उसमें ट्रेडिशन में नजर आती है, मगर इन फ्यूचर ये चीज आएगी। तो ये मेरा ये है कि और इसका वही चीज है कि रिलीजन हो या हाइपर नेशनलिज्म हो या दोनों का एक मलगूबा या मिक्सअप से वो खतरनाक होता है, वो आपको थिंकिंग से हटवा देता है, उसके लिए फिर आप बहुत सारी आपने कई कॉमन टर्म सुनी होंगी, अगर आप भी का भी मुबहसा रहता है जो रिलीजियस लोग होते हैं चाहे वो क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम्स हों, कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बड़ी कॉमन है जो आपको कानों में पड़ती हैं। सबसे पहले तो साइंस पे वो फख्र भी करते हैं किसी ना किसी चीज़ पे कि ये फलानी जो साइंस की कोई भी चीज़ जो आपके थियोलॉजी के साथ मैच कर रही है वहाँ तो वो साइंस को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, और जहाँ वो साइंस उसके अगेंस्ट जा रही है तो वो उसमें फिर वो गैप्स ढूंढेंगे कि ये तो यानी एक स्टेटमेंट होती है कि ये तो चीज़ हो ही नहीं, प्रूव ही नहीं कर सकती साइंस, जबकि ऐसा नहीं, साइंस की ये लैंग्वेज नहीं है, तो ये प्रूव नहीं हो सकती, और जहाँ वो प्रूव नहीं हो सकती वो चीज़ उसकी जगह फिर अपनी कोई ना कोई एक जो थियोलॉजी उसको फिट इन करने की कोशिश करें, फिलिंग द गैप्स विद गॉड्स वाली जो स्ट्रेटजी। मेरा ख्याल है आपने मेरा जो बेसिक जो सवाल, चले मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ इंस्टा डॉट मिल जी से, अगर हम आज की दुनिया में जब रह रहे बगैर उसके काम चल ही रहा है ना, तो हमें लगता है इतने अरसे से काम चल रहा है कम से कम पिछले दो ढाई सौ सालों से बेहतरी ही आ रही है कि वी आर यू नो गिविंग लेस एंड लेस इम्पोर्टेंस टू अवर सो कॉल्ड रिलीजियस लॉज, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपनी जो मैन मेड लॉज है जिसकी हमें ज़्यादा आजकल के ज़माने से हमारे साथ ज़्यादा वो है कंपेटिबल भी है, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो वाई शुड वी गिव देन जो ओल्ड लॉज है उसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं, या उससे ज्यादा हमें आजकल की इसके ऊपर क्यों ज्यादा नहीं देनी चाहिए जिसकी हमें आज जरूरत भी है। जी शाह जी, तो देखिए अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ जोनाथन हाइट की द राइचियस माइंड, तो उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मोरालिटी कैसे बिल्ड होती है, तो उनके हिसाब से 6 फाउंडेशन है मोरालिटी की जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव में अलग अलग होती हैं, तो लिबरल्स के पास 3 मोरालिटी के ग्राउंडिंग्स होती बहुत सॉलिड होती हैं,
और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो 6 तरह से देखते हैं, तो उनमें से एक एक दो मैं बता देता हूँ। तो एक है लिबरल्स के अंदर सेंस ऑफ जस्टिस जो होता है वो उसको बहुत हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं, और कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो हायरार्की को बहुत हाई वैल्यू देते हैं, हायरार्की और लॉयल्टी टू योर ग्रुप किनशिप उसको बहुत हाई वैल्यू देते हैं। तो रिलीजन जो है ना वो दैट फॉल्स इनटू दैट अदर कैटेगरी। तो वो इस तरह से हम लोग देखें तो काफी हद तक उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई पीपल लाइक रिलीजन, क्योंकि वो किनशिप वाला मामला आ जाता है उसमें, किनशिप और हायरार्की वाला दोनों ही तरह का मामला आ जाता है उसके अंदर में। तो इसीलिए काफी सारे लोग इससे थोड़ा सा कनेक्टेड महसूस करते हैं। जहाँ तक मॉडर्न वर्ल्ड की बात आती है तो ऑब्वियसली इनमें से एटलीस्ट जो लॉ है, हायरार्की वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडर्न लॉज या मॉडर्न सोसाइटी ने काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है। एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड, हाँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर की बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की, उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के नए डिविजन्स हमें दिख रहे हैं सोसाइटी के अंदर में। तो वेदर इट इज हैव्स वर्सेस नॉट हैव्स की अब एक ये आ चुकी है बात, इनइक्वालिटी की बात है वो बहुत चढ़ के बोल रही है, उसकी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं कि सोसाइटी के 1 या 2% लोगों के पास इतनी ज़्यादा वेल्थ क्यों है वर्सेस बाकी सारे अदर लोगों के पास में इतनी ज़्यादा वेल्थ क्यों है। तो इस तरह की बात कि लिबरल डायमेंशंस के अंदर आती है। तो आप देखिएगा वहाँ पे ये हायरार्की इन सोसाइटी तो है, दिख रही है हमें, चाहे वो किसी भी रीज़न से बनी हो या ना बनी हो। तो लिबरल्स लोग उसको चैलेंज करना चाहते हैं, फ्रैक्शंस को चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये उनमें से लॉ वाला जो पॉइंट है जो आप कह रहे थे कि पुराने ज़माने के लॉ थे अब वो नहीं रहे, वो बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम से उनको रिप्लेस कर दिया है। हाँ, लेकिन जो हायरार्की वाला पॉइंट है अभी हम लोग उसमें स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, और वो इटरनली शायद चलता भी रहेगा। तो वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि कैसे हम लोग करें। ऑब्वियसली पुरानी जो रिलीजियस हायरार्की वो आज के ज़माने में चल नहीं सकती, क्योंकि कोई भी रिलीजियस हायरार्की उस ज़माने के कल्चर को, उस ज़माने के टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन उस हायरार्की के अंदर में कुछ कुछ लेसन होते हैं जो लोग पिक कर लेते हैं कि किस फंक्शन के ऊपर वो हायरार्की थी, तो वो उसके ऊपर लोग बातें करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो क्लासिकल हिंदू उसके अंदर में वर्ण व्यवस्था जो थी वो बस फंक्शंस के ऊपर बेस्ड थी। अगर हम लोग दूसरे कल्चर्स में जाके देखें तो वहाँ किनशिप के ऊपर बेस्ड थी, चाइना वगैरह में जाके देखेंगे या जापान में हम लोग जाके देखेंगे तो वहाँ फैमिली और किनशिप के ऊपर में बेस्ड दिखती है। तो वो हमें अलग अलग तरह की जो फाउंडेशंस टू हायरार्की वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिख रही है हमें। ओके, चले मेरे साथ रहे। आपने अच्छा पॉइंट वैसे रेस किया, मैं अपने साथ दो और दोस्तों को भी ऐड करता हूँ। और हिंदू क्रांति साहब सॉरी, एक पॉइंट मैं बस और फर्दर आपको जी, बता दूं कि जो हम जो बात कर रहे थे यही वाली इंस्टेंट ऑट मील वाली, इनकी उससे मुझे याद आई कि हमने ये भी देखना है कि जो दो इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है कि एक है एक किसी पर्सन की लाइकिंग, पर्सनल उसका एक इंडिविजुअल उसकी टिल्ट या उसकी थिंकिंग जो है, और एक है लॉ और रूल्स। तो रूलिंग्स जो हैं, आपको इस वक्त दुनिया ज़्यादातर यही जा रही है कि वो लिबरल और सेकुलर रूलिंग्स बजाय उसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी या ओल्डर लॉ को जो है वो अप्लाई ना करें, और आहिस्ता आहिस्ता इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और जो है पर्सनल फ्रीडम, इनकी तरफ दुनिया जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। इंडिविजुअली हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो किस किस चीज़ को फॉलो करते हैं, अनलेस कि वो किसी सेकंड पर्सन को जो है ना हार्म ना कर रही हो, उसकी जो भी थियोलॉजी आइडियोलॉजी है जो। और ये एक चीज़ जो है ज़्यादा चैलेंजेस है आपकी मिडिल ईस्टर्न और जो इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं कि उनके यहाँ जो रिलीजन और लॉ जो है वो आपस में इतना ज़्यादा मिक्सअप हुआ है शरिया लॉ की फॉर्म में, कि उससे निकलना या उसको रिजॉल्व करना एक वो उलझी हुई डोर को सीधा करने से भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हाँ, लेकिन आपको लगता नहीं कि प्रैक्टिकलिटी में, तो आज जैसे भी आपने बात की थी पाकिस्तान में भी, कि आपने सड़क पार करनी होती तो आप पहले लेफ्ट राइट देखते बजाय देखने की जी रात, वही आप वाली बात। तो जो प्रैक्टिकल जिंदगी में हमें, हम देखते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान में भी खासतौर पर रिलीजन का एब्सोल्युटली नो, मतलब जो इस्लाम की जो टीचिंग है वो किसी भी तरह कंपेटिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सूद वाली बात है, आप अपना बैंकिंग का निज़ाम चला ही नहीं सकते अगर आप इस्लाम की उस एक मतलब ऑलमोस्ट स्टूपिड आइडियोलॉजी है,
सात 1400 साल पहले वाली, उसको अगर आज आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यू कैंट, यू नो, आप अपना बिजनेस ही नहीं कर सकते दुनिया के साथ। तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं। हम तो मगर आप ये देखें, जितने भी सर्वे आते हैं, अगर पाकिस्तानी आप सर्वे देखें, अभी पिछले दिनों में एक सर्वे देख रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड या इस्लामिक कंट्रीज में करवाया गया कि वो ख्वातीन के लिए किस टाइप की हेड कवरिंग जो है ना पसंद करते हैं, बुरका, नकाब, हिजाब और या चादर या नथिंग, कोई कोई उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं है सर ढकें। पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव उसमें एरिया के अंदर फॉल किया कि मेजॉरिटी जो है ना वो हिजाब या नकाब को जो है ना वो पाकिस्तानी लोगों की पसंद करी थी, शायद 36 और 38% इन दो चीज़ों के कैटेगरी में फॉल करी, यानी कि बात वो ये करते हैं और इसके अलावा कुछ अर्से पहले एक और सर्वे भी हुआ था जिसमें 86% पाकिस्तानी नौजवानों ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ जो है ना वो नाफिज होना चाहिए। तो रियलिटी और उनको ये भी नहीं, आज तक ये एक डेफिनेशन नहीं बन सकी कि शरिया लॉ है क्या, होगा क्या, कौन सी हाँ, कौन से उसके मजहब जो है इस्लाम के अंदर डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट हैं किस वाले की अप्लाई होगी, क्या होगा, तलाकों का कैसे सिस्टम होगा, सूद वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कैसे हैंडल करेंगे, सो ऑन। एक इस्लामिक बैंकिंग के नाम से एक और ड्रामा भी चल रहा है जो होता है इवेंचुअली वही है, वही है, नाम बदल के जो है ना थोड़ी सी जो है ना उसमें और लोग, बहुत सारे लोग इवन यूरोप के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग है, आप लोग जैसे कि अगर आपने मॉर्गेज लेनी है तो आपको फॉर एग्जांपल जो बैंक्स हैं वो आपको घर के लिए 20% डाउन पेमेंट पे, ये 5% डाउन पेमेंट अगर दे रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग वाले आपको 15% पे दे रहे हैं, देंगे वो आपको, आपको एटलीस्ट 15% डाउन पेमेंट देनी है, और लोग खुशी खुशी उसको अडॉप्ट करते हैं कि हम जो है ना ऐसी साइट पे जा रहे हैं जहाँ हमें जो है ना सूद जैसी डबल कोर्ट्स में जो है ना लानत के साथ जो है ना वो नहीं करना पड़ा, और दूसरी तरफ इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए बाकी सारी चीज़ों के वो मजे भी ले रहे होते हैं। तो कुछ अजीब सी कंफ्यूज सी जो है ना वो थिंकिंग नज़र आती है एटलीस्ट ये जो इस्लामिक थियोलॉजी और इसके अंदर है, ये एक बड़ा चैलेंज है। यस मेरे साथ है, मेरे साथ पंजाबी एग्नोस्टिक है और हिंदू क्रांति साहब, आई एम प्रीटी श्योर इनका शायद डिफरेंट ओपिनियन हो। खैर जी, पंजाबी एग्नोस्टिक साहब गो एट, कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल साफ आ रही है जी। मैंने आपकी जो आज का जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ा और मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जैसे कह रहे हैं कि रिलीजन का मतलब हमारी लाइफ में कितना दखल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीजन है ये एक लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक कॉन्सिक्वेंस है। और जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मुझे, मैं इसको कैसे जोड़ के देखता हूँ कि आज जैसे बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है ये रिलीजन के कारण मतलब सरकार बनाई है इसने, मतलब इसलिए इसको लोगों ने वोट दिया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन का बहुत बड़ा दखल है हमारे सोसाइटी के अंदर। अब जैसे शायद जो आम इंडियंस हैं मतलब दिल में तो वो मानते हैं, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी कि उसका कोई हाथ नहीं था गुजरात के दंगों पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हिंदुओं ने उसको इसलिए वोट दिया था बिकॉज उन्हें लगता है कि उसने मुसलमानों को सबक सिखाया था और वो एक हिंदू जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट में आई और उसका जो फोटे था वो फोटे है इलेक्शन जीतना और सोसाइटी को पोलराइज करना बजाय कि सच में एक वेलफेयर स्टेट बनाना। और उसका जो खामियाजा जो हमें आप देखने को मिला है कोविड के दौरान कि पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो भरभरा के नीचे गिर गया, शुरू में ही नीचे गिर गया, कुछ सस्टेन ही नहीं कर पाया वो, क्योंकि इस तरफ ध्यान ही नहीं था गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा ध्यान कैसे पोलराइज किया जाए, एक इलेक्शन जीता तो अब दूसरे इलेक्शन को कैसे जीतने के लिए क्या क्या ग्राउंड तैयार किए जाए बस इसमें। तो अब मैं आसपास जब देखता हूं तो अब जैसे इंडिया में एक वो बाबा रामदेव की आयुर्वेद का जो पुरानी मेडिकल सिस्टम है बहुत बढ़िया है, जो मॉडर्न साइंस है वो बिल्कुल ही बेकार है। और बहुत सारे लोग मेजोरिटी इवन मेरी फैमिली में भी लोग उसकी बात से ज्यादा कन्विंस होते हैं। तो जब मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये टिरनी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल जो कि बिल्कुल भी इनका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है, जो यही सोचते हैं कि जो पुरानी जो समय था वो बहुत ही गोल्डन एज थी, बस उसमें कैसे चले जाएं, मतलब गोबर लगाने से कितना फायदा होता है, मतलब आज भी वो गोबर और गौमूत्र में ही फंसे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिलीजन का ये एक इनडायरेक्ट और बहुत ही
मतलब बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, जो कि शायद लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट के कारण है। और बस एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि मैं एक बुक पढ़ रहा था अपने को, सर जी सर, ये गोबर और गौमूत्र रिलीजन है कि साइंस है? ये रिलीजन का ही एक पार्ट है। अच्छा, ये साइंस नहीं है, ये साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और साइंस कैसे हो सकती है ये साइंस कैसे हो सकती है? आपकी समझ की दाद देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी समझ की, आपके पहले सेंटेंस से मुझे आपकी समझ की दाद देने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अपनी एक बात पूरी बोल दूं बस, फिर आप प्लीज अपना समय में बोल दीजिएगा। दूसरी बात ये कि मैं अपने कोर्स की एक बुक पढ़ रहा था जिसमें एक और बुक वैसे बहुत अच्छी है, अगर सबने पढ़ी होगी, किसी ने ना पढ़ी तो वो जरूर पढ़े, सेपियंस बुक है, जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज का जवाब दिया गया, बहुत ही कंडेंस और इतनी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई बुक है कि मतलब पढ़ के मजा आ जाएगा। तो जो मेरी कोर्स में था उसमें लिखा हुआ था कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी वो क्यों आगे निकल गई सबसे, तो रीजन उन्होंने ये दिया था कि डार्क एज, वो प्लेग वगैरह खत्म हुआ डार्क एज के बाद, अब पूरी यूरोप की सिविलाइजेशन में एक पढ़ाई को लेकर एक जागरूकता आई और उन्होंने स्टडीज को अपनाया। उसका एक प्रूफ मिलता है कि पहले का जो लिटरेचर था उसमें, लिटरेचर में सिर्फ जो दरबारी थे जो राजा की प्रेज वगैरह करते थे, राजाओं से संबंधित उनका लिटरेचर होता था, लेकिन रेनेसांस एज में जो लिटरेचर आया उसमें आम आदमी की बहुत सारी कहानियां मिलने को आई। उसका रीजन ये था कि अब आम आदमी पढ़ने लग गया था, इसलिए लिटरेचर भी बदल गया यूरोप का, और जब पढ़ने लगा तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर डेवलप हुआ कि जो पहले की, जिसे चर्च ने दबाया हुआ था साइंटिफिक टेम्परामेंट को, उससे आजादी मिली साइंटिफिक टेम्परामेंट को और वो लोगों में फैला। तो इसके लिए लोगों ने सोचना शुरू किया, रीजन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, एप्पल नीचे क्यों गिरता है ना, सिर्फ गॉड ही, मतलब पहले पूरी सोसाइटी का ध्यान सिर्फ गॉड और जीसस पे ही केंद्रित था, उस पे सेंट्रलाइज था। तो मुझे लगता है कि, लेकिन आज भी हमारे उसमें, मतलब इंडियन सोसाइटी में या फिर आप पाकिस्तान और इंडिया को, इस सोसाइटी की एक ही तरह के लोग हैं कि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत कमी है। आज भी गोबर, गायें, गौमूत्र, पुराने पीछे चले जाए, आयुर्वेदी सब कुछ है, मतलब अभी भी लोग इसी में फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल, सवाल यह है कि कितने लोग जो है इंडिया में ये गौमूत्र या गोबर को यूज करते हैं? असल में ये है कि बहुत ही कम लोग होंगे, या अगर हम पूरा किया जाए, लेकिन रीजन ये है कि वो उसे सपोर्ट जरूर करेंगे, कि वो खुद नहीं करेंगे वो, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इतना खुलकर आकर कि उन्हें, वो उनको ब्रांड कर दिया जाएगा, या फिर उनको कहीं ना कहीं दिल्ली दिल में वो मानते ही, बिल्कुल वैसा सी बात है कि एक मॉडरेट मुस्लिम और एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम में जो फर्क है, लेकिन है तो आते तो उसी ब्रैकेट में आते हैं, मुस्लिम और इस्लाम की ब्रैकेट में आते हैं, मतलब इस्लाम को किस, कुछ बड़े ज्यादा लेवल पे मानते हैं, कुछ छोटे लेवल पे मानते हैं, लेकिन जब वोट देने का मसला आएगा तो वोट तो वो इस्लाम को ही देंगे। चले, मेरा ख्याल है ये हिंदू क्रांति साहब इससे डिसएग्री करेंगे। जी हिंदू क्रांति साहब, वेलकम आपको। भाई ने बड़ी कमाल की बातें की, लेकिन मैं कहूंगा कि जो ये हिंदू गवर्नमेंट है भारत में, उसके होने का मतलब क्या है, पहले उस चीज को थोड़ा सा समझ लें। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवेज अगर कहीं बन रहे हैं और इन 6 सालों में बने हैं, उस कंट्री का नाम भारत है। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर अगर कहीं दुनिया में बन रहा है और बना है, कंप्लीट हुआ है, वो भारत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे अगर किसी देश में इस वक्त बन रहे हैं, वो उस देश का नाम भारत है। पूरी जितनी पाकिस्तान की फैमिली, पूरी आबादी है, उससे ज्यादा फ्री गैस सिलेंडर भारत में दिए गए। 15 करोड़ शौचालय, जब लोगों के पास लैट्रिन टॉयलेट नहीं थे, 15 करोड़ से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट इस भारत में दिए गए, पिछले 6 साल की बात बता रहा हूं। 5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान गरीबों को मुफ्त में दिए गए हैं, ठीक है। बिजली गांव गांव तक पहुंचाई गई है, टोटली फ्री दवाइयां हैं भारत में, कि 5 लाख तक की दवाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मेरी बहन का कैंसर का इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है इंडियन सरकारी हॉस्पिटल में। मोदी सरकार के होने का मतलब ये होता है, इसे कहते हैं मोदी सरकार, जो इस तरह का डेवलपमेंट करती है। अगर ये हिंदू रिलीजियस सरकार है
तो हमें ऐसी सरकार कई सालों तक चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो रिलीजन जो होता है कि रिलीजन एक क्या चीज होती है, इसको आदमी को अलग रखना चाहिए और दूसरी बातों को अलग रखना चाहिए हमेशा। जैसे कभी कई बार लोग गोबर और गौमूत्र की बात कर देते हैं, अगर किसी को गौमूत्र में कोई मेडिसिन मिलती है, उसमें उसको कोई रिलीफ मिलता है, तो आप क्यों चाहते हैं कि वो उसका यूज ना करे? भारत में गौमूत्र होने का मतलब 10,000 करोड़ का हर साल कारोबार गौमूत्र का होता है भारत में। यह है गौमूत्र की ताकत, ठीक है। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के 25 सवाल पूछे हैं न्यू जो एलोपैथी है उससे, कि 25 सवाल हैं, इन 25 रोगों के अगर आपके पास इलाज है तो बता दो। एलोपैथी का दुनिया का कोई डॉक्टर इस वक्त ऐसा नहीं है जो उसमें से एक सवाल का आंसर दे पाए, सिंगल सवाल का, जबकि आयुर्वेद का दावा है और आयुर्वेद ने ठीक किया करोड़ों लोगों को, योग ने, मेडिटेशन ने करोड़ों लोगों को रिलीफ दिया है पूरी दुनिया में। ये कोई नई बात, ये कोई हम लोग झूठ बात थोड़ी बोल रहे हैं, तो सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ही मौजूद है। तो उन चीजों को धर्म से जोड़ देना कि ये तो रिलीजियस है इसलिए आयुर्वेद को, भाई आयुर्वेद एक साइंटिफिक चीज है, रिसर्च बेस्ड चीज है, एक्सपीरियंस बेस्ड चीज है, वो उसका धर्म से क्या संबंध? धर्म एक अलग चीज है। लेकिन पहले जैसे आपने बहुत सारी बातें कही, तो कि हमारे पास पैन कार्ड हो, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास ये रूल हो, तो इसके साथ हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। मेरा क्लियर है, मैं जब सुबह जगता हूँ, मैं मतलब अपनी लाइफ बताता हूँ, तो मेरी लाइफ से आप देख लीजिए इसमें कितना साइंस है और कितना धर्म है और कितना रूल है, इसमें आप निकाल सकते हैं कि भाई मुझे रिलीजन की जरूरत है कि नहीं। मैं सुबह उठता हूँ तो मैं रिलीजन की वजह से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जगता हूँ, डेली मेरा नियम 4 से 5 के बीच में जग जाना है। फिर मैं रिलीजन की वजह से सुबह सुबह तांबे के लोटे में भरा हुआ पानी पीता हूँ, पहले एक लोटा, फिर मैं फ्रेश होने जाता हूँ, उसके बाद 2-2.5 घंटे मैं योग करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, नहा के मंदिर जाके पूजा करता हूँ, पूजा करके फिर नाश्ता करता हूँ, फिर दिन भर मैं अपना काम करता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, शाम को संध्या करता हूँ, संध्या में थोड़ा भगवान को फिर याद करता हूँ, फिर दोपहर में एक बार भोजन कर जाता हूँ, फिर शाम को भी एक बार सांझ ढलने के पहले, सूरज डूबने के पहले खाना खा लेता हूँ, रात को खाना नहीं खाता, ठीक है, और फिर अपना रात को पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, बैठता हूँ, कुछ किताबें पढ़ता हूँ। ये मेरी लाइफ है। आप इसमें देख लीजिए कितना साइंस है, कितना रूल है और कितना धर्म है। सर, अगर आप ग्लास के में पानी पी लेंगे उस घाट के, तो उससे कोई आपकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं? तांबे के लोटे का, जो तांबा जानते हैं ना आप, कॉपर, जी जी, अगर कॉपर के उसमें अगर 1 लीटर पानी भर के आप रात को रख दें और सुबह बिना कुछ खाए पिए उसको पी लें, तो उससे आपके पेट में बहुत सही असर पड़ता है। इसको महीने में 15 दिन आप कर सकते हैं। क्या असर पड़ता है? क्या असर सही पड़ता है? कुछ एक्सप्लेन कर दें, क्या सही असर, वो कैसे एक्सप्लेन करें, क्या होता है? क्या आपके अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, जो गट माइक्रो फ्लोरा है वो अच्छा हो जाता है, क्या अच्छा हो जाता है? आप 1 महीने पिए फिर बाद में? ना, ये मत बताएं, पहले बताएं क्या अच्छा होता है, बताएं, कुछ एक्सप्लेन तो करें ना, साइंटिफिक है तो कुछ साइंस की परिभाषा भी दें इसकी, क्या अच्छा हो जाता है? आप एक्सपीरियंस की बात, वो साइंस से पूछिए सर, वो साइंस के बारे में, साइंटिस्ट थोड़े ना हूँ मैं, तो पीता हूँ, मुझे उसका आराम मिलता है, मेरा हाजमा ठीक रहता है। फीलिंग्स पर बेस है ना, अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब ये कहिए ना मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है, साइंस को बीच में मत लेकर आइए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी आपसे सेम बात कह रहा हूँ मेरे भाई। नहीं, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, उसमें साइंस की, उसमें जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है, जो रिलीजन है वो रिलीजन है, उसमें क्या बात करना है? अच्छा, तो एक चीज में जी सर, एक चीज मैं थोड़ा बोल दूं जी, अच्छा एक चीज मैं बोल दूं, जैसे इन्होंने कहा कि यूरिन जो है, गौमूत्र गाय का यूरिन, उसका 10,000 करोड़ का बिजनेस है, तो इसलिए ये इन्होंने उसका एज अ प्लस पॉइंट दिया। मेरा ये कहना है कि क्या गौमूत्र से कुछ असल में फायदा होता है, क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है? इंडिया के इन जो भक्त साइंटिस्ट है, इनको छोड़ के पूरे वर्ल्ड में कोई साइंटिस्ट नहीं बोलता इसका प्रूफ है। तो अगर ये यूरिन 10,000 करोड़ का बिजनेस देता है, तो क्या ये इसे वैलिड बनाता है? ऐसे तो प्रोस्टिट्यूशन बिलियन डॉलर, पूरा बोल दूं जो बिलियन डॉलर का बिजनेस है प्रोस्टिट्यूशन का, तो क्या ये वो वैलिड हो जाता है? और दूसरी बात ये कि आयुर्वेदा बहुत साइंस है, ये आप भी रुस्तम की इस बात को मानेंगे कि
आयुर्वेद में कहीं भी बैक्टीरिया और वायरस का कोई भी मेंशन नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था। ये तो जब गोरे ने माइक्रोस्कोप बनाया, उसके अंदर देखा कि बैक्टीरिया नजर आता है, तो एक बैक्टीरिया की जो थ्योरी, जर्म थ्योरी आई। लेकिन आयुर्वेद वालों को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। क्यों नहीं पता था? क्योंकि पता हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत कुछ तुक्के पे बेस्ड था वो। हाँ ठीक है, चले। लेकिन मैं शिविंदु क्रांति आपसे कहूंगा कि अगर आप ये जब कहेंगे ना कि यार ये साइंस बेस है किसी तरीके से, तो मुझे जो भी आपने जितनी बात की ना, मुझे ये लगता है ये सिर्फ आपका पर्सनल वो है, एक्सपीरियंस है, और ये आपका पर्सनल व्यू है। तो वो एक आदमी का एक्सपीरियंस या व्यूज को आप ये नहीं कह सकते कि वो हम सब पे अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है आपको ये पेट का जो आप कह रहे कि जो अच्छा लगता है, मैं आप सारी जिंदगी मैंने जो है ना कभी उसमें नहीं पिया, तांबे में या कॉपर के किसी में, हमेशा ग्लास, नॉर्मल ग्लास इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं भी ठीक ही काम कर रहा था, मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि मुझे जो ग्लास है जो आम बना हुआ उससे भी वही इफेक्ट आता है। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। लेकिन जब आप उसको कहेंगे ना कि यार इसका इफेक्ट रिलीजन की वजह से मुझ पर है और फिर ये दूसरे भी इस्तेमाल कर रहे, तो वहाँ थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो आप ये जरूर कह साथ में कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मेरा प्रश्न है ना हिंदू क्रांति जी से, और एक मिनट मैं सवाल करूंगा आपसे जी। एंटी मैं भूल जाऊंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ रिलीजन नहीं है, ये सब कुछ रिलीजन नहीं है, रिलीजन लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है चले, तो आपका अगर रिलीजन नहीं है तो आप रिलीजन के बगैर भी ये सारे काम कर सकते हैं ना। मतलब आपको फिर रिलीजन की जरूरत क्यों महसूस होती है कि आप सुबह उठ के खास किस्म का एक लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं, तो वो रिलीजियस ही मुझे लगता है। वो आप कहने के उसको रिलीजन के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। बस वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर उसको रिलीजन समझते हैं तो रिलीजन है, हम लोग उसको रिलीजन नहीं समझते, हम उसको लाइफ का, लाइफ ऑफ वे समझते हैं, जीने का तरीका समझते हैं। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छी बात है। एक एक इसी पे ही मैं आपके एग्जांपल देता हूं। सॉरी एक मिनट, पंजाबी एग्नोस्टिक सर मुझे थोड़ा सा अपने गेस्ट को रोटेट करना, आप अभी स्टूडियो में हैं, मैं आपको थोड़ी देर का ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दो दोस्त है इस मौजू पे आपकी जो आपने बात की वो डेफिनेट। ठीक है, मैं हो सकता हूँ आपको बाद में, स्टे स्टे ट्यून। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मैं उनको ये बगजी साहब उस वक्त कह रहे थे, उनका वो कुछ कहता। खैर एनीवे, एलटीसी साहब कुछ सवाल करते हैं आपका। चलो बगजी, मगर जरा एक मैं एक क्वेश्चन मैं कर लूं। हाँ। इन्होंने हिंदू क्रांति जी ने बहुत अच्छी एक रूटीन बताई जो कि बड़ी आइडियलिस्टिक है, और एक उसमें आपको एक हेल्थ कॉन्शियसनेस नजर आ रही है। मैं अपने, मुझे इंडिया की डिटेल से नहीं पता, पाकिस्तान में भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने तरीकों के हिसाब से, अपनी परंपरा, इवन उसमें रिलीजन नहीं आ रहा, मगर अपनी उसमें रूटीन कुछ फॉलो करते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट जो इन्होंने बातें बताई उन्हीं से ही मिलती जुलती चीज़ कर रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है कि कल्चर एक ही है। मैं यहाँ जिस देश में रह रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी रिलीजियसली लोग नहीं फॉलो करते, और दूसरी एक चीज़ है कि इंडिविजुअल से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि देखूँगा कि ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। यहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी में देख रहा हूँ, एक तो हेल्थ कॉन्शियस ने, वो अपने सुबह शाम रात के खानों की पूरी, उनकी कैलोरीज जो है ना पूरी कैलकुलेटेड होती हैं, वो ये देखते हैं कि उन्होंने अगर कितनी कैलोरीज, अगर किसी एक टाइम पे ज़्यादा कैलोरीज खा ली तो कितनी उनको रनिंग करनी है, कितना बर्न करना है। सुबह मुँह अंधेरे, अभी जब सूरज अभी निकला नहीं होता, हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है, यहाँ लोग सड़कों पर दौड़ते नज़र आ रहे होते हैं, रनिंग करते हुए, शाम को भी रनिंग करते हुए नजर आएंगे, अपने सही वक्त पे अपने ऑफिस जाते हैं, नाश्ता जो है वो बिल्कुल अर्ली टाइम पे, फिर 12 बजे लंच, 6 बजे डिनर, और बहुत लाइट सा डिनर, उसके बाद फिर दोबारा वॉक के लिए निकल जाते हैं। वो भी कुछ रूटीन्स फॉलो करें, मगर उन्होंने रूटीन्स जो है अपनी जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, साइंस को प्योरली साइंस की बेसिस पे, उन्होंने कोई क्रिश्चियनिटी या यहाँ के जो नॉर्डिक रिलीजन से पैगन रिलीजन है उनको नहीं फॉलो कर रहे, वो अपनी 21st सेंचुरी में जो साइंस ने उनको बताया उसको फॉलो करते हुए इसको फॉलो करते हैं। और अब ओवरऑल सोसाइटी की पे जब मैं देखूँ, मेरे पास और कोई वो नहीं रह जाता कि मैं अपने पर्सनल वो ऑब्जर्वेशन देखूँ, मैं सर्वेस देखता हूँ जो आप कोई भी सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ये जो हेल्दी रूटीन है वो ये बताएगी कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हेल्थ का लेवल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये जो नॉर्डिक रीजन में एक हाई लेवल की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मेल एज जो है वो 86 ईयर है, और मेरे ख्याल से 89 जो है वुमेन की एज है ऑन एवरेज, ठीक है, और 90 साल के, अभी कल मैं अपने
बेटे के साथ एक जगह जा रहा था, यहाँ ओल्ड हाउसेज हैं जहाँ 90 प्लस के लोग होते हैं, उनमें से वो 90-92 ईयर के लोग जो थे, 10-12 की एक टोली जो है ना, वो साइकिलों पे, कल जरा काफी अरसे के बाद धूप निकली थी, वो साइकिलों पे जो है ना वो सर से ओल्ड हाउस से निकल रहे थे और साइकिल पे कहीं लेक वगैरह तक जाने का उनका प्रोग्राम बना। मैं सोच के मुझे ये हुई कि हमारे देश में, यानी इंडिया का डेफिनेटली एक डिफरेंट होगा, मगर हमारे यहाँ जो है 60 के बाद तो लोग वैसे ही साइकिल और इस वाली चीज को भूल जाते हैं, 70 पे जाके तो उनको बस ये होता है कि किसी तरह मैं अल्लाह अल्लाह करूं और कब्र एवरेज जो है ना, एवरेज एज जो हमारी है वो 67 है पाकिस्तान 67 बिल्कुल, और इंडिया की भी इससे थोड़ी सी शायद बेहतर होगी या ज्यादा होगी, इंडिया की बेहतर नहीं, कितनी होगी, नहीं 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 69 है बिल्कुल, मगर 89-87 इन लोगों ने एक, और इनकी भी ये नहीं है कि हमेशा से इनकी कुछ थी, कुछ जेनेटिकली नहीं है, इन्होंने रिसेंटली अपनी चीजें अपनी सोसाइटी को एक साइंटिफिक तकाजों के हिसाब से किया और उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज, सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह की इन्होंने चेंजेस किए हैं कि अब दुनिया के अंदर जो हैप्पीनेस इंडेक्सेस होते हैं उनमें आप जब भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स उठा लें, HDI इंडेक्स उठा लें, आप हर जगह ये सोसाइटीज जो है ना आपको लीड करती नजर आएंगी। तो इन्होंने कुछ ऐसी नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ना नंबर वन आता है मेजॉरिटी टाइम पे डेनमार्क आता है, अभी सर्च करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और उसके भूटान एशिया के अंदर शायद होगा नंबर वन, मगर ओवरऑल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर अभी भी सर्च कर लें, नंबर वन जो है वो इस दफा फिनलैंड आया, सेकंड स्विट्जरलैंड आया और सेकंड डेनमार्क आया, वरना इससे पहले डेनमार्क आता था हमेशा नंबर वन। तो उन्होंने अपनी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस की हैं। और एक एक बात डेफिनेटली एक जो जिस पे मैं भी मानूंगा कि पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत मेजर पॉपुलेशन साइज है ना, उसमें बहुत फैक्टर्स है, उसमें दे डोंट इवन इन्वेस्ट ऑन आर्मी, दे डोंट हैव देयर आर्मीज, ये एक अनफॉर्चुनेट, यानी आपके यहाँ तो इतना ज्यादा शायद रेलेवेंट ना हो मगर ये मेरे देश में ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक फैक्टर है, उनकी सोसाइटी अलग से ले दे, प्रोग्रेस वो इंडिपेंडेंटली कर पाए, इन्होंने अकल पकड़ी ना। अब स्वीडन और डेनमार्क 1600 से लेके 1800 तक कंटिन्यूसली 300 साल की कंटिन्यूस जो है ना वॉर के अंदर जो है ना इन्वॉल्व रहे, उसके बाद इन्होंने अकल पकड़ ली। ओके जी बख्शी साहब वेलकम, आप काफी देर सुन रहे थे, मेरे ख्याल में आप चैट में भी कुछ ऐसी बातें की जो आप चाह रहे थे कि आप। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी, मैं तो मतलब कुछ बातें सुन के तो ना इट बॉगल्स माय माइंड कि वो जो बातें करके गए हैं कि हिंदुओं ने जी मोदी को वोट इसलिए डाला है क्योंकि वो मुसलमानों को मजा चखाया। आई मीन आई हैव नॉट सीन हर्ड मोर यू नो इडियोटिक सेंटेंस इन स्टेटमेंट ऑफ माय लाइफ, मतलब इतनी बकवास बात। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड इट्स पर्सनल कमेंट, बट देन आप अपना ओपिनियन दे, मेरा ओपिनियन बता देता हूँ कि अगर मैं 23% या 30% या 40% पॉपुलेशन को ये बोलेंगे क्योंकि वो उनने वोट इसलिए डालते हैं वो क्योंकि मुसलमानों को मारने उनको मजा आता है या देखने मजा आता है, तो मैं इससे ज्यादा पर्सनल कमेंट तो मैंने अपनी लाइफ में सुना नहीं कोई समवन इज मेकिंग टू मी, मतलब इट इज मारने वाला, मुझे नहीं समझ किस सेंस में कह रहे हैं आप कि मारने वाला क्या वो? नहीं नहीं, ही सैड, ही लिटरली सैड कि मोदी को वोट इसलिए लोग देते हैं क्योंकि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसने मुस्लिम्स को मरवाया था या मारा था, सो दे आर हैप्पी विद दैट एंड दैट्स व्हाई दे वोटेड मोदी। इंटरनेट की कितने परसेंट लोग अमेरिकन लोग जो वेस्टर्न लोग हैं, सो कॉल्ड वेस्टर्न लोग हैं, वो अभी भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। तो यू नो जस्ट टू रेगुलर ये बोल कर ये जस्ट यू नो स्वीपिंग स्टेट्समेंट आके बोलना कि ये नहीं है, एंड ही सेड ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं इंडिया के, ये बाहर के अंग्रेजी के डॉक्टर तो नहीं है। मैं इसे पूछना चाहता हूँ अगर ये इंडिया में है तो अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंडियन डॉक्टर्स के पास जाता है या बाहर के डॉक्टरों के पास जाता है? Does it go to Indian, you know, bad Indian doctors or bar Indian doctors? और जो आयुर्वेदिक का है, I don't take medicines, मैंने एक अपने ट्रीटमेंट के लिए, we always 19
99.5% people go for allopathic medicines. People don't take it. Ayurvedic medicine itna famous nahi hai. But still, it is a legal system, but not by the approved by the Modi government or any other government. It's been there for years and years. Approved system hai, uska formal education hota hai, aur allopathy aur Ayurvedic ke saath dono ka formal education hota hai. Right? Education hota hai. To ye bol dena ki yaar wo kyun ke piche science ki agar aapko nahi pata na yaar aap go ahead and study it. If you don't want to take it, don't take it. Koi le raha hai jisko fark pad raha hai. If something works for you, works for you. वो चाहे नेचुरल से आया चाहे मेरे को वो एक फ्रूट खाने से आ रहा है या मेरे किसी और से आ रहा है हु आर यू टू डिक्टेट समवन कि उसको क्या मेडिसिन देना चाहिए सेकंडली उसने गौमूत्र का बोला दैट मे गिव एन एग्जांपल देयर इज अ मेडिसिन फॉर मेनोपॉज ऑफ वुमन दैट इज मेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ हॉर्स क्या आप उसको भी रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम यूरिन ऑफ हॉर्स यू नो यू आल्सो गोइंग टू रिजेक्ट इट कंप्लीटली इट्स अ फॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका फिल्टर प्रोसेस करते हैं और जिसके लिए भी यूज होता है यूज होता है सर तो बग्जी देखे जो हमारा जो इशू है ना वो ये नहीं कि एक्सट्रैक्शन अगर तो करनी है ठीक है लेकिन जैसे अरब मुल्कों में वो उसका कैमल यूरिन पी रहे होते हैं रॉ फॉर्म में ठीक है और उसके ऊपर वो कह रहे थे कि जिसके ऊपर बहुत साइंटिफिक वो हुआ है इसका ये फायदा है और वो रुक जाइए तो वो तो जो पीपल इन्वॉल्व हैं जो एफडीए अप्रूव करती है चीजें वो देखेगी ना सर वो हम थोड़ी देख सकते हैं इफ समवन इज फ्रॉम फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी कंट्री या उसको आप मानते हैं अगर वो अप्रूव कर रही है उसको कि एटलीस्ट दिस ओके दिस थिंग डजंट हैव साइड इफेक्ट्स एटलीस्ट साइड इफेक्ट नहीं है तो आपकी हेल्थ को नहीं करेगी चलो आपका प्लेसिबो इफेक्ट बोल जो मर्जी बोल मैं तो नहीं पीता ना मैं किसी को जानता हूं जिसने पिया आज तक कोई यूरिन अगर कोई लेता है दैट इज अ प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट अगर आप न्यूट्रिशन में जाएंगे तो मैं आपको 10 चीजें ऐसे गिना सकता हूं दैट शुड बी बैंड फ्रॉम योर शेल्फ्स वो अभी भी एफडीए अप्रूव्ड है वो आपको जाते हैं इट्स हर्टिंग योर हेल्थ डे इन एंड डे आउट लेकिन हम लोग खाते हैं बिकॉज वी लिव इन फ्री सोसाइटी अगर वो एफडीए अप्रूव्ड है अगर कोई लेता है तो यार आपको क्या दिक्कत है व्हाई आर जजिंग पीपल यू नो जस्ट बिकॉज समवन अभी मैंने आपको दवाई दे दी क्या मैं उस वुमन को जज करना शुरू कर दूं जो यूरिन से हॉर्स यूरिन से मनी दवाई टेक्स इन एनी फॉर्म एक्सट्रैक्ट फॉर्म उससे लेता है किसी भी एनिमल ह्यूमन की जो है ना अंदर जो जितनी भी इम्प्यूरिटीज है और एक जो बैड एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करता है वाटर के थ्रू जो है नाइट अगर वो एक्सट्रैक्ट करके काउ यूरिन है वो बीइंग अप्रूव्ड बाय द ड्रग एंड मुझे कुछ ऐसा इंप्रेशन था हिंदू क्रांति जी ने एक दफा पहले शायद जिक्र किया था काफी किसी और स्ट्रीम पे कि काउ यूरिन इन्होंने एज ए एक्सट्रैक्ट फॉर्म में नहीं बल्कि उसका जो बोलते हैं इफ यू टेक इट नाउ यू नो पीपल विद हुअर किड्स ओके ओनली ह्यूमन आर द पीपल हु ड्रिंक मिल्क ऑफ सम अदर स्पीशीज ओनली ह्यूमन कोई और जानवर नहीं पीता है एंड इट्स द डॉक्टर सेज दैट जो गट में जो बैक्टीरिया रहता है टू डाइजेस्ट द फूड बिकॉज इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव लैक्टोज इनटॉलरेंस स्पेशली इन द वेस्ट इंडिया में तो कोई टेस्ट कराता नहीं है बाहर कराते हैं तो the bacteria to digest that milk is only found in the child as you grow up aapka bacteria jo hai it dies out from your you know system and you cannot you know digest the food, milk lekin scientists ye bolte hain if you take raw milk without pasteurizing it without you know usko bina garam kar hue it has its own bacteria jo aapko pet mein usko digest karega aapko a lot of people jo aaj ki date mein jo one thing they have been concluded aapke jo इन्फ्लामेटरी बीमारी है जैसे आर्थराइटिस है एवरीथिंग यू नो उसकी डायरेक्ट रिलेशन जो है ना दैट इज फ्रॉम द गट माइक्रोबायो परमेबिलिटी ऑफ द गट माइक्रोबायो तो अगर वो आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है द लेयर ऑफ योर गट दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड यू हैव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन योर बॉडी और आर्थराइटिस उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है एंड इफ यू आर टेकिंग मिल्क इन रॉ फॉर्म वो आपका इट हेल्प्स यू फिक्स इट बट इफ यू टेक इट इन पैस्टराइज फॉर्म इट इज बैड फॉर वेरी बैड फॉर द हेल्थ बताया ये एक्सेप्शनल केसेस को नहीं हम जनरलाइज्ड फॉर्म में दिखा
जी आप जी जी मगर बक्सी जो जो आपने जो मिल्क की बताई कि आपका जो मिल्क अंदर एनटीसीसी एक वो उन्होंने शायद जाना इसलिए थोड़ा उसका पॉइंट ले लें फिर तो मुझे एक 10-15 मिनट के लिए बाहर जाना है बिफोर दैट आई विल जस्ट पुट माय पॉइंट इन देखिए एलोपैथी जैसा कोई मेडिसिन नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैथी इज यू नो कैसा एलोपैथी नाम कैसा आया जब जर्मनी में होम्योपैथी के ऊपर जा रहे थे लोग तो वहाँ पे जब 18th सेंचुरी में जब डॉक्टर्स जो मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स है वो समझने के लिए लाशों को चीर पाट रहे थे और जो मेजरली डेंटल जो भी ये रहता ना कैविटी जिसको होता है उसको दांत तोड़ के निकाल देते तो बहुत हॉरिफाइंग सिचुएशन थी क्योंकि वो टाइम पे पेन किलर्स और एनेस्थीसिया की उतना यूज नहीं होता था तो उनको अल्कोहल एज अ सेडेक्टिव दिया जाता था एंड उनके दांत गीत तोड़े जाते थे ये एक तरह का ट्रीटमेंट माना जाता था अब होम्योपैथी आया इसका अगेंस्ट में और बोलने लगा कि व्हाटएवर द अदर थिंग द पीपल आर डूइंग दैट इज एलोपैथी ठीक है तो अब जब भी आप मेडिकल कॉलेजेस में जाते हो तो आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि आप एलोपैथी पढ़ रहे हो वहां आपको सिर्फ मेडिकल साइंसेस पढ़ाई जाती है एंड अभी जो कन्वेंशनल मेडिकल साइंसेस है इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल अगर मैं कल भी सीसीजी के शायद स्ट्रीम में था तो मैं वही बात उठाया देखिए कैफेन का मेडिकल बेनिफिट्स है कैफेन कहाँ से आता है कॉफी से आता है उसका मेडिकल बेनिफिट्स क्या है उसका आपकी मेटाबॉलिज्म को वो स्लो करता है आपकी यू नो थोड़ा आपको एक्टिवेट करता है आपकी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है तो आप थोड़ा लेजी गीजी नहीं होते हो अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई बैरियर नहीं है वो कॉफी बीन्स को लेंगे उसमें से कैफेन एक्सट्रैक्ट करेंगे एक कैप्सूल बनाएंगे और आपको दे देंगे और आयुर्वेदिक में ये प्रॉब्लम होता है अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ओमेगा 3 दिया जाता है ओमेगा 3 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू नो फिश ऑयल अब आपको फिश ऑयल जो देते हैं ये मॉडर्न मेडिसिन में पॉसिबल है एंड उसका बहुत सारा बेनिफिट्स आपने देखा हुआ है बट आपको आयुर्वेदिक में ये लिमिटेशन होता है कि सिर्फ आपको जाड़ यानी हर्ब्स यानी हनी या काउ मिल्क इनसे ही पदार्थों को लेना चाहिए वो फिश लीवर से जो भी फिश ऑयल निकालते हैं उसका कोई एडवोकेट नहीं करता एंड ये क्वेश्चन पुट ऑन किया था कि क्या व्हाट इज दिस आयुर्वेदिक क्या ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का इक्वलेंट होता है नहीं होता है बाबा रामदेव खुद ये कहते हैं आयुर्वेदिक मॉडर्न मेडिकल साइंसेस इज बेटर इन टू थिंग्स नंबर वन लाइफ सेविंग ड्रग्स नंबर टू इज सर्जरी अब इंसान को मेडिकल सर्विसेज इससे ज्यादा क्या चाहिए अगर आपकी लाइफ के ऊपर कुछ रिस्क है तो आपको बिल्कुल इनके पास ही जाना चाहिए ना तो कोविड पेशेंट्स को जब लाइफ रिस्क होगा तो क्या कोई आयुर्वेदिक दवा है कि उनको दिया जा सकता है या लाइफ क्योर हो जो क्योर होता है आपको एक मिनट आपको एक मिनट आपको मालूम है कि भारत में कोविड के 90% मरीज आयुर्वेद से ठीक हुए हैं और जिन 10% में एलोपैथी ने काम किया है उसमें 5% मर गए हैं और ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं आज के दिन भैया आप ये मुझे ये समझा सकते हैं कि कोविड को ठीक कैसे किया जा सकता है कोविड को गाढ़े काढ़ा पी के ठीक किया जा सकता है नहीं किया नहीं हिंदू क्रांति जी नहीं हिंदू क्रांति जी मैं आपको चैलेंज करता हूं आप स्वीपिंग स्टेटमेंट बना दें आप लोग नहीं ठीक होगा हिंदू क्रांति रुक जाओ अरे रुक जाओ हिंदू हिंदू क्रांति जी रुक जाओ आप ले आइए हम ठीक करके दिखा देते हैं हिंदू क्रांति जी एक मिनट सारे सुन ले जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे होते तो बी केयरफुल क्योंकि ये सारी जगह आप जो बात कर रहे हैं इस तरह की जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है नहीं बक्सी जी हम मैं कोई झूठ अरे रुक जाओ एक मिनट मेरे भाई बक्सी जी मैं कोविड से इफेक्ट हुआ हूँ मेरी बीबी कोविड से इफेक्ट हुई है मेरे बड़े भाई एक दो भाई इफेक्ट हुए हैं मेरा भतीजा इफेक्ट हुआ है मेरे पिता इफेक्ट हुए हैं मेरी माँ इफेक्ट हुई है और हम सब काढ़ा पी के ठीक है कैसी आप बात कर रहे हैं क्यों नहीं कहेंगे हम ऐसा हो गया मेरा मम्मी मेरा पापा मेरा भाई भी हुए हैं एंड वो बिना कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए भी ठीक हुए हैं तो ये कैसा हो गया और वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए आप देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए ये बार इंडिया में ना बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है विच इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी बूस्टिंग ये व्हाट नॉनसेंस इज इम्यूनिटी बूस्टिंग कोई मुझे उसका साइंस बता सकता है व्हाट इज इम्यूनिटी बूस्टिंग
क्यों नहीं था यार, यार नाउ यू आर मेकिंग योर नाउ यू आर आल्सो स्वीपिंग मेकिंग स्वीपिंग स्टेटमेंट सी वी आवर इफ यू हैव टू आई एम नॉट अज्यूमिंग आप मुझे समझा दो ना इम्यूनिटी बूस्टिंग क्या होती है व्हाट इज अ केमिकल फार्मूला ये जो डेंगू होता है उसमें प्लेटलेट गिरता है, प्लेटलेट और बहुत तेजी से प्लेटलेट गिरता है। मेडिकल साइंस के पास कोई दवा नहीं है प्लेटलेट ठीक को कंट्रोल करने की, दुनिया में कोई दवा मौजूद नहीं है। बकरी का दूध और पपीते का पत्ता यही, अरे मेडिकल आपका एलोपैथी वाला भी यही सजेस्ट करता है और वही पिलाने से वही ठीक हो, उसी से ठीक होता है और दुनिया में कोई दवाई नहीं उसकी प्लेटलेट की। कीवी का फल, बकरी का दूध या पपीते का पत्ते का रस, तीन ही आइटम है, चौथा कोई आइटम नहीं पूरी दुनिया में की प्लेटलेट को ठीक कर दे। कैसी आप बात करते हैं अबरी डॉक्टर, सुनो सुनो हिंदू क्रांति, हिंदू क्रांति, हाँ मैं अभी का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ व्हाट इज इम्यूनिटी। सुनो सुनो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इम्यूनिटी। सी का आपने क्वेश्चन पूछा हिंदू क्रांति, जरा रुके दो मिनट। कोई भी डॉक्टर एलोपैथी की आज की डेट में कन्वेंशनल सो कॉल्ड कोट अनकोट कन्वेंशनल नॉट एलोपैथी ट्रीटमेंट में आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास राइट नाउ मेडिसिन के सिवा ही गिव्स विटामिन सी कैप्सूल्स, ही विल गिव विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है वो देता है और 80% आपका इम्यूनिटी इज मेड इन द योर गट बायो माइक्रोबायोम। तो आप ये ना बोले कि इम्यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है सर, आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द मॉर्टेलिटी रेट्स जिसमें, और क्योंकि आपका जो जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है दैट इज कम्प्लीटली बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर आपके जो आपका फूड जो है योर योर ग्लूकोज रिस्पॉन्सेज एज वेल एज इंसुलिन रिस्पॉन्सेज डायरेक्टली इन्फेक्ट योर इम्यूनिटी। जिनका पाया गया तो पीपल हु आर डायबिटिक एंड हाइपर टेंशन है उनका ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल्स है देयर आउट ऑफ देयर वैक्ट सो उनका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। तो जस्ट सजेस्ट की ना इम्यूनिटी नाम का कुछ ही नहीं होता है। तो विटामिन सी जो डॉक्टर्स दे रहे हैं विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन देते हैं या विटामिन डी बी ट्वेल्व की सप्लीमेंटेशन देते हैं या विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन देते हैं या वो आपकी डाइट को फिक्स करने के लिए बोलते हैं, दैट्स व्हाट मींस बाय बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी। हाँ बोलिए आप बोलिए भाई। दुनिया में ना इम्यूनिटी अगर आपको चाहिए किसी भी पैथोजन से, पैथोजन का मतलब किसी बाहरी सेल जो आपके अंदर एंटर होके आपको प्रॉब्लम पहुंचा रही है, तो ये ओनली टू वे से आप अचीव कर सकते हैं, ना कोई केमिकल से ना कोई यू नो नेचुरल पोर्शन से। ये नंबर वन है नेचुरल वे, सेकंड वन है आर्टिफिशियल वे। नेचुरल वे वो होता है जो आपको वो पैथोजन इन्फेक्ट करे और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज आपके बॉडी में जनरेट हो गए। मैं वो ना बोले तो आपको एक 10 मिनट टाइम दीजिए, मैं पूरा ये समझाऊंगा ये पैथोजन क्या होता है, माइक्रोजन क्या होता है, टी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल से मेमोरी सेल्स कैसे होते हैं, मेमोरी सेल्स का पैथोजन। नहीं नहीं सर, हमें सर हमें देखो मेरे को पता हुआ थे आप प्लीज उसको ना लें, मेरे को पता हुआ थे आपके जो आप बोल रहे हैं ना, बक्सी भाई मुझे कंप्लीट करने दो। आप देखिए, वी कैन नॉट लिसन 10 मिनट्स आप व्हाई यू कैन नॉट लिसन आपका मैंने सुना ना, मैंने सुना ना आपका वो 10 मिनट्स बोल रहा है मेरे भाई, सुन लो पूरी से। 2 मिनट का मुझे मैं मेरा बात कंप्लीट करने दो, फिर आप बात कीजिए। ये सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, एक वो पैथोजन आपको इन्फेक्ट करना है नंबर वन, नंबर टू आपको आर्टिफिशियली वो पैथोजन आपके अंदर भेजना पड़ेगा। जब आपकी इम्यून सिस्टम उसको रेस्पॉन्स करके उसकी एंटीबॉडीज बनाएगी, इसको कहते हैं हम इम्यून सिस्टम। जैसे अभी बोल रहे हैं ना, अभी जिंक और जो आपने कैल्शियम का ये दिया है, ये सिर्फ वो इम्यून सिस्टम बनाने के टाइम पे आपकी बॉडी को सप्लीमेंट जैसा हेल्प करता है, ना कि कोई पैथोजन को डायरेक्टली जाके मारता है। ये मेरी जो सप्लीमेंटेशन, आई सेड सप्लीमेंटेशन सर, दैट्स व्हाट आई सेड सप्लीमेंटेशन, आई मीन आप आपने नहीं सुना मेरे को, यस इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, आई डिडंट से इम्यूनिटी क्रिएट करता है, आई डिडंट से इम्यूनिटी क्रिएट करता है, बक्सी जी मुझे कंप्लीट, अंटिल एंड अनलेस वो पैथोजन आपके अंदर आएगा, आपको मैं चैलेंज करता हूं आपके अंदर उसके इम्यूनिटी आएगा ही नहीं। Until and unless if you are infected with coronavirus, either by vaccination or by natural causes, आपके अंदर इम्यूनिटी आएगा या नहीं? आप कैसा कहोगे कि मेरे अंदर इम्यूनिटी आ गया? There is no other way. अगर so there is only one coronavirus in the body that we can be infected. अगर स्ट्रीम में कोई डॉक्टर है तो उनसे ये बात कंफर्म कीजिए, अगर वो बोलते हैं नहीं हम ये सप्लीमेंटेशन केमिकल्स जो भी लेते हैं इससे कोरोना मर सकती है, तो मैं इधर से इधर आपको हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैं ये चैलेंज सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपको हिंदुइज्म कन्वर्ट करेंगे, तो पहली बात आप क्लियर ले रहे हैं ठीक है, हिंदुइज्म की बात बीच में ना लाएं। आप वनिता कौर जी डॉक्टर है तो वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, थैंक यू। ही इज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ओके पहली बात सुन ली,
आपने बोला कि इम्यूनिटी बाहर से नहीं आएगी, इम्यूनिटी नहीं बनता है, ठीक है सर, इतनी इतनी की न्यूट्रिशन की स्टडी नहीं कर सकी। इसके बारे में बात कर रहा हूं, कौन सा डेंगू के बारे में। डेंगू में प्लेटलेट काउंट आपका गिरता है, तो आपको प्लेटलेट काउंट ये एक सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा जो पपाया के एक्सट्रैक्ट से होता है, एंड वो कन्वेंशनल मेडिसिन में ऑलरेडी मौजूद है। उसमें क्या पाप कर दिया भैया, अगर बकरी का दूध पपैया का रस पी लिया क्या पाप कर दिया। अरे भाई मैं पाप का कोई कॉन्सेप्ट का बोल रहा हूं, आपका मोनोलॉग खत्म हो गया था, बोले रिस्पॉन्ड। बट अच्छा एक मिनट आई हैव टू रोटेट, मुझे एक और दोस्त को साथ लेना, तो प्लीज उसको जो है ना शॉर्ट करके खत्म करें ताकि मूव ऑन हम कर सकें। जी यहाँ पे आप कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद मूव करते हैं। वो पपाया से एक यू नो केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कारिका पपायस। ओके इस पर्टिकुलर केमिकल से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके ब्लड स्ट्रीम में जब ये जाता है तो उसको आपकी ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, वो प्लाज्मा सेल्स को मल्टीप्लाई होने में मदद मिलता है। साइंस इज सिंपल, बट प्लाज्मा सेल्स आपके बॉडी में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि प्लाज्मा सेल्स ऑन ए लॉन्ग टर्म आपके बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है ये इनका काम होता है। जो जो डेंगू का वायरस है ना, वो डेंगू का वायरस है कि नहीं है ये बताइए, आपको आयुर्वेद है कि नहीं है। ओके सेकंड, मॉडर्न या कन्वेंशनल साइंस में ये आयुर्वेदिक या नॉन आयुर्वेदिक होता ही नहीं है। अगर उससे आयुर्वेद है कि नहीं है, पपाया का पत्ता आयुर्वेद में है कि नहीं है, नहीं है, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है। क्यों मैं बोलता हूँ, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, क्योंकि बनता है ना वो मेडिसिन, जो भी बनता है ना, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन उसमें इतना डोसेज होता है कि आप 5 पपाया के फ्रूट का है क्या आपको। हाउ डज इट मैटर सर, हाउ डज इट मैटर, तू हाउ डज इट मैटर, वो पपीता खा रहा है यार, पपीता इज अ फ्रूट, व्हाई यू आर अगेंस्ट द फ्रूट नाउ, व्हाई यू आर अगेंस्ट फ्रूट यार, कम ऑन मैन, आई एम टेलिंग यू मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ब्रैकेट नहीं होता, ये आप लोगों ने क्रिएट किया है। ये पपाया होगा आयुर्वेदिक, किसने कहा पपाया होगा आयुर्वेदिक, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस भाई लिखा है बुक में, लिखा है। अरे भाई किसकी बुक में लिखा है, तो लिखा है ना यार, मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर तो भी आता है ना, एक के बाद कौन कर रहा है भाई, दोनों से आप लोगों का डिवीजन है, मेरा नहीं है डिवीजन, वो हाइपर एक्टिव, मेरा नहीं डिवीजन, आपका डिवीजन है। एक मिनट बक्सी जी और हाइपर एक्टिव जी, एक मिनट थोड़े शांति हो जाए। मुझे आप हम लोग जो है ना, मेरे ख्याल में थोड़े से टॉपिक से भी हट गए, मैं उसका थोड़ा सा वो जो खबरों में जो है बात होगी थी, मैं आप लोगों से ये भी साथ में चाहता हूँ, मुझे आप इसका भी बताइएगा। मैं पहले अपने एक दोस्त को ले लूँ, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप मुझे ये भी बताइए जो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि जी हमें जो है क्या हम बगैर रिलीजन के, जब हम ऑलरेडी अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़ा हिस्सा बगैर रिलीजन के गुजार देते, तो क्या हमें उसकी ज़रूरत है, उसके ऊपर भी मुझे आपके विचार चाहिए। एक मिनट रुस्तम शाह जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है, आप पहले ये स्पष्ट कर दे कि रिलीजन में आप किस किस चीज को रखते हैं और किस किस चीज को नहीं रखते हैं। जो आपका रिलीजन है, जो भी आपका रिलीजन है, मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि रिलीजन कौन सा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बाहर जाते हैं गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त आपके जेन में ये नहीं होता कि भगवान आपको देख रहा है, वहाँ ये होता है कि पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा, आपका चलान हो सकता है, क्योंकि एक लॉ है जमीन पे इंसानों का बनाया हुआ लॉ है जो ये कहता है कि आपने सिग्नल नहीं तोड़ना, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने रेड होगा तो आपने रुक जाना है, ठीक है, और ये मैन मेड लॉ है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जनरली हमारी लाइफ में हम लोग जो है ना रिलीजन को से ज्यादा अपने बनाए हुए लॉस की हमें फिक्र होती है और हम उसको फॉलो भी करते हैं क्योंकि वो हमारे इस जमाने से मुताबिक रखते कंपेटेबल है। तो जब हम सारे काम वही कर रहे हैं और हम जब यहाँ इंटरनेट पे आते हैं या घर में अकेले बैठे हुए, तो उस वक्त हमें रिलीजन तो याद आया था, हम बड़े करते, अभी यहाँ से आप बाहर जाएंगे अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे तो उस वक्त ये सारी बातें आपके दिन में नहीं होंगी, तो उस सेंस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और उसमें टेप रिकॉर्ड में भजन चला के सुनते हैं, तो और ये याद रखते हैं कि रास्ते में किसी पशु पक्षी वगैरह को कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, किसी कुछ लगने ना पाए, मतलब किसी को कोई हमारी गाड़ी से नुकसान ना होने पाए, तो ये सब रिलीजन होता है कि क्या होता है ये चीज। ये तो आपका पर्सनल है ना, इसका उसके रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। रिलीजन से मुराद ये कि गाड़ी चलाते वक्त आपको ये नहीं है कि मैंने भगवान की 5 दफा पहले प्रार्थना करनी या उससे पूछना करनी फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, नहीं आपको, ठीक है ना, आपको गाड़ी सड़क पे चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक
उसकी जो जो कोड है आपका जो जो ड्राइविंग लाइसेंस के वक्त आपको बताया जाता है कि यार आपने इस तरह फॉलो करना है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आम जिंदगी में क्या हम जब ऑलरेडी इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, रिलीजियस जिंदगी को, तो हम इसको हटा दें अगर कह के जी हम बगैर रिलीजन की जिंदगी रह सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? रुस्तम साय जी, रिलीजन क्या है? एक टोटल सोसाइटी को इकट्ठा करता है, मिलाता है, एक सोसाइटी क्रिएट करता है रिलीजन। अब जैसे हमें अपने लड़की की या लड़की की शादी करना है तो उस वक्त हमें रिलीजन की जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। हमें एंजॉय करना है लाइफ को, अब हमको त्योहार मनाना है, आपकी लाइफ में एक त्योहार आया ईद, एंजॉय करने का मौका मिला। आपको अगर दुखी होना है ना, ऐसे समझिए कि अगर आप दो बहुत अच्छे दोस्त है, गहरे दोस्त, और दूर कहीं जंगल में आप चले जाएं और उनमें से एक का कोई, ईश्वर ना करे, लेकिन इंतकाल हो जाए, तो जो दूसरा है वो वहां रोएगा नहीं, उसको वहां दुख नहीं होगा, और उसको वहां अकेले में हंसी भी नहीं आएगी, मजा भी नहीं आएगा। अगर कोई एंजॉय अकेले करना चाहे तो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक सोसाइटी की जरूरत होती है, इंसान एक सोसाइटी का एनिमल है, तो उसके लिए सोसाइटी की जरूरत होती है। तो ईद में जब बहुत से लोग आते हैं, पार्टी होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, गाने बजाने होते हैं, तो उसमें जो एंजॉय का पॉइंट होता है ना, वो उसमें मजा ही तब आता है जब अपने लोग उसमें शामिल होते हैं। अपने ही लोग शामिल ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है। तो रिलीजन क्या है? त्योहार क्रिएट करता है, एंजॉय के ऐसे मौके क्रिएट करता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बाय रूल से चलती हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आज हम रिलीजन कहते हैं, और उनके बगैर चलना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू बगजी जी, आप कॉपी ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, मेरा मोनोलॉग लें आप। देखो, रिलीजन जो है, I was atheist at some point of time. Uske baad I outgrow from it. So I'm not a religious guy. Abhi bhi nahi hu, but I more have try to have scientific approach. I try to keep my mind open for everything. Ek scientist hai. I think he follows him. He's a Brett Weinstein. He's an American biologist. Okay, he's Jew. He's not atheist. So, उसको जब पूछते हैं, what is the definition of religion? You know, do you think a God exists? Yeah, religion. अभी एक चीज है, God exists or religion exists. They are two different things. They are not the same thing. God exists. अगर मैं इसको कह दूँ कि God obviously seems like it doesn't exist, or at least the God we know does not exist. But जो religion है, does it exist or इसकी कुछ utilization है current world पे या नहीं है? एक तो उसका आंसर था कि गॉड, यू नो, लिटरली जो रिलीजन है डज नॉट एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बट मेटाफोरिकली इट एग्जिस्ट। सो इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, एक जो बाप है वो अपनी जिंदगी में ही ट्राई टू डू ऑल द गुड थिंग्स, उसको बताया गया कि इफ यू डू द राइट थिंग्स यू विल गो टू हेवन। ओके, नाउ ऑब्वियसली वी नो देयर इज नो हेवन, देयर इज नो सच थिंग एज हेवन, बट व्हाट वी नो इज अगर आप ऐसी चीज करोगे, मॉरली करेक्ट चीज करोगे, एटलीस्ट द थिंग्स दैट यू आर टोल्ड, इफ यू आर फॉलोइंग, यू नो, राइट मॉरल थिंग्स, जैसे न्यू टेस्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, तो आप अपनी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे, और सोसाइटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो एटलीस्ट आपका जो बच्चा होगा, हु इज कमिंग इनटू बेटर सोसाइटी फ्रॉम जो उसकी पुरानी सोसाइटी थी, यू आर नॉट क्रिएटिंग ए हेवन एनीवेयर एल्स, यू आर क्रिएटिंग दैट हेवन इन हियर फॉर योर ऑफस्प्रिंग। आपकी ऑफस्प्रिंग जब द्वारा पैदा होती, वो ही ऑल्सो डज द सेम थिंग, देन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट राइट ऑन द अर्थ। नाउ हियर द हेवन का कंसेप्ट है दैट डज नॉट exist actually, but if you metaphorically it is existing. So the significance of religion jo hai na, I think the atheism hai ya religion, non-religion hai, that is not for everyone. That's my belief. It may work for me, it may not work for me. जो रिलीजन है, डिस्कवरी ऑफ रिलीजन, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, फॉरगॉट हिज नेम, बोलते कि गॉड अगर नहीं भी होता, वी वुड हैव इन्वेंटेड हिम, इट इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन नेचर, बिकॉज ह्यूमन एज सच आर, यू नो, वी आर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, वी आर एज वाइल्ड एज, और एज, यू नो, एनिमल एज प्रोबेबली चिंपैंजी अवर क्लोजेस्ट। एक कल्चर को रिलीजन जो, एंड रिलीजन इज पार्ट ऑफ, यू नो, अवर जो हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट है रिलीजन, वी हैव इन्वेंटेड एवरी सिंगल। अगर आप एक लेंगे
ट्राइब लेंगे इन द वर्ल्ड एवरी सिंगल ट्राइब हु डज नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद ईच अदर दे हैव आल्सो इन्वेंटेड गॉड इन वन वे और अनदर इट टेल्स यू द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग आर वेरी एक रिलीजन को जो यूटिलाइजेशन है इन सोसाइटी इट हैज ह्यूज यूटिलाइजेशन वी डोंट सी इट हम उसको बड़ी मायोपिक वे में वी ट्राई टू सी इट देर हैज बीन एक्सपेरिमेंट इन फ्रांस में हो चुका एक्सपेरिमेंट दे ट्राई टू मेक सोसाइटी बेस्ड ऑन प्योर रैशनलिज्म एंड दैट एंडेड इन a lot of violence and a lot of killing and a lot of everything because ek, you know that experiment has failed we have tried that so okay. a god may not exist but uski religion ki jo utility societies mein hai if we you know leave out our myopic way of looking into the things and we think human is a complex creature uski utilization bahut zyada hai in society that's what I believe okay hindu kanti ji sir aap se main fauri ijazat lunga thodi der ke liye because I have to rotate mere kuch aur dost sir baithe hain तो अगर okay, आप अपने okay. को आपने कोई थॉट्स अगर आखिर में देना चाहते हैं तो हो सकता है आपको फिर बाद में दोबारा ले ले सर अगर आपके ज़हन में दोबारा तो यू कैन प्लीज जॉइन ठीक है जी 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 थैंक यू जी धन्यवाद अच्छा मेरे बाद अच्छा उस वक्त मैंने पंजाबी एग्नोस्टिक से कहा था तो इस वक्त मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है इंडियन थिंग्स और मैं इसके साथ जो लूंगा अच्छा बगजी सर मैं आपको भी सर आपसे इजाजत दूंगा फॉर द मोमेंट लेकिन है कि मैं आपको सकता है दोबारा ले लूं क्योंकि हाँ पंजाबी एग्नोस्टिक ने अगर कुछ पॉइंट्स बोले तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू रिबट उसी के ऊपर क्या हो सकता है ये वो कोई ऐसी बात करे तो आपको उसको मैं मौका दूंगा फिर मैं ले लूं या थैंक्स ओके ओके जी तो मैं अपने साथ फिर इनको ले लेता हूँ ऋषि अज्ञानी को और पंजाबी एग्नोस्टिक को साथ साथ अच्छा इंडियन थिंग्स गो एट पहले आप आए थे सर बोले जी नमस्कार रुस्तम जी जी नमस्कार रुस्तम जी आपका आज का टॉपिक डाइवर्ट हो गया आयुर्वेदा पे उसके बाद बहुत हाँ वो असल में ये दो या तीन दिन से चल रहा है बेसिकली अगर आपने लास्ट कपल ऑफ स्ट्रीम्स देखी हो ना तो ये उस पे चल रहा था तो वो एनीवे खैर कोई बात नहीं आप लोग उस पे भी अपने बात कर सकते हैं खैर अच्छा, आप एक बार हम आयुर्वेदा को डिफेंड कर ले लोगों को दिक्कत हो जाता है आयुर्वेदा में वेदा आ जाता है ना तो उसके कारण लोग क्या है कि थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं आयुर्वेदा देखिए एक तरह का मेडिसिन है जो बहुत पुराने समय से आ रहा है मतलब स्टार्टिंग पीरियड से ही हम लोग आयुर्वेदा यूज करते हैं अभी भी कर रहे हैं घर में जानते हैं अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आपके घर में जो कुछ पड़ा है आप उसको एज ए आयुर्वेदा यूज कर सकते हैं अब एक सिंपल सा चीज आपको बताते हैं कभी कभी आप देखेंगे लोगों के आंखों पर एक छोटा सा हल्का सा फुंसी टाइप का हो जाता है तो उसका एलोपैथिक में कोई प्रॉपर इलाज नहीं है लेकिन आप अपने घर में अगर हल्दी जो है इसको गर्म पानी में करके और किसी कपड़े में लेके अगर उसको आंख पे लगा लें अच्छा तो एक मिनट सॉरी अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को स्टूडियो से मैं कहूंगा उनसे इजाजत दूंगा आप बेशक यूट्यूब पे ले क्योंकि उस वक्त कुछ लोग है वो ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो स्टूडियो फुल है तो हिंदू क्रांति जी और बगल साहब आई विल टेक यू बैक इन ठीक है अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं अभी फिलहाल आपसे जरूर चाहता हूँ आप बेशक उसको यूट्यूब पे कंटिन्यू रख लें ताकि कुछ और लोग जो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मौका मिले जी इंडियन सिंह साहब हाँ तो यही हम कह रहे थे कि आपके पास अगर घर में कोई एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है तो आप आयुर्वेदिक को एज ए ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं आप जानते ही हैं पहले गांव देहात में लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सेस नहीं था मेडिकल का तो वो लोग अपना सारा ट्रीटमेंट जो है ये आयुर्वेदा से ही करते थे हाँ पाकिस्तान देखिए मुझे कल कोई कह रहा था कि जी आपको आयुर्वेदा का पता नहीं क्योंकि आप बेसिकली शायद मतलब कहने का मतलब ये लग रहा था कि जी बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान तो हमें इसका पता नहीं पाकिस्तान में इसका एक पैरेलल इसी तरह का एक हकीम जो है ना पाकिस्तान में भी इस तरह की मेडिसिन को एग्जैक्टली द सेम थिंग है सिर्फ नाम उसका मुख्तलिफ है वो भी ये पैरेलल चल रहा है तो वी नो दैट कि ये बहुत लंबे अरसे से हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तरह की जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ किया जाता रहा है तो इसकी जो है ना कि ये गलत है वो सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता वो एक गलत बात है उसकी सिर्फ इफेक्टिवनेस या उसको किस तरीके से आप लेते वो एक बात होती है खैर एनीवे भी ये बात फिर वो दूर निकल जाएगी काफ़ी लोग बैठे हुए तो सर मैं आपसे चाहूँगा अगर आप इसको सब्जेक्ट पर कोई अपनी वो देना चाहे ताकि फिर उसको आगे बढ़ा सके दो था एक करंट इशू था और एक था आपका रिलीजन ये दो चीज था ना जी जी करंट सिचुएशन अभी आप देखिए अभी तो रिलीजन के हिसाब से ही हर जगह चल रहा है सारा हमारे पड़ोस में एक अपना ही देश है जो हमारा भारतीय है और हम लोग 70-75 साल पहले एक साथ ही थे
लेकिन उस देश के साथ दिक्कत क्या है कि वो कहीं भी कूद जाता है रिलीजियस मैटर में। अभी जस्ट वो जंप कर गया है पैलेस्टाइन में। देखिए पूरा मिडिल ईस्ट जो है ये इसराइल के साथ जाना चाहता है, लोग अभी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो रिलीजियस उस फंडा में पढ़ के बस वो उसी हिसाब से उसमें लगे हैं, मतलब उस चक्कर में जो है। आप देखिए पाकिस्तान और माने बांग्लादेश भी एक बगल में है हमारे, मुस्लिम कंट्री जो बहुत समय के बाद पाकिस्तान से निकला है, लेकिन आप उसका जीडीपी देख लीजिए और पाकिस्तान का जीडीपी देख लीजिए कितना मेजर डिफरेंस है। बांग्लादेश का जीडीपी आज की डेट में इंडिया से ज्यादा हो गया। बिल्कुल सर, हम लोग तो खुद कंपीट कर रहे हैं उनके साथ, हम लोग तो खुद ये सोच रहे हैं कि क्या बात है कि बांग्लादेश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग नहीं बढ़ पा रहे। इनफैक्ट आप जानते हैं कोरोना इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया है बांग्लादेश, और ठीक उसके बगल में वेस्ट बंगाल है, वो अभी तक उससे रिकवरी नहीं कर पाया है। तो बांग्लादेश रिलीजियस ग्राउंड पे है, ठीक है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट भी लेके चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि हमारा बगल का पाकिस्तान, जिसके साथ हमको जीवन भर रहना है और रहेंगे ही साथ में, लेकिन वो फिर वही रिलीजियस बैकग्राउंड पे चल रहा है, सारा दिक्कत ही है। अच्छा, अब आपका ये सवाल था कि क्या रिलीजन के बिना लोग रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, अगर आप रिलीजन को अपने डे टू डे लाइफ में हर चीज में नहीं डालें बल्कि अपने लिए ही रखें, तो आप रिलीजन के साथ रह सकते हैं। और रिलीजन क्या है कि जैसे इब्राहिमिक रिलीजन, इब्राहिमिक में इस्लामिक रिलीजन, ये रिलीजन कम लॉ ज्यादा है। मतलब आप देखिए बहुत सारे मौलाना के पास ये भी सवाल आता है कि हमको अपनी वाइफ के साथ सोना कैसे है, तो ये सारी चीजों का मामला रिलीजन में नहीं होना चाहिए। अगर रिलीजन इतना डीप पेनिट्रेट कर चुका है तब तो फिर दिक्कत है रिलीजन के साथ रहने में। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त जो है वो ऋषि अज्ञानी और जो पंजाबी एग्नोस्टिक वापस आ गए। पंजाबी एग्नोस्टिक, आप वो चैट में कुछ कह रहे थे कि यू वांट टू सॉरी इंडियन थिंग्स सर, बहरहाल आपकी तरफ से कुछ एको हो गया, आप अपना माइक सर थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें। जी गो अहेड। जी आप मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे चैट पे, आप उसका कुछ जवाब देना चाहते हैं? जी जी, मैं बगजी जी का को रिप्लाई देना चाह रहा था कि जैसे वो कह रहे थे कि 23% ऑफ द पॉपुलेशन है, क्या उन्होंने इसलिए वोट दिया बीजेपी को कि वो मुस्लिम विरोधी है, तो मेरा कहना है कि बिल्कुल जो पूरी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है जो करंट गवर्नमेंट की, वो ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी पर ही बेस्ड है। और ये जो पूरा आप इसको, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर एक बर्ड आई व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये जिस हिंदुइज्म की बात करते हैं इसमें सब कुछ शामिल है, इसमें आयुर्वेदक, मतलब जो प्री इस्लामिक जो इंडिया था उसके अंदर जो भी था वो सबको हिंदुइज्म में वो शामिल कर लेते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो जिस तरह से सोसाइटी चलती थी तब उस जमाने में कास्टिज्म के ऊपर हो, वो उस चीज को एक गोल्डन एज समझते हैं अपनी सोसाइटी की, और वो उसी को ही दोबारा लेकर आना चाहते हैं। और यही इसी पूरी आइडियोलॉजी पे बीजेपी बेस्ड है, क्योंकि वो अब क्या है कि जो करंट, जैसे फॉर एग्जांपल से मेडिकल मॉडर्न साइंस है, वो आयुर्वेदा को चैलेंज करती है, तो इसे वो अपने एक हिंदुइज्म को चैलेंज महसूस करते हैं कि इन्होंने हमारे पुराना जो एंशिएंट विजडम था ये उसको चैलेंज मिल रहा है। यार एक सेकंड, आप जंप क्यों कर जाते हैं? उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, आयुर्वेद जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। तो मेरा, हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो ये पहले कह रहे थे कि आयुर्वेदा ओल्ड है, ये पुराने जमाने में जब मॉडर्न मेडिसिन साइंस नहीं थी तो इसी से इलाज करते थे, तब तो झाड़ फूंक भी करते थे, पता नहीं क्या क्या डांस करते होंगे मरीज के इर्द गिर्द, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन साइंस नहीं थी एग्जिस्ट। तो आज वो एग्जिस्ट करती है, आज वो एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल जो अदरक से जो फॉर एग्जाम्पल आपको कोल्ड को ठीक करता है, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते तो आपको पूरा अदरक खाने की जरूरत नहीं है। तो जब वो चीज मौजूद है तो हम वो 2000 साल पुरानी उस जड़ी बूटी पर क्यों जाए जिसके जिसमें और भी 36 उसमें चीजें होती हैं जो आपको फायदा नहीं पहुंचा रही होती। तो ये जो रिलायंस है कि करंट मेडिकल साइंस पर रिलायंस नहीं, जो पुरानी थी वो बहुत अच्छी थी, उसका कोई नुकसान नहीं था, उसमें पता नहीं क्या था
क्योंकि वो हमारे वेदों में लिखा हुआ था, वो आयुर्वेद था, उसको ऋषि मुनियों ने तपस्या करके किया था, वो एक वो तुक्के से ओवर अ पीरियड टाइम समझ आ गया कि अच्छा अदरक खाएंगे तो जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि अदरक में क्या कंपाउंड है जिसके कारण वो ठीक होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो जो कमी है और वो पुरानी चीजों से जो लगाव है, ये आपको आपको अपने जीवन के लाइफ में हर एस्पेक्ट में उसको अफेक्ट करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम रिलीजन फ्री वर्ल्ड में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है हमारे ऊपर, बिकॉज इसके कारण हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। हम करंट मेडिकल मॉडर्न साइंस को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हम सर आप रिपीट कर रिलीजन पॉइंट अगर आप खत्म करें तो सही रहेगा, आप सेम चीज रिपीट कर रहे हैं मतलब शुरू से। आप देखिए आप ना सुने, अगर आपको मजा नहीं आ रहा आप ना सुने, ना आप कानों में उंगली डाल रिपीट कर रहे हैं, तो मत सुने आप मत सुने, आप मत सुने, रिपीट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आप मत सुने ना। देखिए आपको तो पसंद नहीं आ रही मेरी बातों से, आपका दिल दुख रहा है, तो आप मत सुने। अगर रुस्तम शाह जी कंपेयर कर रहे हैं वो मुझे निकाल देंगे, अगर उनको मजा नहीं आएगा वो कहेंगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, चुप रहे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मजा देते हैं क्या लोगों को यार, ऐसी यार एक बार यार रुस्तम शाह कंट्रोल करना, सेम पॉइंट को चार बार बोलने से क्या फायदा है। तो भाई आप उसको जब वो खत्म कर ले तो आप उसका बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आप उसका वो रिबटल कर दीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से लेट्स चले चले अब वो बोले जी जी ऋषि बोले जी। वो देख आपने वो पॉइंट पूरा, एक मेडिकल क्लास यहाँ खोल कर रख दिया, पता नहीं वो मेडिसिन से काम हो रहा है, किससे काम हो रहा है, पॉइंट क्या था। और हमारे भाई इस ढंग से पॉइंट रखते हैं जैसे वो उन्होंने खुद बीजेपी के मेंबर हैं, उनको पूरा सब पता है बीजेपी क्या सोचती है, क्या लाना चाहती है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो और किसी पॉलिसी में तो मेरे को ऐसा दिखा नहीं। तो ये तो कोई अंदर की कहानी निकाल के लाए कि बीजेपी क्या सोचती है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को कोई पेपर है आपके पास, क्योंकि मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो रिलीजन को आगे लाना चाह रहे हैं, पुराने में लेके जा रहे हैं, या कुछ उन्होंने लॉ ऐसा चेंज कर दिया है कि अब वो मनुस्मृति से आ गया है और अब वो मॉडर्न लॉ से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है बात क्या चल रही है, जस्ट बैशिंग चल रही है। अपना एक ओपिनियन आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपका ओपिनियन है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, बट उसका रियलिटी से कोई लेन देन लग नहीं रहा मेरे को। आपने कोई मैनिफेस्टो दिखाया कि भाई ये पेपर है, यहाँ पे देखिए ये आइडियोलॉजी इन्होंने रखी हुई है, ये चेंज कर रहा है और पुरानी तरफ लेके जा रहा है, आयुर्वेदा को लाना चाह रहा है। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो आयुर्वेदा को उन्होंने प्रेफरेंस दिया ओवर मॉडर्न साइंस? कोरोनिल को, कोरोनिल का जो उद्घाटन हुआ था उसमें हर्षवर्धन उसमें शामिल थे, बाबा देव, बाबा लाला रामदेव ने जो कोरोनिल जो किया था। मैं अब बोलता हूँ, एक मिनट रुस्तम शाह जी, ऐसे जो हमारा मार्स रोवर गया था उसमें मोदी जी गए थे, तो वो पुरानी मार्स रोवर तो पूरा पहले नहीं भेजते थे हम, तो उससे क्या आपको ये भी विश्वास करते कि पुराना विमान था हमारे पास, पुष्पक विमान था रामचंद्र जी के जमाने में, इसमें विश्वास या ना हो मुझे क्या पता, वो जो ढूंढेंगे अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो मैं कौन हूँ बताने वाला आपको, ये मैं कोई रिसर्च थोड़ी करता हूँ, इस पर खुदाई करता हूँ। आपको सब पता होता है चीजें, आप लोगों को सब पता है कि भाई आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो पॉलिसी कुछ नहीं, आप बता सकते कि इस मैनिफेस्टो में देखिए ये पॉइंट है जो हमें पीछे लेके जा रहा है आपको, लेकिन आपको उनका आइडियोलॉजी पता है। रुस्तम जी का डिबेट वर्ल्ड व्यू पर है, आप उसको लेके चले आ रहे हैं मोदी पर। हाँ जी, मतलब नहीं तो मैं तो अपनी सोसाइटी के बारे में बात करूंगा ना, क्यों अगर वर्ल्ड के ऊपर नहीं है, मेरा वर्ल्ड क्या है, मेरा वर्ल्ड तो इंडिया में है ना, मैं तो अपनी सोसाइटी को वर्ल्ड मानता हूँ ना, मुझे नहीं पता ना जर्मनी और यूरोप में क्या हो रहा है, मैं तो आसपास मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैं तो उसके बारे में बात करूंगा, है ना, वो मेरा वर्ल्ड व्यू है। कोई बंदा अपनी अदरक की चाय बना के पी रहा है तो उससे आपको क्या फर्क, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लेकिन जब आप आयुर्वेदा को ही एक मेन स्ट्रीम साइंस के मुकाबले में लाके खड़ा करेंगे जो कि वो नहीं है, है ना, अब आप कहेंगे कि जैसे जैसे मैं बताता हूँ कौन खड़ा कर रहा है, जैसे लाला जो लाला रामदेव है वो ये कहते हैं कि मुझे वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो इतने कितने सालों से योगा कर रहा हूँ तो मुझे वैक्सीन, अब जो उसके फॉलोअर्स हैं वो मानेंगे इस बात को कि योगा करने से आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्यों नहीं है जरूरत वैक्सीन लगाने को, कि आप जब जब पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही है, अमेरिका में कई लोग एंटी वैक्सीनर्स हैं, पंजाबी जी आपने सुने हैं कि नहीं, एक मिनट एंटी थिंग जी, हां ऋषि जी को बोल रहे हैं, बोले हां हां बीच में ना बोले, यूएस में एंटी वैक्सीनर्स हैं तो क्या उनके घर में जाके घुस के इंजेक्शन लगा दें, उनकी मर्जी है, वो अपना बोल रहे हैं, अपना प्रस्ताव रख रहे हैं,
जिनको लेनी है वैक्सीन वो जाके लेंगे, जिसको लग रहा है योगा करके नहीं हो रहा तो उसको जाके क्या मुंह में जबरदस्ती उसके डाल दूं मैं पोलियो की दो ड्रॉप? नहीं, बिल्कुल ये इतना सिंपल नहीं है। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, तो आप उनको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए। अगर पब्लिक फिगर बन गया तो वो लोगों को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। फ्री सोसाइटी में काउंटर लोग भी हैं, दोनों साइड के लोग हैं, जो बोल रहे हैं वैक्सीन लो, कुछ बोल रहे हैं कि वैक्सीन मत लो। तो अब लोगों का भी तो इंटेलेक्ट है ना कि भाई वो क्या। तो मैं तो बोलूंगा ना, जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लो वो गलत है, ये मेरा बोलना फर्ज है ना मुझे इस। हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब ये बोलते हैं ना कि वो जबरदस्ती देखो लोगों क्या बरगला रहे हैं, वो तो दोनों साइड बरगला तो रही है, ये बरगलाने वही बात है, ये बरगला रहा है वो, एक पब्लिक फिगर है। एक मिनट इस पॉइंट को देखिए, आप इस चीज को रैशनली, अगर आप रैशनल थिंक करें, इस चीज को रैशनली सोचिए। एक बंदा है उसके फॉलोअर्स हैं, एक साइंटिफिक बंदा है उसके भी फॉलोअर्स हैं, जैसे आप हैं, आप कुछ लोग सुन रहे हैं, तो उन्होंने बरगलाया तो वो बोल सकता है कि आप बरगला रहे हैं, कि आप बोल रहे हैं कि भाई योगा मत करो इससे ठीक नहीं होता, वैक्सीन लो, ये झूठ बोल रहा है। तो दोनों साइड के लोग दोनों हैं, लेकिन जो लोग इंडिविजुअल हैं, जैसे मैं हूं, मैंने आपको भी सुना उसको भी सुना, अब मेरे पास अपनी एक इंटेलेक्ट है, मैं उस इंटेलेक्ट को फॉलो करूंगा। दैट्स हाउ फ्री सोसाइटीज वर्क। नहीं तो घर घर में घुस के भी आप लोगों को इंजेक्शन लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बस छोटा सी लाइन बोल दूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी सोसाइटी में बहुत सारे गलीबल लोग होते हैं, गलीबल लोग मतलब वो नहीं, उनको नहीं पता होता कि सही और गलत में क्या अंतर है, नहीं पता होता। तो वो जो पब्लिक फिगर्स होते हैं वो उन पर विश्वास रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इस चीज पर विश्वास रखते हैं कि जो बाबा रामदेव है वो जो बोलता है वो सच बोलता है। वो ये कह रहा था टीवी पर कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो सिर्फ जो लाइफ सेविंग है, जैसे ऑपरेशन करके किसी को बचा लिया, बस वो वहीं तक सीमित रहे, बाकी सब हम संभाल लें। उसकी क्या, उसकी उसके उसके पास उसकी क्या रिकॉग्निशन है? मेडिकल डॉक्टर नहीं बोला गया, उसको मेडिकल डिग्री इसलिए ही नहीं मिली है। ऑब्वियसली बात, आप देखें कि फ्री सोसाइटी में लोग बकवास करते हैं, आपको ये देखना है। उसके लिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते सोसाइटी को कि सोसाइटी हमारी बैकवर्ड हो गई है या कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकवर्ड लेके जा रही है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो आपको उनकी पॉलिसीज और उनके मैनिफेस्टो पे बात करनी होगी। जब आप ये बोलेंगे, मैं बता देता हूँ आपके मैनिफेस्टो का एग्जाम्पल का रिप्लाई दे दूं मैं, क्या उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाना था कि नहीं था? क्या ये बैकवर्ड स्टेप था कि नहीं था? राम मंदिर बनाना बैकवर्ड? क्या 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 मस्जिद तोड़ी गई, क्या मस्जिद का तोड़ना इलीगल था कि नहीं था? जिस तरह से मस्जिद तोड़ी गई, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक्स हिंदू हूँ, है ना? तो फिर तो क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी में था कि नहीं था, मैनिफेस्टो में था कि नहीं था राम मंदिर बनाना? लेकिन पंजाबी आप ये भी देखे कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला भी आ गया, तो फिर आपको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या बिल्कुल इमोशनल पे नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल इमोशनल पे नहीं चल रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि क्या मस्जिद को तोड़ना, जैसे तोड़ा गया और उसको तोड़ने में उसके पीछे कौन था? बीजेपी था ना, बीजेपी थी ना उसके पीछे, बीजेपी का ये मैनिफेस्टो में था ना कि मस्जिद की, मस्जिद की जगह राम मंदिर बनना चाहिए, और जिसे तोड़ा वो इलीगल था कि नहीं था? एक मिनट, नहीं नहीं, मस्जिद की जगह राम मंदिर बनना चाहिए कौन से मैनिफेस्टो में था? तो राम मंदिर कहाँ बनना चाहिए था और कहाँ बना? वो मस्जिद की जगह पे ही बना ना राम मंदिर, जब मंदिर टूट चुका था उसके बाद जो लैंड था वहाँ पे तोड़ा किसने? किसने तोड़ा? बीजेपी किसने? अपने आप टूट गया था मंदिर, ये मैनिफेस्टो में था? नहीं, अपने आप मस्जिद टूट गई थी, नहीं किसने तोड़ा था तभी तो राम मंदिर बना। अब वरना मस्जिद के ऊपर बना देते, मस्जिद के ऊपर एक और स्टोर। RSS कौन है? RSS बीजेपी की तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसे? अब देखिए, ये खेल मत खेलिए, ये मत खेलिए, नहीं क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने अपने आप को झाड़ लिया, उन्होंने छोड़ दिया है। आप पॉलिटिकल पे ले आते हैं, मैं वापस इस टॉपिक पे आ जाता हूँ। वही मैं देखिए, एक ही खेल का नाम है, ये हिंदुइज्म के नाम पर ही खेल खेला जा रहा है, और जो पूरा जो खेल है वो एक एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। आपने बहुत अच्छा अपने जो पॉइंट जिस तरीके से रख सकते थे आपने रख दिया। मेरे ख्याल में आज आप शायद मेरे चैनल पे पहली दफा हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे एक साल पहले भी बात हुई थी एक बार। जी हाँ, चलो ठीक है, आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी आप अपनी इनपुट देते रहेंगे। तो मेरे, मुझे कुछ और दोस्त बैठे वो इंतजार कर रहे हैं। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, बहुत अच्छे, थैंक यू जी। रशी साहब, आप कंटिन्यू करें ताकि मैं अपने पर और कुछ दोस्तों को ऐड करता हूँ।
जी, और आज का जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से वही बाकी लोगों ने काफी सही समझाया कि हमें रिलीजन और अलग अलग, देखिए ये जो उस रिलीजन ना, इसलिए बार बार बोला जाता है कि रिलीजन को प्लीज सेपरेट रखें। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है इसको कि रिलीजन सारे एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग डिक्टेट करते हैं कि पॉलिटिकल और सोसाइटी कैसे वर्क करनी चाहिए, और कुछ रिलीजन उस चीज को डिक्टेट नहीं करते हैं कि सोसाइटी एज सच कैसे वर्क करनी चाहिए। जो लॉज हैं करंट लॉज में इंटरफेयर वो नहीं करते हैं, वो पॉलिटिक्स से इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो वो इसलिए जो माइंड में जो डिफरेंस आया था ना, जो जैसे इस्लाम है, इस्लाम इंटरफेयर करता है इस चीज में कि पॉलिटिकल लॉज कैसे होने चाहिए। अगर माइनॉरिटीज के लिए लॉ बनेगा तो वहां पे, अभी रिसेंट आप पाकिस्तान में देखें, बिकॉज वो इंटरफेयर करता है इस्लाम इसमें, इसलिए वो माइनॉरिटीज लॉ नहीं ला पा रहे हैं। और वो कितनी 3 या 4 बार ऐसा हो चुका है कि वो आता है पार्लियामेंट तक और उसको ड्रॉप करना पड़ता है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि मेरे को भाई आपको मंदिर जाना है, अपना पूजा पाठ करना है, बाकी काम में आप उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, वो कि लॉज कैसे बनने चाहिए। अभी मैं गाड़ी लेके आया हूँ, गाड़ी लगा के वो कुछ लोग पूजा वगैरह करते हैं तो उनका पर्सनल है, लेकिन जब वो रोड पे खड़ा करके चलाते समय उसकी पूजा करेगा तो उसको जेल में डालना पड़ेगा, वो रेड लाइट पे खड़ा होकर नहीं कर सकता है वो काम। तो वहां पे वो रिलीजन उसको रखो, अपने घर में रखो, छित्र पढ़ने चाहिए उनको। तो आपको हमें समझना पड़ेगा कि रिलीजन और जो करंट लॉज है, गाड़ी चलाते हुए ऑब्वियसली कोई भगवान देख रहा है, ये तो आपने वही बात कर दी कि किसी ने बोला ही नहीं कि भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन भगवान देख रहा है तो किसी ने बोला ही नहीं। ये तो वही बात हो गई जैसे हमारे सच वाला जी बोलते हैं कि कोई चाय पी रहा हो, मैं बोल दूं कि मैंने इसमें थूका नहीं है यार, अरे मैं पूछा किसने, मुझे पता है नहीं थूका इसमें किसी ने, लेकिन मैं जबरदस्ती जाके बोल दूं कि भाई यार तुम जो चाय पी रहे हो ना उसमें किसी ने थूका नहीं है। तो वो ये वही डायलॉग हो गया कि भाई जब गाड़ी चला रहे हैं तो भगवान कोई देख नहीं रहा, तो किसने बोला भी नहीं कि देख रहा है। तो इन चीजों को हमें सेपरेट रखते हुए सोसाइटी को एक फ्री सोसाइटी बनानी चाहिए, जिसका जो करने का मन है वो करे विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर्स, विदाउट हर्टिंग अदर्स, और अपनी लाइफ को फुल जिए। वो अब उसकी लाइफ हो सकती है, कोई अभी हमारे एंटीथीज आए थे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा यूरोपियन सोसाइटीज में कैसे हेल्थ पे अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हीं सोसाइटीज में कुछ लोग हैं जो सिगरेट भी पीते हैं, तो उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है हेल्थ का। कुछ चीजें हैं हेल्थ अगर आप करते हैं फॉलो तो वो शायद रिलीजियस हो लेकिन वो आपको हेल्दी होती हैं, कुछ प्रैक्टिस ऐसी हैं शायद रिलीजियस हो लेकिन वो अनहेल्दी होती हैं। फिलहाल के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यार कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यार मैसेज आ रहा है कि स्टूडियो फुल है तो मैं ट्राई कर रहा हूं रोटेट करें। रुस्तम शाह जी जी, मैं चाहूंगा कि बाकी काफी पॉइंट हो चुके हैं, पर हम रखें लोगों को थोड़ी फ्रीडम दें। जी जी, एक लाइन हम भी बोलते निकल जाएंगे। देखिए रिलीजन हमको इस तरह से समझना पड़ेगा कि रिलीजन अगर हमारे डेवलपमेंट में कहीं बाधा डाल रहा है तो वहां हमको रिलीजन को लेके नहीं चलना पड़ेगा। जो लोग उससे स्टिक हो गए हैं कि हम रिलीजन को पहले मानेंगे डेवलपमेंट या भाड़ में, तो वहां फिर रिलीजन को छोड़ देना चाहिए। जैसे आप एक चीज ये देखिए, अगर मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आज फ्राइडे का दिन है और हमारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग फिक्स हुआ है, लेकिन हमको जाना है नमाज पढ़ने के लिए, तो उस वक्त क्या है कि हमको वहां पर रिजिड नहीं रहना है, हमको अपने फैक्ट्री का काम करना है, भले रिलीजन भाड़ में चला जाए। तो रिलीजन को कभी भी डेवलपमेंट के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और इंडिक रिलीजन के बारे में हम आपको बताते हैं, इंडिक रिलीजन कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि आप अपना सारा काम छोड़ के रिलीजन को फॉलो करें। इनफैक्ट आपको बताएं, ये वेद वगैरह लोग अभी सुन रहे हैं, आज के 10-15 साल के पहले लोगों को वेद भी नहीं पता था और लोग मंदिर में जाते भी नहीं थे, बस बाहर से गाड़ी से जा रहे, मोटरसाइकिल से या कार से, बस खाली ऐसे 2 बार हाथ ऊपर नीचे कर लिए निकल गए। हमारे यहाँ रिलीजन का कंसेप्ट बिल्कुल दूसरा है, हम लोग इसको धर्म बोलते हैं, हम इसको रिलीजन नहीं बोलते, और ना ही इसमें कोई लॉ है, किसी भी तरह से इसमें बंधे नहीं है। अगर आपको काम है आप काम करिए, समय खाली बैठा है तो इधर उधर की बातें नहीं करके, अगर आपको कुछ पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, हमारा धर्म हमको बोलता ही नहीं है कि आप हमको फॉलो करो। ओके, यही बोलना था सर, थैंक यू मैंने, धन्यवाद सर। अच्छा एक चीज और, रुस्तम साहब हम थोड़ा सा आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लास्ट स्ट्रीम में हम थोड़ा सा
वो हो गए थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, आप उस चीज को थोड़ा ऑल फाइन, नो डोंट वरी सर, आपका ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन फ्रीली दे सकते हैं, नो वरी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। हिंदू विचारधारा, और आप कह रही हैं कि आपको जाना है, तो करण जी आप दो मिनट पर ठहर जाए, जरा खातून को पहले मौका देते जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ तो मुझे सिर्फ दो कमेंट बोलने हैं, एक तो ये जो राम मंदिर करते रहते हैं ना फर्स्ट टाइम पे, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके जरा सर्च कर लो शीशगंज गुरुद्वारा है जो दिल्ली में, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको क्या तोड़ के बनाया गया था, ठीक है। और दूसरा कमेंट मुझे करना है कि ये बोल रहा है कि बीजेपी हिंदू वो कर रही है, मैं बीजेपी का सपोर्ट करती हूँ क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही एक पार्टी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, आपकी सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी नहीं लाना चाहती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आंसर चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी पार्टी ला रही है इंडिया में बीजेपी के अलावा, वो मुझे बताइए, मैं उसको सपोर्ट करूंगी। ठीक है, आई होप कि वो सुन रहे होंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो वो चैट बेसिस का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। करण साहब वेलकम, और अब ये ए और बी है जी। सर गो अहेड। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम सबको यार, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है यार। थैंक यू यार, आपकी डिबेट किस चीज पे हो रही है, मींस इन द सेंस ऑफ रिलीजन वी नीड और नॉट, और अबाउट आयुर्वेद, किस पे हम बात कर रहे हैं? वो आयुर्वेद वाली तो वो असल में आप शायद बाद में आए थे, शुरू में जब बात हो रही थी वो पिछले दो तीन स्ट्रीम में ये बात होती रही है, तो उसके ऊपर ही वो चल पड़ी, तो वैसे हमेशा होता है हमारी स्ट्रीम्स में वो बात हमेशा कहीं ना कहीं जरूरत हो जाती है। मैं ये पूछ रहा था कि आजकल हम अपनी जिंदगी जो है, अगर लिटरली उसको हम हटा दें कि जी आप किस जगह पैदा हुए या किस रिलीजन में या किस फैमिली में पैदा हुए, तो आपकी जो 90-70-80% जिंदगी जो गुजरती है आपकी, उसमें आपका रिलीजन का कोई हाथ नहीं होता, उसमें आपके जो दूसरे लॉज है, जो गवर्नमेंट जो आपकी जो जैसे ब्रिटिश लॉज है, वो अपना आप पे अप्लाई होते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं जिंदगी में, तो जब ये सारे कुछ हम बगैर उसके कर रहे होते हैं, तो फिर उसका जो इतनी हम कई दफा स्ट्रीम पे आके इतने पैशन से उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, उस चीज को जो हम पे इतना ज्यादा एप्लीकेबल होता ही नहीं है आजकल, वैसे ही नहीं होता, तो फिर उसको मैं कह रहा था कि जब उसकी इतनी जरूरत नहीं था, फिर उसको फिर ड्रॉप क्यों नहीं कर देते ऑल टुगेदर? हाँ तो कर देना चाहिए फिर, ये तो सही बात है, क्योंकि In any belief which tells you ki how many times you should marriage, or how should you do divorce, how you should kaise aap wapas le apni wife ko, or any order we should reject it. Koi bhi order usko hume reject karna chahiye. Then after then come Indian, like you know, Indian side of story. So in that part of the world, well, I don't think so. We have any rules there. रूल बुक तो नहीं है कोई जिसको आपको फॉलो अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होना, रूल बुक तो नहीं है, बट हाँ ये है कि लॉजिक ऑफ कार्मा है जिसको लोग अंडरस्टैंड करते हैं और मानते हैं कि मेक श्योर आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू समवन, मेरे साथ ना हो, ये है कर्मा का है लॉजिक, अगर वो भी अगर किसी को नहीं समझ आता तो ना माने हमें उसका भी कोई चक्कर नहीं। तो इसके अलावा बाकी जो जन्म मरण का ही है, जन्म होता है फिर जो शादी ब्याह का अपना तरीका वो करे, then when you die, so हाँ, I don't know how... चले आप, मुझे पता आपकी जो है most likely traditional शादी हुई होगी जैसे इंडिया पाकिस्तान में होती है, ठीक है, लेकिन अगर for example अगर वो आप ब्रिटेन में सिविल मैरिज कर लेते या कोर्ट में मैरिज कर लेते, तो उसका आपकी जिंदगी पे कोई बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ना था कि मतलब वो रेडिकली तो चेंज नहीं हुई थी ना, तो हम कहीं ना कहीं अब इन चीजों को जिसकी शायद आजकल के जमाने में इतनी ज्यादा वो नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल हो सकती है आपको, अगली मेरा पर्सनल मैटर है, घर के अंदर आप करो नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, तो जब हम वैसे ही नहीं करते तो फिर उसको इतना प्रमोट क्यों कर रहे होते हैं, या हमारे अंदर हमारे कुछ लोग इतना प्रमोट क्यों कर रहे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या वजह? इट इज अबाउट इन माय ओपिनियन सेलिब्रेशन, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकाह का क्या मतलब होता है,
यार आपको पता है, आपने गूगल किया हुआ, आपको अच्छी तरह पता नहीं कहा क्या मतलब होता है, बता दो यार, मतलब जरूरी कहलवाना है उसको, उसके ऊपर लाइव शो पे छोड़ो, आपको पता है लाइव शो छोड़ो। अच्छा हमारे ब्याह के कई तरीके यार, वो सिर्फ वो फेरे नहीं लेते, और भी बड़े चक्कर, गंधर्व ब्याह भी होता है, एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसमें अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज करते हो, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ इंडिया लिव, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग इन साउथ और नॉर्थ, तो एक मैरिज रिचुअल होता है जिसमें लाइक यू नो यू हैव यू प्रॉमिस टू ईच अदर अबाउट योर फ्यूचर लाइफ एंड स्टफ, फैमिली गैदरिंग होती है, एंड देन अगर उस तरीके से अगर आप शादी ना भी करें तो भी आपकी कोई जन्नत जहन्नम की टिकट कैंसिल नहीं होती, नहीं होती, लेकिन आप हो सकता खर्चा आपका बच जाए थोड़ा सा। डिपेंड पर्सन टू पर्सन, अगर कोई करना चाहे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, पर बात ये भी होती है ना, आपने लोगों की शादियों में जाकर शगन दिए होते, वापस भी तो लेके आने हैं शादी संदा करो। बड़े प्रैक्टिकल आदमी आप, गिन गिन कर हमने तो दिलाने नहीं वापस है। तो ये भी चक्कर होता बीच में, मैं पूरा गिन के, अगर इतने रैशनल हो जाएंगे तो देखो ना कि शादी पे, अब इन अमेरिका इंडियन फैक्ट वेडिंग्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नाउ, वहां पे फूल वाला अलग, बैंड वाला अलग, कपड़े वाला अलग, आप तो सबकी रोजी रोटी पे लाभ मार रहे हो, इतने भी रैशनल ना हो शादी थोड़े रखो यार, हाथ थोड़ा रखो करने तो लोगों को शादी शुदी, मर्जी है शर्त है। आई डोंट थिंक सो दैट, बट इट्स अगेन इट्स नॉट इफेक्टिंग एनीथिंग पर्सन लाइक यू नो मींस लाइक आई अंडरस्टैंड विच सोसाइटी, आई एम सॉरी बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, यस इफ यू डोंट डू मैरिज इन अ सर्टेन 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 वे, तब आपका निकाह कबूल नहीं है इन द आई ऑफ गॉड और समथिंग इन द सोसाइटी, बट इन आवर वर्ल्ड लोग कराते हैं, लाइक यू नो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं या जो इंटर रिलीजन मैरिजेस होती है, मोस्ट ऑफ द मैरिज हैपेंस इन द सिविल कोर्ट, तो थिंग्स हैपन लाइक दैट। कुछ लोग सच्ची सच्ची बात है अफोर्ड भी नहीं कर पाते यार, ये भी बात सही है, कोई नहीं कि ये नहीं कि सारी बिग फैट वेडिंग्स करते हैं, सम पीपल लाइक टू लिव इन अ सिंपल वे। हां हमारी ट्रेडिशनल मैरिजेस में तो बड़ा खर्चा हो जाता है यार लोगों का, मतलब आई मीन यू कैन इमेजिन के अगर कोई सिंपल कर ले तो उसका अच्छा खासा खर्चा बच सकता। मैं इसकी मिसाल में जो मेरे ख्याल में शायद लोगों को बात मेरी समझ नहीं आ रही है, मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा भी कमेंट में भी कुछ लोग कह रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि आप पिग नहीं खा सकते, सुअर नहीं खा सकते, ठीक है आराम में, ठीक है मान लेते हैं जी, अब गाय का गोश्त खा ले तो ठीक है, आपकी बॉडी में गोश्त जाता है, आपकी बॉडी पे स्टमक को ये नहीं पता कि ये जो गोश्त है ये सुअर का गोश्त है या ये गाय का गोश्त है, ये चिकन का गोश्त है, उसने कहा गोश्त है, एंजाइम है, उन्होंने उसको तोड़ना है, उसके अंदर से प्रोटीन जो जो उसका प्रोसेस है डाइजेशन का वो शुरू होगा, मतलब आपका जो जो वो है ना स्टमक है या जो होल सिस्टम है डाइजेशन सिस्टम है उस वो यूँ समझ लें कि वो एथियस सिस्टम है, doesn't care कि आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, उसको पता है कि ये If I'm not wrong, beef is the food in your body. It dilute. It doesn't digest. आप ऐसा तो ना बोलो यार, मतलब अगर आप beef खाते हैं, any let's say any heavy meat you eat, तो वो आपके body में dilute होता है, गलता है, वो हजम नहीं होता आपको, and it can stay in your body for weeks and weeks. तो उसकी तो आपका पेट तो बताएगा ना सुबह उठ के भी क्या हाल चाल है, ऐसी बात तो नहीं है, इतना भी एथियस नहीं है पेट हुआ। ओ यार छोड़ दे यार, छोड़ दे यार वो यार, आप कुछ भी खा लो यार, क्या बात कर रहे यार, आप वो कभी ट्राई करो, आप बकाड़ी के साथ कोक तो पता लगे ना बदलो, आई मीन लाइक इन माई ओपिनियन, बट अगेन इफ समबडी वॉन्ट्स टू ईट एनी काइंड ऑफ मीट, इट डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू लिव, आई बिलीव इन, ठीक है मैं समझ गया, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप अपने ओपिनियन मुझे ये दें कि अगर कल को मनादी घर जी जाए कि जी आपका रिलीजन आपके घर के अंदर है, वैसे बाहर निकलो सिर्फ सारे रिलीजन खत्म, कोई आपका आपको जो लॉ ऑफ द लैंड आप पे अप्लाई होगा, और वो लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल अगर प्योर जिसे कहते हैं ना वो जो यूनाइटेड नेशन का वो जो ह्यूमन राइट चार्टर है बिल्कुल सेकुलर किस्म का उस पर बेस्ड है, आपकी जिंदगी तो वैसी चलती रहेगी जैसे अभी भी चल रही है, तो मैं जो आपसे मेरे ख्याल में सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये कि यू आर ऑलरेडी लिविंग ए सेकुलर लाइफ जब आप घर से बाहर जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एंटायरली ऑफ कोर्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जब हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो फिर रिलीजन का साथ में तड़का लगाने की जरूरत क्या है? सर आप बताए ना हम ऐसा कर क्या रहे हैं कि जिससे इफेक्ट हो रहा है, मतलब अगर खुला में खुला बात करें, let's say somebody follow Hinduism, so what is
he or she is doing which is affecting Hinduism pe lao musalman ho ya jews ho jo marzi ho matlab jaise wo ab aapne dekha hoga wo badi badi daadiyan rakhi hai topiyan pehni hai aur wo salware jo hai wo takhno se upar wo kehte hain wo pehni hai kyun pehni hai iska koi practical value nahi hai matlab iski zindagi pe aapki practical value मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि अगर आप शलवार ऊंची करके पहनोगे तो इसके कोई आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी में कोई इफेक्ट पड़ना है। इसका सिंपल रिलीजियस वो है मोटिवेशन है उसका मतलब अब आप उसको जब आप बगैर अब आप शलवार नीचे करके चलोगे तो उससे कोई फर्क पड़ना आपकी जिंदगी पे या अगर मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता आप उसके बगैर भी आजकल अपनी जिंदगी गुजारते हो रिलीजन के बगैर भी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एंटायरली ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम तो जब हम भी ऑलरेडी कर रहे होते हैं तो फिर उसको फिर ये मान क्यों नहीं लेते कि जी हम मोस्टली अपनी जिंदगी में जो है रिलीजियस लेस है हम लोग रिलीजियस को फॉलो नहीं करते या उसकी जरूरत नहीं पेश आती तो रिलीजन की हमें सिर्फ पर्सनल जरूरत है घर के अंदर अगर मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है मुझे कभी वो कोई टेंशन है अगर मैं रिलीजियस हूँ तो मैं आई कैन टर्न टुवर्ड्स माय पर्सनल गॉड लेकिन जब मैं आम जिंदगी गुजारता हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो ये आप इस तरह तो हम रख सकते हैं मतलब लेकिन उसको ये कहें कि जी नहीं हम जिस तरह पैशनेटली आपकी स्ट्रीम पे लोग आके वो बात कर रहे होते हैं और आपको पता है कितने पैशनेट जो है लोग होते हैं मेरी स्ट्रीम पे इतने लोग अभी आपने देखा गर्मा गर्मी हो जाती है हर स्ट्रीम पे कुछ ना कुछ सर हो तो जाती है अब यही तो पीपल हैव ओपिनियंस तो ये This is a part and parcel of your free society. अभी जैसे आप आयुर्वेद की बात करें आपको पता है probably in Canada also there is Holland and Barrett. It's one of the biggest herbs medicine or whatever you want to call it. It's a company है दुनिया की वो multi-billion dollar company है और उनके सारे जो medicines हैं it's all depend on herbs and you can't like you know okay चलो इंडिया में तो आयुर्वेद कहते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे तो remedies कहते हैं But again, back to your point, if somebody want to keep a belief, let's say, keep it at home. But again, yes, probably Hindu is the one probably which affects his life. Jo ye rath yatra nahi nikalte, Hare Rama, Hare Krishna wale. With the permission of the government, aise to nahi hai, jab dil kiya sadak pe nikal gaye. Nahin, Musalmanon bhi yahi hai, wo jo Shia aapko nazar aate hai, har saal unka wo... Wo once nahi hai, karte hai wo, London mein bhi hoti hai, Rathiyatra, Chicago, Boston, New York, her, I think everywhere it happens now. If, like, you know, once nahi hai, wo to yaar ab carnival bhi log nikalte hai, kitne sab kuch hota hai, wo to you can't... Now, the thing is, Shadi, I think, in my personal opinion, world gonna turn into believe the things they want to believe ye organize nahi rehna chahiye organize nahi hona chahiye kuch in my opinion ki aapki ek head body hai ji wo kahegi ji aap sare maan rahe ho then probably things get wrong agar individual jaise hamare hindu type hai agar aap koi kisi ko maan raha hai kisi ko maan raha hai wo organize nahi hai abhi aapki stream pe hum pata nahi main chautha pata nahi panchwa hindu hu shayad hoga to sabki apni opinion hogi kyunki organize nahi hai na hamare kaun sa koi order aa raha hai upar se ki haan ji aaj shaam ko sare ikatthe ho jao koi chakkar hi nahi But in my opinion, yes, you shouldn't be doing anything which affects others' life. अभी ये ना हो ना कि आपने अपनी ड्राइवे से कार निकाली है मैं कहूँ नहीं जी मेरा तो अभी टाइम है आरती करने का तो आप इंतजार करो तो फिर वो इफेक्ट दूसरे की लाइफ को नहीं इफेक्ट करना चाहिए जैसे people occupied streets to prayer so that's also like you know there's no point you know you need to come out and do it मेरी आवाज ठीक आ रही है हाँ अरे पीछे कुछ किसी मेरे ख्याल में किसी की थोड़ी सी आपकी तरफ से नहीं हो रही मेरे ख्याल में ये एबी साहब हेलो कर रहे हैं मेरे साथ एबी साहब को भी ज्वाइन करते हैं हेलो हेलो हाँ मैं हूँ हाँ जी आदाब रसम सर आदाब जी आदाब लगा और सारे दोस्तों को आदाब सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जी हाँ क्या चाल है यार भाई बात कर रहा था असल में आपने मुझे चेड़ा इसी वक्त तो सॉरी चले आप बेशक बात कर ले मैं आपको फिर दोबारा ले लेता हूँ कोई मसला नहीं मेरे साथ और भी लोग हैं आप बाद में आ जाइएगा आप कंप्लीट कर ले अपनी बात ठीक है ओके अच्छा जी अच्छा मेरे साथ वो बग्जी भी आ गए और वो हाइपर एक्टिव रैशनलिस्ट भी दोबारा आ गए मेरे ख्याल में वो कहीं गए थे
तो जी बगजी साहब आप काफी देर से आई नो आपका बहुत देर से नहीं सर, मैं दोबारा से आ गया नहीं मुझे पता वेट वेट कर रहे हैं आपको, आप काफी देर से मुझे लग रहा था सोच रहे मैंने क्या प्रिसाइज पॉइंट बना के मारना है। नहीं नहीं मेरा तो पॉइंट सर तभी रेडी था जब उन्होंने बोला ना कि यस ही सेड यस हिंदू ही रिटेटेड द स्टेटमेंट, मेरा तभी पॉइंट ये था कि अगर आपके पास फ्रीडम है आपको ये बोलने का कि सारे हिंदूज जो है ना दे आर फंड फैसिस्ट, तो आई हैव आल्सो यू नो वेरी मच राइट टू टेल यू दैट यू आर आल्सो यू नो हिंदूफोबिक और यू नो इट्स योर चॉइस। एक तो मेरा पहला पॉइंट था कि इफ दैट इज योर व्यू दिस इज माय व्यू यू आर प्योरली हिंदू, क्लासिक एग्जांपल ऑफ हिंदूफोबिक गाय, एंड आई विल से द सेम थिंग टू अगर मुस्लिम के लिए कोई इंडिया में बोलता है कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैव नो राइट टू स्टे इन इंडिया, आई विल आल्सो टेल हिम ही इज इस्लामोफोबिक, एंड ऑन द सेम प्रिंसिपल आई एम सेइंग दैट गाय इज प्योरली हिंदूफोबिक गाय। दूसरी बात सर उन्होंने एग्जांपल दिया कि राम मंदिर का, राम मंदिर फाइल्स कांड इन्फॉर्मेशन शिवसेना टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट और आज की डेट में महाराष्ट्र में सरकार बना के बैठी है और बीजेपी के प्रोपोगंडा में बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में वो कहीं नहीं था कि उसका मंदिर तोड़ना है, हमें मस्जिद तोड़नी और मंदिर बनाना है। जो मंदिर टूटना था वो 1990s में हो चुका था, मस्जिद टूटना, एंड इट वाज यू नो देयर मैनिफेस्टो वाज वी विल, और उन्होंने प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, इफ यू डोंट लाइक द जजमेंट यू डोंट लाइक द जजमेंट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और दूसरी बात ये है कि उनका द रीजन आई यू नो स्पेशली फॉर राम मंदिर में आई से ओके पीपल शुड हैव द राइट टू बिल्ड, इफ हिंदूज ऑफ इंडिया कैन नॉट बिल्ड टेम्पल इन इंडिया वेयर शुड दे आस्क टू बिल्ड अ टेम्पल। अगर कोई आप, मैं तो नहीं मानता हूं बट इफ समवन हैज यू नो दे where they are going to ask it, where they should build it. लेकिन एक बात, अगर मैं purely rational, the same thing, Supreme Court का decision एक है, now Supreme Court has decided, अब मैं उससे agree करूँ ना करूँ, वो एक final authority है Supreme Court, तो मुझे मजबूरन भी अगर मानना पड़े तो वो, क्योंकि Supreme, अब अगर आप law के बजाय ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं नहीं मानता forever whatever reason, तो फिर आप एक मस्जिद में खुदा न खास्ता कुछ हो जाए ना, वही लाइफ से एक नहीं, उनको नहीं बनाने का हक है यार, एम आई ह्यूमन और नो, मेरे में इतने सेंटीमेंट्स नहीं है कि मैं किसी का, अगर मस्जिद वहां पे इतने सालों से बनी थी उनके इमोशन साथ जुड़ी हुई है, आई मीन दैट यू नो यू नो मेरे में इतने सेंस नहीं है या इतना मैं अनइमोशनल बंदा हूँ कि दूसरे के बंदे की अगर कुछ कुछ उसके बिलीफ सिस्टम है उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता कि, या अलास्का मॉस की बात कर लो या सेम गोज विद अमरिंदर जो हमारा गोल्डन टेंपल है या गुरुद्वारा है, तो ये तो यार बड़ी बेसिक सी बात है, इट्स बेसिक, आई एम नॉट से ओके ओके यू शुड से ओके, अगर कोई ये बोलता है ना चलो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी है ना, गवर्नमेंट सॉरी कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट कोई भी आर्गुमेंट लेकर, और बहुत से मुस्लिम ने बोला कि बहुत से जो कोर्ट बोलेगा वी आर एग्री टू इट, वी विल नॉट एग्री टू गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पार्टी में, वी विल नॉट एग्री, वी विल एग्री टू द कोर्ट जो बोलेगा, एंड यू नो अब वो बार बार यू नो आई डोंट नो, अब ये बोल रहे हैं कि ये बिलीव ये करते हैं कि मैं फिर ही स्टार्टेड गिविंग एग्जांपल दैट आई एम फ्रॉम हिंदू फैमिली, गॉड नोस हु इज फ्रॉम, मैं किस फैमिली से हूं, मैं आई एम यूजिंग माय एनोनिमस नेम, यू आर आप तो बता रहे हैं तुषार सर भी बताते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग एनोनिमस नेम्स एंड एनोनिमस आइडेंटिटीज, आप किस फैमिली से, आप प्लीज एक एक्सक्यूज ना बनाए कि यू आर फ्रॉम हिंदू फैमिली दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग, बिकॉज गॉड नो वन नोज इट, Shahji doesn't know मैं किस फैमिली से belong करता हूँ, I can claim to be Hindu or atheist or you know I could be a bhakt, very literally a bhakt, तो ये to make your you know आप एक एक view से आप generalized statement देना is a definition of bigotry, if I start generalizing Muslim across the world it will be a definition of bigotry, I would be मेरे को कोई बोलता है तो I ना you know it should be it's a right thing they do it they say it. और आई थिंक वन मोर पॉइंट ही मेड इट्स बीन टाइम तो मैं भूल गया बट कि आई थिंक ऋषि के पॉइंट पे उन्होंने बोला था कि वो करता है इन फ्री सोसाइटी शाहजी समवन अगर वो गिलास में पानी पीता है नहीं पीता है आई हैव टू टेक चांस। एक चीज हम हमेशा भूलते हैं रैशनलिज्म रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया अर्सीज के लिए दैट इज ओनली फ्रीडम। एक रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आपका मेरा रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या लेफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है राइट इंपॉर्टेंट नहीं है कंजर्वेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है या कम्युनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग दैट स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम। अगर हम उस पर ये रेगुलेट करना स्टार्ट कर दें यार तुमने ऊंचा पजामा क्यों पहनना है, इट डजंट मेक एनी रैशनल, इसमें रैशनल नहीं, डजंट मेक एनी रैशनलिज्म, आई एम कंप्रोमाइजिंग freedom of the people with my rationalism aur uska end goal it doesn't stop in one place, uska end goal jo hota hai we are compromising as in large we are compromising
फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पीपल. इसीलिए अमेरिका इज यू नो दैट्स व्हाई दे हैव, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. उनका जो फर्स्ट लॉ, उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट है, दे डजंट प्रोवाइड यू, दे प्रोटेक्ट योर फ्रीडम. क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि वो तो एवरीथिंग दैट गोज विद इट, कुछ अच्छी चीज भी रहेंगी, कुछ खराब चीज भी रहेंगी, बट दैट इज द पे दैट वी नीड टू पे फॉर बींग द फ्री सोसाइटी. आके उसको हमने रेगुलेट करना कि लोग सोचे भी कैसे, लोग पहने भी क्या, लोग खाए भी क्या, लोग यू नो, तो यू तो वी आर रेगुलेटिंग देयर लाइफस्टाइल. हाउ कैन वी क्रिएट अ फ्री सोसाइटी इफ यू स्टार्ट रेगुलेटिंग एवरीथिंग. चले ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. मैं इसको चुके एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपका थैंक यू ज्वाइन करने का. ओके सर, थैंक्स फॉर टेकिंग मी अगेन सर, थैंक्स, आई अप्रिशिएट इट. नो प्रॉब्लम, बाय बाय. अच्छा जी, मैं करण साहब से एक मेरी फाइट होना बाकी है नेक्स्ट पे. वो इन्होंने कहा है कि जी वो दो हफ्ते, कितना हफ्ता रहता है सर, एक हफ्ता आपने कहा था मीट जो है स्टमक में. हेलो करण जी, आपका माइक म्यूट है. यस यस यस, इट कैन स्टे लॉन्गर. यस. अच्छा यार, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था. आई एम गोइंग टू रिसर्च दैट. मैं अभी इसको फौरी तौर पर नहीं डिसप्रूव कहूंगा कि चूंकि मैं अपनी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम. या या डेफिनेटली, कुछ चक्कर ही नहीं. अच्छा चले ठीक है, मेरे साथ है अब यार, इसको आखिर में कौन था, आया था अननोन मैन थे, वो फिर ड्रॉप हो गए थे, और दाग साहब. सो जी आखिरी आधा घंटा है, इनसे जल्दी जल्दी बात करते. अच्छा इनसे डॉट मिल, आप काफी देर से खामोश है. अगर आपके पास कोई सवाल है या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, प्लीज डू जंप इन, और आप भी अपने सवाल रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता आपके पास भी कई बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन आप जो हैं आप बड़े अच्छे मॉडरेटर, तो आप कई दफा मुझे बोलना देते हैं. बट प्लीज अगर आपके पास कोई जवाब है, कोई सवाल है, तो आप जरूर कर सकते हैं इनसे. जी, तो बीच में बात ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स और इसके ऊपर गई थी, मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन सिस्टम्स के ऊपर. तो उसमें देखिए बाउंड्री कहाँ पे आती है, कहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट होता है. मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम जो बना है वो करंटली जिस स्टेट में है, हम लोग उसमें मेडिसिन का ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल. और उसमें पहले एनिमल्स के ऊपर प्री क्लिनिकल में ट्राई किया जाता है, उसका मैकेनिज्म एक्शन, डोज वगैरह समझा जाता है कि कितने डोज में काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब समझा जाता है. उसके बाद वो ह्यूमन में ट्राई होता है 3 stages में, पहले पेशेंट्स के ऊपर, पहले वॉलंटियर्स के ऊपर सेफ्टी के लिए, फिर बाद में पेशेंट्स के ऊपर, और फिर बड़ी पॉपुलेशन में पेशेंट्स के ऊपर ट्राई होता है. और फिर बाद में सर्विलेंस करते हैं कि जब प्रिस्क्राइब होना शुरू हो जाती, मार्केट में आ जाती है, तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या है वगैरह वगैरह, और ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं तो वापस उसको भेज देते हैं, भाई पता करो क्या गड़बड़ी है. तो ये सारी प्रोसेस है. तो इसी प्रोसेस को सभी जगह अब लगाया जा रहा है, कोई भी मेडिसिन अप्रूव करने के लिए. तो आयुर्वेदा के केस में भी जो अब अप्रोच हो रहा है मेडिसिन अप्रूव करने के लिए, वो यही वाला अप्रोच है. तो किसी को भी अगर चेक करना हो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, तो वो लोग इंडियन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पे जाइए, और वहाँ पे इन कंपनीज का नाम सर्च कीजिए, हिमालय का नाम सर्च कीजिए, पतंजलि वगैरह का नाम सर्च कीजिए, तो वो लोग ट्रायल कंडक्ट कराते हैं. देखिए, तो वो ट्रायल कंडक्ट कराते हैं, और उससे फिर रिजल्ट निकाल के अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं. जहाँ क्वेश्चन उठेगा वहाँ पे वो होगा कि ट्रायल की मेथोडोलॉजी क्या है, और कितना बड़ा सैम्पल साइज है, कितने टाइम तक, बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस है वो कितना है, उसके ऊपर उठेगा. तो वहाँ पे, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो सेम अब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को वहाँ देखना चाहिए. तो हिमालय वगैरह के ऊपर आप देखोगे तो क्वेश्चन नहीं उठता है. हिमालय को आप इंडिया में देखोगे मेडिसिन बेचता है तो बढ़िया बड़े जार में पैक करके अच्छे से मार्केट करता है, उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता है. तो क्योंकि वो बेसिक जो क्राइटेरिया है टेस्टिंग का, उसको फॉलो करके कर रहे हैं. दोनों ही करते हैं एक्चुअली. पतंजलि वाले भी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह कराते हैं. आप उनका मैंने सर्च करके देखा था, उनके 100 के आसपास ट्रायल चल रहे थे, और हिमालय के 135 के आसपास ट्रायल. तो ये कि जो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कॉर्नेल के साथ, अगर बकौल उनके उन्होंने इसको किया है, तो देयर वाज अ वेरी यू नो हार्ड, कहते ना मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से. जी मैं बताता हूँ, उसमें चैलेंज जो होता है ना वो लेबल के ऊपर होता है. तो मेडिसिन बहुत स्पेसिफिक होती हैं अपने लेबल के ऊपर कि किस कंडीशन में देना है आपको, और वर्डिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोरोलिन वाज अप्रूव्ड एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, और उस लेबल के साथ. और जो क्लेम करने के लिए बाहर लोग गए, उनसे वर्डिंग में गड़बड़ी हो गई कि इस तरह से कम्युनिकेट हो गया, मिसइंटरप्रेट हो गया कि दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर, वहाँ पे चैलेंज हो गया.
तो आप देखिएगा बाहर में भी एफडीए वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लगता है, अगर अपने जो आपको लेबल मिला है उसे अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी हटे ना तो स्ट्रिक्ट फाइन लगाता है एफडीए, यस, कि इस कंडीशन के लिए अप्रूव्ड है, अगर उससे आपने बाहर कुछ भी क्लेम किया तो आपको डंडा पड़ेगा। तो ये जो ये है स्पेसिफिसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सारी प्रोसेस का। तो वो कॉन्ट्रोवर्सी उसी के कारण हुई थी कि मिस इंटरप्रिटेशन या मिस कम्युनिकेशन ऑफ द लेबल दैट इट वॉज अप्रूव फॉर। बाकी चीज़ें जो है कि कोई मंत्री जहाँ वहाँ जाके इवेंट में जाके कर रहा है, तो देखिए मंत्री लोगों का काम ही है अपने यहाँ जो चीज़ें बनती है उसका प्रचार प्रसार करना और पब्लिक में वो अपनी इमेज जगह जगह दिखाना, तो मंत्री को पब्लिक फंक्शन में जाना ही रहता है। लेकिन तो, मेरे ख्याल में जो पंजाबी जो क्या नाम था यार उनका, सॉरी मैं उनका वो निकल गया जेन से, लेकिन हाँ एग्नोस्टिक वो ये कह रहे थे कि देखिए इस तरह के जो लोगों के पास जिनकी बहुत ज्यादा रीच हो सोशल मतलब इन्फ्लुएंस हो, तो दे कुड हैव अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन समबडी टेकिंग यू नो थिंग्स टू सीरियसली, और कुछ ऐसी चीजों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे जो जो शायद उनके लिए नुकसानदेह हो। आई थिंक वो भी वैलिड पॉइंट है। देखिए अब इसमें प्रॉब्लम है फिर वो जनता को दूंगा, जनता को डंडा मारूंगा, क्योंकि एक मंत्री जी वो पापड़ बेच रहे थे कोरोना के नाम पे, मैंने फोटो दिखा था फेक न्यूज के टाइम पे, राइट। तो लोगों का काम ही होता है कि किसी भी तरह का कुछ ना कुछ ये बयान दे देना। आपको समझना चाहिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज नॉट द वे टू गो। ये शाहरुख खान कुछ बोल रहा है तो वो तेल से फायदा होगा, नहीं, या कोई और कोई सेलिब्रिटी कुछ बोल रही है या समवन इन द पावर ऑफ पोजिशन कुछ बोल रहा है, तो वो दैट्स नॉट। आपको जब मेडिसिन के बारे में सुनना है तो आप डॉक्टर्स की बात सुनिए क्लियर, जो उस फील्ड में स्पेशलाइज कर रहा है, आप उनकी बात सुनिए जो एविडेंस के साथ में बोल रहा है। तो डॉक्टर आमतौर पे अपने वर्ड्स को संभाल के यूज करते हैं, वो एविडेंस वगैरह दिखाते हैं साथ में और फिर वो बोलते हैं, तो वहाँ पे ये बात आ जाती है क्लियरिटी की। सारा का सारा जो ये होता है ना भसड़ होती है वो कम्युनिकेशन में और लेबल के साथ में, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस कम्युनिकेशन के साथ होती है। मेरा अगर आप लेबल मिला उस पर स्टिक कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लेबल से बाहर जाते हैं और मिस कम्युनिकेट करते हैं अपने बेनिफिट्स, तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है। वैसे ये हम ये बात आपने अच्छी की है, मेरे ख्याल में आपने हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सेइंग, जिसे दरिया को कूजे में बंद कर देने वाली बात, कि कम्युनिकेशन इज एक्चुअली, मैंने पढ़ा था, मुझे किसी ने मेरे ख्याल में जब मैं पढ़ता था तो मुझे किसी ने कहा था कि कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। वो मेरे ख्याल में बात ठीक है कि अगर आपको रिस्पॉन्स ही ऐसा मिला इसका मतलब उस पर किसी ने किसी की कम्युनिकेशन का मसला है। खैर अननोन मैन वेलकम, कैसे हो? हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, कोविड से बचे हो? ठीक है, हाँ, मैं भी बस अभी अभी तक बचा हुए हैं, अभी तक मेरे को वैक्सीन नहीं मिला है। आप अभी आप शायद यंग हो इसलिए आपको भी नहीं मिला, तो मेरे ख्याल में शायद नहीं टाइम लगेगा मेरे को। मेरे को एक जी आपका क्या सवाल है आज का टॉपिक के ऊपर? वो यार टॉपिक वो यूट्यूब पे मैंने लिखा हुआ है कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम रिलीजन को उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ हम बगैर उसके गुजार देते हैं, तो फिर क्या हम उसको बिल्कुल ही ना ड्रॉप कर दें, कह के जी छोड़ देते हैं, चलो यार उसकी जरूरत ही नहीं, अप्लाई भी नहीं होता, एप्लीकेबल भी नहीं है मॉडर्न जिंदगी में, तो क्यों रखें? अच्छा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रिलीजन को आप यूज करेंगे तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा इतना इफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा तो इफेक्ट पर्सनल लाइफ में होता है, थोड़ा नेगेटिव होता है, पर रिलीजन को नहीं यूज करेंगे तो इतना मेरे को लगता नहीं अपने मन में इफेक्ट होगा, तो इतना जरूरत नहीं है, रिलीजन के बिना भी जी सकते आदमी। मेरे ख्याल में इंडिया में तो आपको खैर काफी इस लिहाज से तो खैर नजर आता है कि आप ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन ये जब आप अभी हम बात कर रहे थे कि आप उसको दूसरों पे फोर्स करना शुरू कर दे तो फिर मसला होगा। वो तो है, वो यूट्यूब हो जाता है ट्रिगर हो जाता है, देते किसी के ऊपर बात करेंगे ना तो लोग ट्रिगर होते, तो ये आपने देखा होगा अभी डिबेट में मैंने, क्या होता है? मैंने बहुत दफा देखा है, अब जब से स्ट्रीम कर रहे हैं मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो होता है वो यही होता है, सारे लोग बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। आई मीन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कूल रहूँ, लेकिन कभी कभार मैं भी थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता हूँ, आई थिंक आई गेस आई एम आल्सो ह्यूमन। लेकिन चले
यार मैं आखिरी अपने गेस्ट को भी साथ में ऐड कर देता हूं। अच्छा अच्छा मैं आपको एक सवाल है, मेरे को एक सवाल है, पाकिस्तान में तो आता अभी तो सैटेलाइट को, पाकिस्तान में कोविड का क्या स्थिति होता है? अकॉर्डिंग टू द डेटा वी गेट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कोविड की जो इन्फेक्शन रेट है वो कम है, कम हो गई है, खत्म हुई, लेकिन मसला है कि वो जो नंबर्स हैं वो ज्यादा टेस्ट नहीं करते, तो इसलिए उसको आप कंफर्म नहीं कर सकते कि जी वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन डेथ रेट के हिसाब से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अभी भी थोड़ा सा शायद बेहतर रहा है। आई डोंट नो व्यू क्यों, मुझे लगता है कि वो जो वेरियंट है पाकिस्तान में जो मेजोरिटी वेरियंट जो इन्फेक्ट किया है शायद वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं है, भारत के अंदर जो था वो उसका म्यूटेटेड वेरिएंट था जो कि काफ़ी इन्फेक्शस था, और चूंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है तो जाहिर है ऑफ कोर्स है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो इन्फेक्ट हुए तो उससे जो रेट है मोर्टैलिटी का वो ज़्यादा ही होगा, तो लेकिन उस सेंस में पाकिस्तान का जो है थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा मुझे लगता है कि अगले पांच साल पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है, पाकिस्तान तो अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था आजादी के बाद, इतना नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है पाकिस्तान रिटर्न के बिना नहीं जी सकता, मेरे को पता है वो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का प्रोग्रेस कब कितने तक हो सकता है? यार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ अर्से पहले ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस साल जो है ना या पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 3.9% के हिसाब से ग्रो किया है, जीडीपी ग्रो किया उसका, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर मैनी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले जो इंडिया के नंबर दिखा रहा था वो कहते हैं 7.3% है माइनस की वो बता रहे थे अकॉर्डिंग टू इंडियन। हाँ तो अब ये पाकिस्तान कह रहे, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी उनकी 3.9% ऑलमोस्ट 4% ग्रोथ हुई है इस पीरियड में, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि 7.9, तो उस लिहाज से तो बेहतर है अब, लेकिन वैसे मैं नहीं समझता कि इस नंबर्स को आप छुपा सकते हैं, आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने ठीक किया हो, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप इंडिया की इकोनॉमी से वैसे नहीं कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान जो है वो आई थिंक ऑन द राइट ट्रैक, हो सकता है अगर वो इस पे कायम रहे, लेकिन उनको जो है ना ये रिलीजियस जो बुलशिट है सॉरी नॉनसेंस है उससे बच के रहना पड़ेगा, वरना ये किसी आई डोंट थिंक सो इसका कोई ब्राइट फ्यूचर होगा। ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान के इसी में है कि आप जो है वो लिबरल और सेकुलरिज्म की तरफ जाए, जो रिलीजियस नॉनसेंस है उसको छोड़ दें, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे उसमें बेहतरी नज़र आती है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन वो बहुत स्लो है, लेकिन ऐसा ही होता है हमेशा, चेंज हमेशा स्लो आती है, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमें मौका दे रही है उसमें बेहतरी आती जा रही है। अच्छा अनोन मैन यार मेरे साथ रहो क्योंकि हमारा आखिरी आवर है, तो मेरे साथ दाग है वो काफी देर से बैठ कर रहे तो उनको भी ऐड कर लेते हैं। जी दाग साहब। ओके ओके। हाँ नमस्ते जी, कैसे हैं रुस्तम शाह जाम? बेहतरीन, आप सुनाए जी कैसे हैं दाग जी? बस मैं जानना चाहता हूँ कि बहादुर शाह से कोई रिलेशन है आपका? नहीं यार, मुझे उस दिन कोई कह रहा था आपका अमित शाह से कोई रिलेशन है, वो मुझे अमित शाह का उन्होंने वो बना दिया, कहते हैं आपका चच्चा भतीजा तो नहीं है? मैंने कहा क्यों भाई, कहते हैं जिस तरह अमित शाह इतना बोल रहे होते ना बड़ा चला के, उसके पास सारी चीजों की नॉलेज होती है, आपके पास भी ये कुछ 6-7 स्ट्रीम पहले मुझे कोई कह रहा था कि आप अमित शाह के तो नहीं है कोई रिलेटिव, आप मुझे उससे पीछे ले गए यार, आप उससे भी पीछे ले गए मुझे। नहीं बहादुर शाह से नहीं है तो अच्छा, अमित शाह से है तो अच्छी बात है ना, अमित शाह तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, आप वहां बन जाइए पाकिस्तान में। अरे क्यों क्यों मरवाओगे अमित शाह जी को, उनमें और योगी योगी भाई में झगड़ा हो जाएगा, फड्डा हो जाएगा उनमें। योगी जी का तो खत्म हो गया, नंबर खत्म होने का आ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस वो संभाल नहीं पाए और उत्तर प्रदेश हाथ से ना चला जाए, ये सब चल रहा है अभी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। पंचायत के मेरे ख्याल में इतना ज्यादा हो सकता है, ग्राउंड लेवल पे हो सकता है उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी में कमी हुई हो, लेकिन जो हमारे यहाँ वो जो है ना गजनी वाला फैक्टर जो कहते हैं आप, जैसे ही कोरोना ठीक होगा आप देखेंगे 3-4 महीने आईटी सेल्स और ये मीडिया सब चढ़ बनेंगे, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी अगेन, तो अगली बार भी मोदी सरकार और शायद इससे भी ज्यादा वोट के साथ बार। तो नहीं इस बार ऐसा है, मतलब चलो टॉपिक दूसरा है, थोड़ा सा मैं बता दूं जी, आरएसएस को बहुत डर लग रहा है क्योंकि आरएसएस ग्राउंड लेवल में काम करती है और दे नो द पल्स ऑफ द पीपल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस को पता रहता है, और आरएसएस बहुत बहुत ज्यादा चिंतित है, नहीं तो आरएसएस कभी घुसती नहीं है इसमें जब तक वो
आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी चीफ मिनिस्टर चेंज किया। सो अब प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि कौन बनेगा, अगर मोदी जी नहीं तो कौन बनेगा, तो ये एक इशू है। अदरवाइज तो देखिए जी, मोदी जी बिल्कुल फिट आदमी है, वो योगा करते हैं, मतलब बेहतरीन उनकी सेहत है। तो आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने, बल्कि उन्होंने एक वादा कर रखा है कि उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तब वो 24 में नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में जो है ना वो ये आ गया है, कोरोना आ गया, तो उसने 2 साल जाया कर दिए। तो मोदी साहब कहेंगे देखो जी, मैंने जो आपसे वादा किया था वो प्री कोरोना था, उसमें कोरोना शामिल नहीं था, वो बीच में पड़ा, चाइनीज ने, चाइनीज मसला है, चाइनीज वायरस। गुरुदेव एक छोटा सा सवाल है यार, मेरा मासूमाना सवाल है यार, ये बंदा एथीस बनते ही इतने ज्ञान कहां से टकर जाता है बंदे को, ये भी पता लग जाता है कि आरएसएस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, गवर्नमेंट क्या सोचती है, दूसरा रिलीजन क्या सोचता है, ये किसको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं डाग जी को कह रहे हैं, पता नहीं, 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 मैं काफी लोगों को मैंने साइंस का कहती है, मींस लाइक कि ऐसा क्या चक्कर है कि बंदा एथीस बनते ही ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। यार आप ट्राई करो ना, ऐसा करो 2 महीने के लिए आप ट्राई करो एथीस करना, पूछूंगा मैं, ट्राई करेंगे Why not? यार आप देखो ना, आप सबसे पूछते फिर क्या, आपने पूरी पूरी स्ट्रीमें कर दी लोगों के ऊपर, क्या स्ट्रीम है आज, ये करनी है और गल है कोई नहीं, मैं इतना ज्ञानी बंदा बन जाता है, उसको सब पता लग जाता है, बस एक बार आपने यार, आप गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाता है यार, नहीं गुस्सा है, मैं शादी हासिल की आपसे बात कर रहा हूँ तो गुस्सा यार, उन्होंने जब ही नहीं पास आता, चलो एक काम करते हैं, आप ऐसा करो, आप ट्राई करने के लिए ना, आप ट्राई करने के लिए 3 महीने के लिए ना इतिहास ले लो। नहीं मैं बन जाऊंगा उसका, मैं एथीस टीम में एथीस से एकदम आगे हूँ, उनसे एकदम आगे ही हूँ यार, कमाल है जो भी बंदा देखो ना। अच्छा ये कैसे पता लगता है कि आरएसएस ये सोच रही है? अच्छा एक हमारे वो गुरुजी हैं, उनको इतना पता होता है, इतना पता होता है उनको, वो कहते हैं बाइडन क्या सोचता है वो भी उसको पता होता है, और बताओ छोटी मोटी गाली नहीं करना पड़ता। एक एक बात में मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, मेरे ख्याल में इंस्टेंट ऑटोमेटिक चीज को सपोर्ट करेंगे, इतना तो हमने वो इसमें हमारे पास वो ज्ञान नहीं था, हमारे पास सिर्फ डेटा था, ये इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में इंस्टेंट ऑटोमेटिक जी हम लोगों ने यही कंक्लूड किया था कि बाइडेन जीत जाएगा, इफ यू रिमेम्बर। नहीं मैं आपकी नहीं बात कर रहा, एक हमारे और है, वो तो महान गुरु है, उनका भी अपना एक चैनल है, वो तो हर चीज का उनको पता होता है कि देखो जी मोदी सोचता, मतलब अभी जैसे मैंने काफी नोटिस किया कि एथीस, मैं भी ट्राई करूंगा शादी, आई एम गोना टेक इट सीरियसली टू बी एथीस, सो मींस अब मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, आई नो एवरीथिंग। Anyways, Shaji, I have to leave. Thank you for your time and to your guest for being patient right, for me, okay. Person like me. And good luck. Bye. Thank you. To you as well. Thank you very much. So, अच्छा जी, डाक साहब आप कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद हाइपर एक्टिविटी से फाइनल थॉट लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त बैठे हैं, अगर कोशिश करेंगे उनको फटाफट ले सके। भाई, तो, जी मैं क्या बोलूं यार, ये तो पर्सनल अटैक करके चला जा रहा है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाबा जी जिनके पास कुछ भी आयुर्वेदिक का डिग्री भी नहीं है, उसको सब कुछ वो कह रहा है कि मैं दुनिया कैंसर वैंसर ठीक कर सकता हूँ, उससे नहीं पूछ रहा ये जाके हमारे इसको ये चिंता आरएसएस क्या कर रही है इसको ये नहीं पता, उसको यूपी में आके देखना चाहिए, हालत बहुत ही खराब पॉलिटिकली, क्योंकि ये यूएस में बैठ के वहां से भाषण दे रहा है कि आरएसएस का कैसे पता। भाई मैं खुद आरएसएस के शाखा में बहुत बार जा चुका हूँ, तो ये सब ये सोच रहे मैं आरएसएस पे अटैक कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग ही है जो आरएसएस को भी डुबो देते हैं, तो मैं जाऊंगा नहीं इसके साथ बात करके, पागल इंसान है कि मतलब पर्सनल अटैक करना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा जो आपका टॉपिक है आज का जी। आपका टॉपिक है रिलीजियन लेके ना, देखिए रिलीजियन एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी भी देश में खत्म नहीं हुआ, जितना भी चाहे आप यूएस को ले लो, यूएस के बैंक नोट्स आप उठा के देखेंगे उसमें लिखा हुआ इन गॉड वी ट्रस्ट। यस, यूएस इधर आ जाओ, इंग्लैंड में आ जाओ, इंग्लैंड का जो वो है क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और टॉलरेंस बहुत हाई है, आई थिंक इवन इट इज बेटर देन एक्चुअली यूएस, लेकिन आप देखोगे जितने ये रिफ्यूजीज है सब यूके पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जब ये होता है प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है वो एंग्लिकन चर्च के लोग आते हैं उसमें भी। उधर से आप इधर आ जाओ, अब रशिया वशिया तो सब अब रिलीजियस से कनेक्टेड हो गया है, इंडिया में भी आ जाओ, पाकिस्तान तो मैं छोड़ देता हूँ, अब वो तो बोल देते हैं कि भाई रिलीजियस कंट्री था, इंडिया में अगर हमारे लॉज ठीक है
हमारे लॉज बने थे ब्रिटिश टाइम में, उसके बाद सेकुलराइजेशन भी हुआ है, लेकिन ये जो लॉज बने हैं उसके पीछे जो वैल्यूज है वो सब रिलीजन से ही आ रहा है। हमारे जो मैरिज एक्ट है, सब सारे मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, वो रिलीजन। आप अगर अगर किसी और रिलीजन के किसी से शादी करना चाहता हूँ, सेक्युलर मैरिज एक्ट सर मैं रोकना चाहता हूँ, सेक्युलर वाले ना 1975 में ऐड हुआ यार, बात ऐसी है ना, सेकुलर वर्ड ऐड होने से कुछ नहीं होता है, हो सकता है हम पहले से सेकुलर थे, वर्ड से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि 1975 में हम सेकुलर बन गए, उसके पहले कोई रिलीजन था हमारे उसमें, हम आवर कंट्री वाज नेवर अ रिलीजियस कंट्री, इंडिया वाज नेवर अ रिलीजियस कंट्री, उसमें वर्ड नहीं था। बस मैं ये कह रहा हूँ जो ये हमारा जो ये टॉपिक है ना कि आपके डेली लाइफ में रिलीजन का क्या इफेक्ट है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं, सपोज एक हिंदू एक मुस्लिम के साथ करता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ही विल देयर विल बी प्रॉब्लम इन सक्सेशन, उसके फैमिली से जो उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है वो हिंदू सक्सेशन में नहीं मिलेगा, उसको दूसरे लॉ में जाना पड़ेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीज, ये तब पता चलता है जब आप अपने कम्युनिटी से बाहर जाते हो और कुछ करते हो, अगर आप अपने कम्युनिटी में हो सब कुछ है तो रिलीजन का इफेक्ट बहुत कम आ सकता है, लेकिन फिर भी आएगा, कैसे आएगा, आप इंडिया में फ्राइडे को कहीं निकल रहे हो, आपको देखना पड़ेगा भाई मैं किसी मस्जिद के साइड से जाऊंगा क्या, वहां पे नमाज का लंबी 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 लाइनें लगेगी, तो मेरे को अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, मैं किसी ट्यूसडे को किसी मंदिर के साइड से जाऊंगा शायद वहां भीड़ होगी, सो देयर आर इफेक्ट्स, इफेक्ट हर जगह है, इफेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इससे हमें कैसे बचना है, कैसे सेकुलराइज करना है, कुछ कुछ रिलीजन है जो जल्दी सेकुलराइज हो रहे हैं, कुछ रिलीजन है जो हो नहीं पा रहे, बिकॉज उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट है, उनका किताब कभी चेंज नहीं हुआ, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट। या जैसे इस्लाम है, इस्लाम को आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ रिजिड रिलीजन, इट्स इस सेंस में तो मैं कह सकता हूँ। देखिए हिंदुइज्म में भी प्रॉब्लम था, मैं अभी कोई किताब पढ़ रहा था उसमें 1946 या 45 में किसी ने लिखा था, उन्होंने उस किताब में लिखा था कि हमारा जो हिंदुइज्म का लॉज है वो मनुवाद से आ रहा है, मनुस्मृति से आ रहा है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदूज ने वो मनुस्मृति किताब को अब मतलब डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आप ये जो कुछ कुछ रिलीजियंस है वो अगर मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारा तो सब ठीक था, हम चेंज नहीं करेंगे, तो वो सेकुलराइज नहीं हो पाएंगे, और हमको एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए सेकुलराइज होने के लिए, हमारी भी गलती रहती जो हम उनको एनकरेज करते रहे, ये कितना अच्छा मुस्लिम है, ये कुरान की बातें मानते हैं, अब उसको ग्लोरीफाई करोगे तो वो सेकुलरिज्म में आएगा, वो कहेगा मेरा तो रिलीजन बहुत अच्छा है। सिमिलरली हिंदुइज्म में भी बहुत लोग कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी लोग मान लेते हैं, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मतलब उसको अगर ठीक है कर रहे हैं करने दो, उसको जो कर रहा है, डोंट ग्लोरीफाई ऑल दोस थिंग, वो ग्लोरीफाई करने से क्या होता है, लोग धर्म से निकल नहीं पाते। और दूसरी चीज, एक और चीज है, एक प्राइवेट चीज भी है, अब जब रिलीजन क्या होता है ना, जब बचपन से आपको इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही थी, जब मैं बाद में पढ़ाई करके मैं समझ पाया कि क्या है नहीं है, रिलीजन कैसे डेवलप किया, लेकिन मेरे डे टू डे लाइफ में रिलीजन का एक वो था, मतलब एक इफेक्ट था कि भाई कहीं पे प्रणाम करना है, कहीं मंदिर आएगा तो रुकना है, गाड़ी रोक के थोड़ा सा कुछ करना है, या एक माइंड के पीछे रहता था, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, देयर इज समवन एट द टॉप हु इज लुकिंग आफ्टर मी, लेटर ऑन आप रियलाइज करते हो कि यार ये सब पता नहीं ये ठीक है या नहीं, लेकिन वो बहुत एक इंटरनल फाइट जो है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, और पढ़े लिखे लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट है, जो थोड़ा सा मतलब वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। या वो नजर भी आता है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रिलीजियस लोग हैं, अगर उनकी और जो जो कम है उनको आप ऑलमोस्ट एज ए पैरामिड देख सकते हैं, जैसे पैरामिड शेप में, तो जो टॉप है वो बहुत कम है, जो बहुत रिलीजियस लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि ये मुश्किल काम है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप तो गया है, डाक्टर का आवाज गया है मेरे को लगता है। हेलो हेलो, नहीं, मैं अच्छा यार, मैं हाइपर एक्टिव जी, सर आप अपने फाइनल दें, मैं उसके बाद जो मेरे आखिरी कॉलर है उनको ऐड करके फिर उसको एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो मेरा ये फाइनल यही है, वही बाबा रामदेव के इशू पे,
मैंने प्राइवेट चैट में आपको एक एक दो तीन लिंक भेजा, आप एक एक ओपन करोगे थोड़ा मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ ये है मेरा बाइबल, ठीक है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट। अगर यहाँ पे जाओगे मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है टू एन टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया वो लिखा है। पॉइंट नंबर एच पे जाइए, पॉइंट नंबर एच पे हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्परमेंट, ओके, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। अब हमने खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम आगे बढ़ेंगे तो साइंटिफिक टेम्पर के तरफ ही आगे बढ़ेंगे राइट। अब वो दूसरा लिंक हो गया सर, जो बाबा रामदेव 25 क्वेश्चंस है ना जो वो क्लेम कर रहे हैं, जो आईएमए को पूछा है, उन 25 क्वेश्चंस के ऊपर एक नजर डालेंगे। अच्छा हाँ, वो मुझे पता चल गया आप कौन सी की बात कर रहे हैं। वो जो पूछ रहे थे कौन कौन से, वो क्वेश्चन ही ऐसा है, वो बोल रहे हैं कि हाइपरटेंशन का आपके पास क्या इलाज है। वो बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट से मैं निकाला उसका ट्रांसलेशन, क्योंकि वो हिंदी में था, मुझे हिंदी पढ़ना उतना आता नहीं है, तो उसका इंग्लिश में ये लोगों ने अनुवाद किया हुआ है। आप उन क्वेश्चन को देखिए, ओके, द क्वेश्चन आर, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हाइपरटेंशन के बारे में, आपके पास क्या दवाई है, डायबिटीज का आपके क्या दवाई है। मुझे वेट लॉस करना है विदाउट सर्जरी इन अ डे, वो भी हाफ किलो टू वन किलो, उसका आपका क्या दवाई है। क्या ये साइंटिफिक क्वेश्चंस है, इसको हम साइंटिफिक क्वेश्चंस माने। कैन एलोपैथी ट्रीटमेंट ये कर सकता है, व्हाट इज टीथ वीकनेस, वो ऊपर क्वेश्चन देखिए, कैन स्टॉप वीकनिंग ऑफ गम्स एंड टीथ, जब आप बूढ़े हो गए तो आपका गम्स वीक होगा, आपका दांत गिरेगा, तो उसमें आयुर्वेदिक एलोपैथी का क्या है भाई। आप आपके पास कोई दवाई है तो ठीक है, बट आप एलोपैथी को क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। एंड आप लास्ट एक लिंक भेजा हूं मैं, वो रिसेंटली है, एक YouTube का वीडियो है यार। वो मसला ये कि मैं YouTube की वीडियो से नहीं चला सकता, कि एवरी टाइम व्हेन आई रन द YouTube वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस पे स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा वो लिंक में ना बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। वो लिंक में बाबा रामदेव जी ये बता रहे हैं कि अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए तो आपको क्या करना है। हाँ, वो आप कह रहे हैं सांस लेने और आप वो उसका एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। वो एक्सरसाइजेस क्या है, उसमें से चार एक्सरसाइजेस आपके खड़े होके करना है। जब आपका लंग डैमेज है, जब आपको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो आप खड़े होके ऐसा एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं भाई। पांच एक्सरसाइजेस में चार में तो आपको खड़े होना है ना। आपका लंग डैमेज है, सी हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल अगर वो 90 के नीचे चले जाता है तो हमको दम घुटना पड़ता है, एंड वो 75 के नीचे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाँ, वो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है आपको। हाँ, आपको इल्यूजन्स आने लगेगी। आप क्या, एक सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसका नाम है प्रोनिंग, ठीक है। अगर आपको सांस लेने का दिक्कत आ रहे हैं, इफ योर ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज समवेयर 80 से 90 के बीच में आ गया है, तो आप विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट आप थोड़ी पोजीशंस पे सो के आपका ब्लड की ऑक्सीजन के लेवल को 90 के ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। आप पेट के बल पे लेट के, साइड पे लेट के, इसको बोलते हैं प्रोनिंग। अब ये इतना बड़ा योग गुरु है, कहीं पे भी प्रोनिंग का इन्होंने प्रोपगेट नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि कड़ा रहे के वो खुद अपने ब्लड ऑक्सीजन मीटर हाथ लगाए वो लोगों को दिखा रहे हैं। यू कंसीडर इट स्टिल मोटिवेटेड बाय रिलीजन समहाउ, मैं आपसे कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा वैदिक साइंस है, वो हजारों साल पुराना हुआ वैदिक साइंस है, एंड दिस इज द बेस्ट वैदिक साइंस। ये 25 क्वेश्चंस जो आईएमए को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिन्होंने करोड़ टुगेदर कोविड की केसेस देखा हुआ है, बहुत से डॉक्टर्स अपने जान गवाया हुआ है इस कोविड केस में, उनको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के उनको क्या इंसल्ट करना, दिस इज टोटली रॉन्ग, एंड दिस इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड माई फंडामेंटल ड्यूटी टू द नेशन।
तो आप अगर आपके पास कोई साइंटिफिक है तो आप रिसर्च पेपर लिखिए, आप उसको दुनिया को बता के अवार्ड लेकर आइए। ये क्या बात हो गई कि आप पूछ रहे कि फार्माकोलॉजी फार्मा मेडिसिन का क्या रोल है कोविड को ट्रीट करने को, तो आपने आईएमए को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फार्मेसी क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी क्या करेगा आपको? आप अच्छा उसको एक बार हंसी आ जाएगी। आपके लिए सवाल आया इंडियन थिंक्स की तरफ से कि हाइपर रैशनलिस्ट ओनली टारगेट वेदास, डोंट अंडरस्टैंड हिज इंटेंशंस, ज्ञान ज्यादा हो गया है, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेक रेस्ट फॉर सम डेज, स्टार्ट मेडिटेशन। अच्छा एटलीस्ट थैंक यू, उन्होंने मुझे ये तो मान लिया कि मेरे पास थोड़ा तो ज्ञान है, तो ये फर्स्ट थिंग है। मैं वेदा को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बाबा रामदेव को टारगेट कर रहा हूँ। वेदा को मैं आप वेद पढ़िए, आप अपने पास रखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस वेद का गलत इस्तेमाल करके, आप देखिए जब कोरोना वायरस की वेव फर्स्ट वेव आ रही थी तो तबलीगी जमात बहुत बड़ा हल्ला मचा था इंडिया में, ठीक है। तबलीगी वाले वहां पे ये कह रहे थे कि ये अल्लाह ने भेजा है, हम वैक्सीन उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो लोग हंसने लगे, यार ये कैसी बात कर रहे हैं लोग, ये मुसलमान कैसे बात कर रहे हैं, ये लोग इसको सीरियसली नहीं रह रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि इसको स्प्रेड करो, ये कैसी टेररिज्म है। हाँ वैसे संदीप बाजवा का हाइपर जी संदीप बाजवा कह रहे हैं कि हाइपर एक्टिव इज ए क्रिश्चियन जिहादी, सो कंग्रेचुलेशंस सर। मैं बोल रहा हूँ आप जीसस को, कृष्णा को एंड मोहम्मद को एक लाइन में खड़ा करके आप कितना उसको उनको इंसल्ट कीजिए, मुझे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। पहले नहीं बात कर सके तो आपसे सॉरी, ज्यादा बात नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, आप फिर नेक्स्ट टाइम आ जाइए। ठीक है अभी मैं सिर्फ यही कहूंगा, असल में ये मजहब रिलीजन ये सब जो है मेरे ख्याल में, असल में इंसान ने बहुत ज्यादा इस जमीन पे वक्त गुजारा है ना, तो अभी बहुत से पुराना मजहब जो भी हो ना 5,000 साल हो सकता है, तो इसके मजहब के बगैर तो इंसान रहता था इतना, अभी क्या जरूरत पड़ गई? ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हो सकता, ये नशा है असल में, ये एक ओपियम है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि मतलब जो है ये ओपियम है, ये लोग सोचते हैं कि अरे लगता तो ऐसे ही है ना, जो जिस तरीके से लोग उसको डिफेंड कर रहे होते हैं ऐसे ही होता है कि जैसे कोई ओ किसी नशे की तरह ही हो रहा होता है वैसे। बिल्कुल ना, जैसे बगैर इसके बगैर हम रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते यार, हम रह जाए मौका दीजिएगा आपसे बात करने का नेक्स्ट टाइम, अगर आपको मौका मिले तो थोड़ा पहले तो मैं, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबान। अच्छा जी यार, मैं हमेशा आपको इंस्टाग्रामी वैक्सीन वर्क को देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। अच्छा बाबा रामदेव नहीं मान रहे, ये सेज वैक्सीन डजंट वर्क। नहीं नहीं, वो अभी इन्होंने मुझे एक नई बात बताई, उन्होंने कहा पतंजलि और जो है ना वो हिमालिया जो है वो बाकायदा उसकी टेस्टिंग और ट्रायल करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर एक को कहें, देयर मे बी मोस्ट ऑफ देम, लेकिन कुछ जो है वो करते हैं। तो अच्छा सारे गेस्ट जो बैठे हुए हैं सबके आखिरी अल्फाज, उसके बाद फिर मैं अननोन मैन और एनटीटीएस को भी आखिरी अल्फाज दूंगा उनके, और उसके बाद फिर उसको एंड करते हैं। अब आखिर फाइनल वर्ड्स प्लीज ऑल ऑफ यू, जी इंसिडेंट ऑल बिल आपसे शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिए बात तो जहाँ रिलीजन और उसका इम्पैक्ट की बात करते हैं तो मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग देखते हैं तो इन लार्ज कहाँ कहाँ हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। इन जनरल जहाँ जब हम लॉस की बात करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं उसमें रिलीजन का इफेक्ट नहीं है, नहीं के बराबर है, अनलेस यू आर फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी।
तो वहां पे लॉ उतना आपको इम्पैक्ट नहीं करते, तो वहां इक्वल है मोर और लेस, तो वहां पे इफेक्ट नहीं करता। इकोनॉमिक्स में आप देखिए तो वहां पे आपका कल्चर आपको इफेक्ट करता है, ना कि रिलीजन, तो वहां पे भी वो उसका रोल बहुत पीछे हो जाता है। तो लॉज हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, और कौन सा बड़ा पार्ट है लाइफ का? आप एंटरटेनमेंट वगैरह की बात करते हैं, वहां पे भी आप इक्वल ग्राउंड्स पे हैं अब, तो आपके पास दुनिया के किसी भी हिस्से का कोई भी एंटरटेनमेंट आप मौजूद है थैंक्स टू इंटरनेट, तो वहां पे भी आपके पास अब चॉइसेस हैं। तो यहां पे भी आपका रिलीजन उतना स्ट्रांग रहा नहीं है, तो बहुत कम जगह हैं ऐसी जहां पे रिलीजन को आप फोरफ्रंट पे ला के ये बोल सकते हैं कि आपकी राय लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो जहाँ तक रिचुअल्स की बात आती है, वो सारा का सारा लोकल कस्टम्स से आता है, उसको हार्डकोर रिलीजन से बांधना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे भी एक कोर थियोलॉजी जिसको बोलेंगे हम लोग, हार्डकोर थियोलॉजी, वो बहुत पीछे है। जो एकेडमिक डिस्कशंस की बात आती है, वहाँ पे आप रिलीजन को रख सकते हैं, क्योंकि उससे मॉरल साइकोलॉजी लोग डिराइव करते हैं, मॉरल इंट्यूशन भी लोग काफ़ी हद तक उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो वहाँ पर रिलीजन को आप रख सकते हैं। उसका डेली आपके ट्रांजेक्शनल लाइफ से बहुत ज़्यादा लेना देना तो है नहीं, तो यही बात मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाह रहा था। और जहाँ तक ये लोगों की एलिजेंस की बात आती है, तो फिर वही मैं जो मॉरल डायमेंशंस की बात कर रहा था, उसको मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, कि जोनाथन हाइट ने अपनी बुक में कैसे एक्सप्लेन किया कि 6 मॉरल डायमेंशंस हैं, और उनमें से कौन से तरफ कंजर्वेटिव्स लीन करते हैं, कौन सी तरफ लिबरल्स लीन करते हैं ज़्यादा। हाँ। तो उसमें जो हायरार्की और ये है ट्राइब के साथ में लॉयल्टी वाले जो ये डायमेंशन है, उसमें आप रिलीजन को पाएंगे कि वहाँ वो कनेक्टेड है काफी, और कंजर्वेटिव उससे काफी कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि रिलीजन कैसे कंजर्वेटिव्स को ज्यादा अपील कर सकता है, क्योंकि ट्राइब में लॉयल्टी आपको काफी रिलीजन में मिलती है, और हायरार्की को भी काफी रिलीजन में इंपॉर्टेंस मिलता है। तो वो वैक्सीन दी मैं क्या बोला, उसके ऊपर पीपीटी बना सकता है वो आगे के बुक डिस्कशंस में। तो अभी ये थॉमस सोयल वाली बुक खत्म होगी, तो उसके बाद आगे हम लोग वो डिस्कशन करेंगे, अच्छी बुक है वो, उसको हम लोग करते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि आपकी डेली लाइफ में रिलीजन उतना मेजर रोल प्ले नहीं करता है। क्या प्ले करता है? लॉज, इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा रोल प्ले करती है, तो आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। यस, अच्छा दूसरा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप उस बुक को खत्म कर लेना, तो जैसे आपने वो एक बड़ी अच्छी एक दफा मिसाल दी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो गोविंदा वाली, रिमेम्बर आपने? तो अगर इस ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि वो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो कई दफ़ा कुछ हमारे लोगों के शायद जो उनका अटेंशन स्पैन है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है या वो। तो आई नो यू आर प्रिटी गुड, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल्स को ड्राइव करने में, आई सॉ योर एग्जाम्पल्स। तो इज इट पॉसिबल वेन यू हैव टाइम कि उसको किसी और थोड़ा सा उसको डिफरेंट अंदाज में करने का सोचे? Because I think you, वो जो अभी आपने बुक वाली बात की ना, it's look very interesting to me. मुझे पता है वो जिस चीज़ को आप कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमारे दोस्तों के लिए थोड़ा सा उसको मजेदार था कि वो जो अभी कुछ लोग चैट पे भी कह रहे थे, यार मुझे नींद आ रही है। तो मेरे बुक के साथ में यही होता है हमेशा, फीडबैक मिलता है कि बुक सुला देती है। हाँ, अभी वो जो आपकी जो उधर भी चल रही है एक और, अभी आप उसका भी बता दें लोगों को, ताकि फिर उसका भी अंदाजा लगे। आप एक और एक मिनट, वो इंस्टेड ऑफ जी, आप एक जगह और बुक का कुछ कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं किसी और चैनल पे भी, उसका अगर आप बताना चाहें तो। जी, तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि बुक जो है, मैं थॉमस सोयल की डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ। ये बुक के जो इनइक्वालिटी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और उसके कॉजेस की बात करती है। आमतौर पर जनता में हम सब में ये अजम्पशन होता है कि जहाँ पे भी इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, उसका कोर कॉज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा पहला इंट्यूशन वहीं जाता है कि कोई भेदभाव किया होगा किसी ने किसी के साथ, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। लेकिन थॉमस सोयल इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसके अलावा बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, और इनइक्वालिटी इज जस्ट अ हाइपोथेसिस और कुछ नहीं है। पहले आप उसको डेटा और एविडेंस के बेसिस पे टेस्ट कीजिए, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इससे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, इनइक्वालिटी दिखती है और आप उसका कॉज अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बहुत माना जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डिस्पैरिटी आती है, अगर ये मान के पॉलिसी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बार वो पॉलिसी गलत नतीजे दे देती है। और उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है बुक में जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये उसका कोर आर्ग्यूमेंट है बुक का। ओके,
थैंक यू बाबा सर। अच्छा जी जी अननोन आपका एक वो तारा भाई कह रहे कि ही इज योर फ्रेंड, तो जी आपके आखिरी वर्ड। हाँ तो मैं बोलने का है कि लीले रंग के पीते भागो मत, इंसान इंसान के पीते भागो, ये तन तो अंधा कर देता है आदमी को। दो मतलब अब दो चीज इन दुनिया में नहीं है, उसके पीते भागो मत। अब इंसान अभी इतना कोरोना आ गया वो आ गया, तो भगवान कोई भगवान हेल्प करने के नहीं आया है, तो इंसान को इंसान का हेल्प कीजिए, इंसान को भगवान मानो। सही बात कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, मेरी पूरी सपोर्ट आपकी। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक इंसान जिंदा है तो इंसान को ही भगवान मानो, दो दो इंसान है उनको ही पूजा करो भगवान के नाम पे। और जो भगवान ही नहीं है, जो भगवान तो जितने ही भगवान है वो कोरोना के टाइम पे कोई भी बीमारी के टाइम पे हेल्प करने के नहीं आता है, मॉरल सपोर्ट मिलता पर इतना हेल्प करने के नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि जो इंता जिंदा जिंदा है उनको ही भगवान मानो। हेलो ऑलराइट हाँ थैंक यू बाबा। हाँ मैं सर 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 मेरे को एक बोलने थिंग बनने का है सर, आप मिया में एक्टिव है क्या? किसमें? सोशल मीडिया में ट्विटर फेसबुक? मेरा ट्विटर अकाउंट है लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं कभी कभार इधर उधर की वो छोड़ देता हूँ कोई ट्वीट, लेकिन आई पर्सनली अवॉइड दैट। मैं ज़्यादातर उसको यूज़ करता हूँ जैसे मैंने किसी से अगर कॉन्टैक्ट करना है, मैंने किसी का इंटरव्यू करना है, कोई चैट पे किसी को इन्वाइट करना, लिंक भेजना वगैरह वगैरह, तो मैं भी उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा आप मेरे को एक लास्ट सवाल है, आप 90 के पाकिस्तान में आपको बहुत सारी यादें होगा, आपने आपको 90 में बहुत फेम में मोमेंट था 90 में पाकिस्तान। हाँ तुम्हारी आवाज़ सॉरी यार कट रही है, वो बहरहाल में तुम्हारे नेटवर्क का इशू है, मुझे इसमें समझ नहीं आई। अगर किसी और को इसका सवाल समझ में आए तो हेलो रिपीट। हाँ भाई किसी और को सवाल इसका समझ आए? आवाज क्लियर नहीं है। नहीं है ना? ओके हाँ हेलो अभी आवाज आ रहा है। हेलो 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 अभी आ रहा है आवाज? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 90 के आप 90 के बॉर्न हो ना, तो आप 90 के बॉर्न में आपका टाई हुल कैसा गया? आपका टाई हुल में क्या फेवरेट मोमेंट कौन था? यार मेरा जो फेवरेट मोमेंट जैसे बच्चों को होता है ना, वो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन में एक हुआ करता था किसी जमाने में, चलो उसमें एक बड़ा मशहूर सिंग गाना है मेरे बचपन के दिन। तो अगर आपको यूट्यूब पे जाओ ना तो उसको सर्च करना, पाकिस्तान का एक सिंगर है आई थिंक मोहम्मद अली शैकी ने गाया था मेरे बचपन के दिन, उसको सर्च करो, वो आप जब सुनोगे ना तो आपको सारी जो मैं फीलिंग्स है ना वो मेरी समझ में आ जाएंगी। अभी जाके सुनना, यू विल फील गुड, पता चल जाएगा कि मैं क्या मेरा फेवरेट मोमेंट है। ओके हेलो एंटी थियसी जी आपके सर फाइनल वर्ड। हेलो ये फिर कुछ कहना चाह रहे हैं पहले ये बोलने यार आपकी आवाज आ रही है, थैंक यू वेरी मच यार मैं इसको मैंने हेलो मैं आवाज आ रही पर नेटवर्क के बदले ने आप नेट टाइम आपको बात करेंगे क्योंकि मेरा नेटवर्क भी पावर यानी आप सही है, मैंने समझ गया, मैंने आपसे कहा कि आप आ गई है अब मैंने सुन लिया आप मेरा, मैंने आपसे कहा ना वो गाना जाके सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे मेरे बचपन के दिन, ये पाकिस्तानी गाना है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो वो जो मेरा फेवरेट मोमेंट है ना वो इस गाने के अंदर आपको उसकी फीलिंग आ जाएगी सारी, आप उसको जाके मेरे बचपन के दिन को सर्च करो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा गाना, वो सुनो पाकिस्तान का। अच्छा ठीक है ओके ऑल यंग मैन थैंक यू जी। एंटी साहब आप दूरदर्शन नहीं देखते रहे?
यार वो जितना मैं ये दूरदर्शन मैंने उस टाइम पे नहीं देखा, अब मैं देख रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे जो उसके पुराने वो जो है ना वो जो है महाभारत की वो यूट्यूब की जितनी मुझे मिल जाती है वो मैं देखता रहता हूँ। वो तो बात की मगर 80s लेट 80s में और अर्ली लेट 80s में ना वहां से संडे को एक क्रेज कॉस्मोस भी आया करता था कार्ल सेगल वाली, वो इतनी वो था मेरे लिए इंस्पिरेशन। और 9 o'clock पे फिर वो भारत एक खोज जो है हिस्ट्री के लिए इंडिया की, जिसने मुझे इनिशियल जो है ना वो दिया, स्टार्टअप दिया थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर यही रामायण और उसके कुछ ग्लिम्सेस जो है ना वो हमेशा से याद रह गए और जो उन्होंने अच्छा ही इम्पैक्ट छोड़ा। खैर वापस इस पे टॉपिक पे आते हैं, मेरा वही यही कहना है कि हम 21st century में रहते हैं, 21st century के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने टूल्स हैं, अपने मैकेनिज्म हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं। 21st century में रहते हुए 1400 years पहले वाले प्रिंसिपल्स या साइंसेस को या उससे पुराने प्रिंसिपल या साइंसेस के ऊपर रिलाय करना ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी चलाएं मगर बैक व्यू मिरर देखकर, यानी चला आप सामने रहे हो मगर नज़र आपकी थ्रू आउट बैक व्यू मिरर पे हो, तो वो गाड़ी कितने आराम से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती है वो आपको भी आइडिया है। इंडिया के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं कहूँगा, वहाँ खुद इनके लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उसको समझेंगे और समझ रहे हैं। मगर अब जैसे एग्जांपल है कि टर्की की है, टर्की ऑलमोस्ट उन्हीं लाइंस पे चल रहा है जो टर्की की जो करंट पार्टी एक इलेक्टेड वे से आई है, उनके यहाँ भी जो है ना वो अपनी कलेक्टिव नार्सिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और वो रिलीजन बेस ही है, वो जगह जगह मदरसे खुल रहे हैं, प्रोग्राम्स डाले जा रहे हैं, पैरेलल साइंसेस ले लाई जा रही। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा कि उन्होंने जो है वो जो इसकी इंटेलिजेंट डिज़ाइन जो है वो एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम डाल दिया और डार्विन थ्योरी ऑफ जो है इसको उन्होंने पसे पुश कर दिया अपने स्कूल करिकुलम में और वो और डिफरेंट वो मेजर्स ले रहे हैं, तो बेसिकली वही वाला काम कर रहे हैं। और उससे एक अच्छी खासी एक टर्किश सेकुलर और लिबरल जो सोसाइटी थी वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है और एक न्यू पाकिस्तान बन रही है। तो लोगों से इल्तिमास ये है कि पाकिस्तान ना बने, पाकिस्तान 60s में इन जनरल जो है वो काफ़ी बेहतर शक्ल में था, थोड़ी बहुत लोग पढ़ते भी थे, किताबें भी पढ़ते थे, लिबरल चीज़ें पढ़ते थे, मगर जब आप एक डायरेक्शन पर सिर्फ सोचना शुरू कर दें और वो भी जिसमें आपका पास्ट ग्लोरियस पास्ट जो है ना वो शामिल जो कि है, यानी अपने टाइम पे जो पास्ट है वो बहुत अच्छा है इंडिया के अंदर, मगर उसके ज़रिए आप करंट दौर को जो है ना निगेट ना करें। जैसे मैंने एक देखा है कोई नीलेश एक हैं जो कि उन्होंने किसी तरह प्रूव कर दिया कि महाभारत और जो है ये रामायण जो है वो 12,000 BC उस टाइम पे दुनिया में इवन आयरन एज भी नहीं आई थी, ब्रॉन्ज एज चल रही थी, सिविलाइजेशन दुनिया में कोई ऐसा वो नहीं मिलता, प्रूफ नहीं मिलता कि कहीं जो है ना कल्टीवेशन या और दूसरी चीज़ें डेवलप हुई, उन्होंने उस टाइम पे करी। तो वो बेसिकली एट द एंड क्या होगा, दुनिया नहीं इस चीज़ को माने, दुनिया तो अपने प्रूफ्स की तरफ जाएगी, वो उसे मजाक समझेंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि 21st century में रहना है, अपने पास पे फख्र रखें मगर गाड़ी सामने की तरफ देख के चलाएं बैक व्यू मिरर से नहीं। ये दुनिया का सूल है, पूरी यूरोप जो है इस चीज़ से गुजर के आया, यूरोप को बुरा भला समझना भी छोड़ दें, इनकी अपनी आफ्टर रिनाइसेंस पिछले 400 साल में एक्सट्रीम ह्यूज जो है ना उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिसको हमें जो है ना वो मानना चाहिए, ना कि हम इनकी हर अचीवमेंट को ये समझें कि ये तो इन्होंने चोरी से फ्रॉड से उधर से लेके इधर लगा लिया, दूसरों के आइडिया चुरा लिया, ऐसा नहीं है, चुराए हुए आइडिया से कभी भी कौमें इतने लेवल तक तरक्की करके नहीं पहुंचती। तो मेरे लिए जो है ना स्कैंडिनेविया जो है वो जिसको मैंने खुद अपनी मर्जी से चूज़ किया, मैं बॉन्ड नहीं हुआ इधर मगर मेरे मुझे ये चॉइस मिली कि मैं जिस देश को चुनूँ, तो मैंने स्कैंडिनेविया को इन्हीं बेसिस पे किया कि इसको मैं बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करता हूँ इस सोसाइटी को, इनके अचीवमेंट्स को, और इस टाइप की सोसाइटी में चाहता हूँ कि बाकी तरफ हमारे साइड हमारे खत्ते में भी जो है ना यही वैल्यूज़ और यही नॉर्म्स जो है ना वो फैलें और इस टाइप की वो बने सोसाइटीज और हर रैंकिंग में दुनिया के नंबर बनाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आपके आखिरी अल्फाज, फिर इसके बाद शो का एंड करते हैं। हाँ आखिरी अल्फाज तो मतलब इस प्रोग्राम के लिए आखिरी होगा, आखिरी अल्के हाँ इसी प्रोग्राम के लिए, आखिरी नहीं क्या आप कहोगे बाद में
कहीं आपके इसके कहने के बाद मेरे सचमुच का हमेशा के लिए आखिरी हो जाएंगे तो आपको फिर प्रॉफिट उठ मिल जाएगा साथ में। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसी प्रॉफिट उठनी चाहिए भाई, ऐसी प्रॉफिट उठनी चाहिए। नहीं तो जो एंटीथीस कह रहे हैं, वैसे तो एंटीथीस की आवाज आपसे बहुत मिलती जुलती है, आप लोग क्या मतलब रिश्तेदार है क्या? यार ये कुंभ के मेले में खो गए थे 1980 में। यार ये कुंभ का मेले ने हमारे ये मुझे पहले ये हमारे जो बॉलीवुड है कुंभ के मेले को बिल्कुल ही बदनाम कर दिया एकदम, सब खो जाते हैं वहां जाके। नहीं मेरा ख्याल है इसका इसका ताल्लुक जो है ना वो शायद हम जिस तरीके से हम उर्दू बोलते ना हमारी, उसकी वजह से शायद लोगों को शक पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर उर्दू और हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं थोड़ा सा फर्क है, तो वो जो अल्फाज का जो चुनाव है शायद उसकी वजह से लोग ऐसे लगे। मगर ये कि मैंने अपना सरनेम अभी नहीं यहाँ इधर लिखा, वरना लोग तो वाकई हमें सेम समझे, क्योंकि मेरा सरनेम भी है ये जो इनका सरनेम एटलीस्ट जो उन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है। है आपका भी शाह है? अच्छा नहीं है ना। ये सारे शाह देखे, ये शाह जो है ना ये कंस्पिरेसी चल रही है, ये कंस्पिरेसी चल रही है शाह जी सारी, अमित शाह उधर है, इधर दो शाह इधर आ गए। शाहों ने मिलके जो मेरा सिक्योरिटी के लिए मैं ये बोल देता हूँ, जेपी जेपी। ओके नहीं तो मैं तो देखिए मैं एंटीथीस्ट की बात से राजी हूँ, मतलब ठीक है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो सोशल इंडिकेटर से बहुत अच्छा है, लेकिन उनका एक दूसरा चीज था कि उनके पॉपुलेशन और कुछ हिस्टोरिकल चीज है जो अलग है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन सबको अगर आगे बढ़ना है ना, हमारा हिस्टोरिकल बैगेज बहुत अलग तरीके का है और हमको बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर हम आज सोचे कि रिलीजन खत्म हो जाए, प्रैक्टिकली होगा नहीं, ये जो चीज है ये रहेगा ही, क्योंकि इतने बड़े देश में ये सोचकर कोई काम करना बहुत मुश्किल है, तो इसको मान के चलना पड़ेगा कि ये रहेगा, लेकिन हाउ टू मिनिमाइज एंड लोग कैसे और साइंटिफिक होंगे। अब जो बात आती है कि ये पुराने साइंसेस वैदिक साइंस हो या इस्लामिक साइंस हो, आप देखेंगे अगर इनमें जो सच्चाइयां थी, फॉर एग्जाम्पल जीरो हम कहते हैं इंडिया में बना है, वो तो मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया, कोऑप्ट कर लिया अपने अंदर। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा जो भी सही चीज होगी पुराने साइंसेज में सब मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट कर लेगी। हाँ, लेकिन मगर जो ये देखे ना जीरो इंडिया में था बना जिसमें तो सारी दुनिया ने माना, मगर फायदा तो दूसरे मुल्कों ने उठाया ना उससे। आज जो साइंस जहां तक पहुंची है ट्रिग्नोमेट्री से फायदा तो दूसरे मुल्कों ने उठाया, तो ये हमने देखना है कि बजाय इसके कि पास्ट को एज ए फ्यून के तौर पे लें आप ओपीएम के तौर पे कि हाँ हमने जीरो बनाया, हमने दुनिया को मैथ्स दी, हमने दुनिया को नंबर सिस्टम दिया, हमने दुनिया को अर्थ का जो है ना डायमीटर रेडी वो सरकमफ्रेंस जो है वो हमने मुहैया करके दे दिया, ठीक है। आज वो अपने टाइम पे बहुत अच्छी थी, इवन मैंने इंडियन ओल्ड भी डेफिनेटली वेदा उपनिषद के लेवल तक तो नहीं मैं पहुंचूं, मगर बेसिक जो है आपकी भगवत गीता जो है मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें से एक एक वर्ड जो है ना बहुत आपको एक मॉरल और बहुत वैल्यूएबल चीजें देता है, मगर वो अपने टाइम पे पता चलता है कि वो किस लेवल तक थिंकिंग कर रहे थे, मगर वो उससे थिंकिंग जो है वो एक आउटकम में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकी, उस पर हमें गौर करना है। और हो सकता है कि उसी यानी मैंने ये स्कैंडिनेविया की एग्जांपल ये नहीं दी कि जिस प्रोसेस से गुजर के स्कैंडिनेवियंस आज जिस लेवल पहुंचे हैं उसी को ही हम कॉपी पेस्ट करके उधर अप्लाई करते नहीं है, मगर टारगेट ऐसा रखें जैसे ये सोसाइटीज़ हैं, ये भी एक दूसरे के साथ एनिमिटी रखती थी, ये 300 साल कंजेक्टिव वॉर के अंदर इन्वॉल्व रही, इनके ऊपर जर्मनी ने एक 3 दिन के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा का पूरा डेनमार्क जो है ना वो हड़प कर लिया था, इतनी ईजिली इतने ईजी वो थे, मगर आज तो इन्होंने लर्न किया अपनी अपनी हिस्ट्री से, अपने पास से निकल के और अपने पास को पूजने के बजाय या अपने पास में जिन लोगों ने इनको फायदे दिए उनको पूजने के बजाय उनकी मूर्तियां लगाने के बजाय उनके काम पे जो है ना फोकस टेक्नोलॉजी। हाँ जो 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 भी नेशंस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे आज के दौर में, अगर वो पास्ट में इतना ज्यादा घुसी रहेंगी तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ फ्यूचर फॉर देम। टेक्नोलॉजी इज द पाथ फॉरवर्ड सॉरी। तो इसका एग्जांपल ये है शाहजी, ठीक है, वी आर पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, कितना नोबल लाए हमने, कितने नोबल लाए लास्ट 40 इयर्स में, कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू इंडिया से हुआ है? 1. वी रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट लाइक 20% ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो कितना नोबल हमने लाया है?
कितना प्रॉब्लम पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड ने लाया है। हाँ नहीं नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप इसको काउंटर इस तरह कर सकते हैं कि इंडिया फिर भी थोड़ा सा, जैसे वो मार्स पे रोवर भेज रहा है, चांद पे भेजने की कोशिश कर रहा है, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज अ विल जिसको जो है ना कैरी ऑन करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा पास्ट में जाने के बजाय शायद थोड़ा सा भी फ्यूचर पे भी देखना चाहिए दोनों तरफ, तो शायद हमारी जो है ना लाइफ तो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगे, हम वैसे पीछे तो रह गए इसमें, नो डाउट, मेरा ख्याल है हम सब एग्री करेंगे कि वी आर क्वाइट बिहाइंड, और अब शायद कोशिश कर रहे हैं अब कैचअप करने की। तो जैसे अब जैसे आईटी एक ऐसा शोभा है जिसमें इंडियंस या पाकिस्तानी अभी भी जो है ना पूरी दुनिया के साथ आप कह सकते हैं या उनसे शायद आगे ही हो एक फील्ड में आईटी के अंदर, तो इफ़ वी कैन डू दिस टेक्नोलॉजी तो हम बाकी सेक्टर्स में भी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम शायद अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस बायसेस में कहीं अटक के ना थोड़ा सा अपना काम खराब कर देते। वी आर ऑलमोस्ट एज गुड एज एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड, अगर उससे कम किसी भी सूरत में नहीं है, शायद थोड़ी सी विल की या लीडिंग की या थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है। और ये जो हम, मैं भी ये कर रहा हूँ, ये हम सब जो बैठ के ये बातें कर रहे हैं, परहैप्स ये भी एक उसी तरफ एक हमारी एफर्ट है, हमारा एक छोटा सा एक इस समुंदर में एक कतरा ही है, लेकिन फिर भी एफर्ट है कि शायद अगर 10 आदमी देख के इसको अपना वो कहते हैं कि यार यस लेट्स मूव फॉरवर्ड, या जैसे अब insta.mil और वो CC जो है दे हैव पहले तो सब वो कास्ट पे बात कर रहे हैं लेकिन उसका सोल्यूशन को नहीं दे रहा, तो दे आर ट्राइंग टू पुट अ सोल्यूशन अराउंड, अगर उसको 10,000 लोग भी देखते हैं तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो आई थिंक वी ऑल डूइंग अवर पार्ट समवट के कैसे हमने आगे जाना है, और ये बेसिक जो हमारी जो कंसंट्रेशन है होनी चाहिए वो यही है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो उसमें मुश्किल तो ऑफकोर्स होंगी, जैसे भी ये NTCS भी कहते हैं, यूरोप ने भी इतने साल सैकड़ों साल आपस में लड़ के सीख लिया कि जी मिलजुल के विद इन 50 years 60 years, अगर जब वो जैसे मिलना शुरू हुए 60 years में दे बिकम अ ह्यूज पावर, ग्लोबल पावर, इकोनॉमिक पावर। तो अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन ही बना ले, आई मीन विद इन 20-25 years यू विल सी कि जो हमारी पास जो हम जो GDP का 20-22% हुआ करते थे वर्ल्ड की, इट विल बाउंस बैक। तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये इकोनॉमिक जोन अगर बनता तो इट विल बी द बिगेस्ट एंड मोस्ट लुक्रेटिव बिकॉज ऑफ द पीपल द लैंड द रिसोर्सेज वी हैव इन अवर कंट्रीज। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स कैन मैच अस इन इंटेलेक्ट। एक पॉइंट ऐड कर दो। यस प्लीज। अपने यहाँ लोगों को ना कहानियों से ज्यादा आसानी से समझ में आता है, तो yes. किसी दिन ऐसे पकड़ के अपने को आसियान जो साउथ ईस्ट एशिया का जो ये ग्रुप है कंट्रीज का उसका इकोनॉमिक ग्रुप और यूरोप का यूरो, उसकी कहानी सुनानी पड़ेगी कि कैसे बना, क्यों बना और से क्या फायदे हुए लोगों को। यस yes, और आप 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 आपको ये पता है कि वंस यू स्टार्ट गेनिंग सम मतलब आपके पास जो बेनिफिट्स आने लग जाए ना, तो फिर आपकी ये साइकोलॉजी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज दैट बिकॉज़ आपको डर लगता है, यू वांट टू कीप दिस। और जो बेनिफिशियल है ना इकोनॉमिक बेनिफिशियल जब होते बेनिफिट्स जो है वो हमने देखा है सोसाइटीज में पास्ट में कि जहाँ जिस मुल्क में तरक्की हुई, जहाँ दौलत आई, वो बेहतर हो गया, वो उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म खत्म हो गई, उसके अंदर से और प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, क्योंकि ये हमारी बेसिक साइकोलॉजी के अंदर है, वी आर हम रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर हम गेन करना शुरू कर दें, आई बेट मैं किसी के साथ भी बेट लगा सकता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड होना शुरू हो जाए और दोनों तरफ के लोग पैसा बनाने लगे ना, वी विल बी वेरी आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है हमारी टेंशंस भी अगर होगी तो इतनी ज़्यादा आगे फ्लेयर अप नहीं होगी। जैसे अभी इंडिया चाइना की ट्रेड हो रही है, अगर आप देखें सारे अरसे में इंडिया चाइना के साथ ट्रेड होती रही है, ओके ठीक है वो जो बेनिफिट्स थे वो चाइनीज को ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन सब वे इंडियंस आर ऑल्सो मेकिंग मनी, तो वो इतना ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं हुआ। अब वो खैर एक लंबा इशू है, मेरे ख्याल में उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल में इस पर भी हम करेंगे डेफिनेटली। आई हैव टू रैप इट अप। एंड मेरा एक सजेशन है, क्योंकि सिंस मुझे लोग क्रिश्चियन बुला रहे हैं यहाँ पे, मेरा सजेशन ये है कि अट्रोसिटीज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, तो आने वाले स्ट्रीम्स पे अगर हम इस पर भी फोकस करेंगे, स्पेशली मदर तेरेसा और मदर तेरेसा की फाउंडेशन ने क्या किया है, तो दैट वुड बी अ गुड टॉपिक टू डिस्कस आई गेस। ये मदर तेरेसा ने क्या किया, मदर तेरेसा तो एक नोबेल पीस प्राइज लेकर आई है ना देश के लिए, और क्या करेगी बेचारी।
आपको क्या चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ सब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट टाइम, बट लेकिन वो सब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे फिर तीन घंटे का मैं कहता हूँ, वो 3.5 घंटे हो गए तो देखिये रुस्तम सर जी, आपको 3.5 घंटे में भागना नहीं चाहिए। अमीना सरदार, उन्होंने 12 घंटे का स्ट्रीम किया, आप मर्दों के लिए भी तो कुछ करो, सिर्फ यही कर रहे हो, रिलीजन के अगेंस्ट बात करने से नहीं होगा ना। नहीं वहाँ एक लड़की ने 12 घंटे का स्ट्रीम करके चली गई, आप सोचो कुछ यार, हो सकता उस दिन वो फारी हो, उनके पास और कोई काम ना हो, जो भी हो, हम सारे जो है ना, अभी आपका रात पता कितने रात हो गई है, मेरा तो खैर ठीक है, लेकिन आप लोगों का सुना है अभी ये सारी, हो सकता है जो जो शादीशुदा है ना उन सब की वाइफ कह रही होंगी अब ये कहाँ चिपका हुआ यार, वो सारी गालियां मुझे पड़ रही होंगी, सारी जो है ना वो बैड सारी मेरे तरफ आ रही है, तो आई जस्ट वांट टू सेव माय सेल्फ, मेरे पास शील्ड भी नहीं है, वो जो शील्ड होती थी जैसे वो उसमें था स्टार ट्रेक में कि जी शील्ड 20%, तो मुझे लग रहा है मेरी शील्ड में कमी आ रही है, तो आई हैव टू लीव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कंट्रीब्यूटिंग योर वैल्यूएबल इनपुट। एक बस मैं लास्ट एक अपना डिस्क्लेमर रख दे जाऊं कि कुछ लोगों को ये लगे ना लगे कि कोई जब एटलीस्ट मैं जब बात कर रहा था कोई इंडियन बैशिंग की या वो बात कर रही थी, इंडिया के डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको इंडियंस ने रिजॉल्व करना है, हमारे यहाँ ये मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम उसके बारे में, मैं तो एटलीस्ट मुझे पता है कि उसके बारे में कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया ही नहीं जा सकता, या एटलीस्ट बहुत डिफिकल्ट है जिस किस्म की सोसाइटी में, मुझे तो वहाँ इवन लाइट इन द टनल भी नहीं कोई नज़र आ रही, इंडिया के अंदर एटलीस्ट मुझे ये पता है कि यहाँ एक ऐसी चीज़ है कि ये इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, मुझे सिर्फ फिक्र ये होती है कि इंडिया जो है जिस तरह से मुझे पाकिस्तान ना बन जाए, पाकिस्तान टर्की, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं बनेगा डेफिनेटली, पाकिस्तान जैसे इतने भी उसके बुरे हालात नहीं, मगर टर्की जिस डायरेक्शन पे चल पड़ा है तो वो उस डायरेक्शन में, और होपफुली मुझे नहीं कि इतना मैं नहीं हूँ पेसिमिस्टिक नहीं हूँ कि इंडिया चला जाएगा, मगर एटलीस्ट थोड़ा बहुत मुझे वो डर लग रहा था, मगर इंटेंशन ये नहीं थी कि कोई जनरली लोग वो पाकिस्तानी को समझते हैं कि शायद इंडियन बैशिंग या एंटी इंडियन हैट्रेड जो है उसकी बेसिस पे आ रहा, मेरा ऐसा कोई मुझे कई लोग मुझे कह रहे होते हैं दूसरे स्ट्रीम में कि जी ये पता नहीं, मुझे उस दिन कोई कह रहा था ISA का एजेंट है, कोई आर्मी का एजेंट बना रहा था, कोई पता नहीं रॉक एजेंट, आई डोंट नो, खैर एनीवे तो लेट्स फिनिश दिस स्ट्रीम टुडे, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज भाई, इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया हो तो बहुत मेहरबानी है, आप लोगों की देखने का सुनने का शुक्रिया, अपना अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से अगले शो में मुलाकात होगी, आपके पास अगर कोई कमेंट है, कोई ईमेल मुझे करना चाहता है या तो प्लीज लिख दे, मैं जैसे आज मैंने शुरू में एक कमेंट पढ़ दिया था बाजवा साहब का, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट, सो थैंक यू वेरी मच, गुड डे गुड नाइट, जहाँ जहाँ पे आप सबकी तरफ से नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय बाय।